हाय गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर जिस फिल्म या फिर सीरीज़ की रिकॉर्डिंग बात की जाएगी उस सीरीज यानी उस फिल्म का नाम है वादो वो तो दोस्तों एक इंडियन तेलगु लैंग्वेज की टेलीविज़न सीरीज़ है इसके अलावा इस सीरीज़ को जैसे कि आपको बता दें नंबर ऑफ सीजन में बनाया गया जहाँ पर यह पहला सीजन है एंड नंबर ऑफ एपिसोड में भी रखा गया है जहाँ पर सात एपिसोड के साथ तो आप इस सीरीज को पूरे एपिसोड को यानी हिंदी के अलावा जैसे कि डब्ड वर्जन में तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम मराठी बंगाली ये सभी वर्जनस में आप इस सीरीज को जैसे कि ऑफिशियली कहाँ पर देख सकते हो उसकी जानकारी देंगे तो दोस्तों इस फिल्म को कौन से ओ पर कौन से सेटेलाइट पर ऑफिशियली फ्री में देख पाओगे उसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ और साथ ही फिल्म की प्रोडक्शन की बात की जाएगी आर्टिस्ट की 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 भी बात जाएगी साथ ही म्यूजिकल डिपार्टमेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट की भी बात की जाएगी इसके अलावा फिल्म या फिर सीरीज का प्लॉट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ और फिल्म या फिर सीरीज का डीप रिव्यू एंड फैक्ट्स की भी बात की जाएगी और फिल्म का बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर की बात की जाएगी इसके अलावा इस सीरीज़ का मेन कॉन्सेप्ट क्या रखा गया उसकी भी बात की जाएगी और साथ ही दोस्तों फिल्म की जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्टिंग की बात है जैसे कि बताया जा रहा है कि इस सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक हर एक आर्ट मतलब कैरेक्टर के ऊपर एक 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 वन बाय वन जैसे कि मिस्ट्री क्रिएट करते हुए रहते हैं जो कि उनका मतलब मिस्ट्री रहता है जो कि उनकी लाइफ में कुछ अनहोनी ऐसी चीज़ होती है जो कि कहानी है हर एक के ऊपर रहती है हर एक कैरेक्टर पर तो वो सभी उनकी इंटरेस्टिंग की जितने भी बातें वो सभी करेंगे तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप हमारे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरूर वॉच करिएगा तो दोस्तों ट्वेंटी थ्री की एयर में रिलीज हुई इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिलर ड्रामा सीरीज है यानी फिल्म है तो दोस्तों बेसिट की बात की जाए तो ये सीरीज आपको बता दें कि एक रिमेक सीरीज है जहाँ पर आपको बता दें कि दो हज़ार इक्कीस में जो हॉई चोई सीरीज थी बंगाली लैंग्वेज की उस सीरीज का ये रीमेक है तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज़ को डायरेक्ट किए हुए पोलोरू कृष्णा सर ने पोलोरू कृष्णा सर के डायरेक्शन के अलावा इस फिल्म में जैसे कि इस सीरीज़ में आपको बता दें कि स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें उन्होंने ही करके दी हुई इस फिल्म में उनका ही ये सभी चीज़ में फिल्म में आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी एंड दोस्तों फिल्म की प्रोड्यूसर की बात की जाए तो आपको बता दें जहाँ पर श्रीकांत मोहता उनके अलावा महेंद्रा सोनी ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हुए काफ़ी बड़े बड़े बोल सकते हैं लाइक सीरीज के प्रोड्यूसर हैं तो दोस्तों स्टारिंग कास्ट की बात की जाए तो अविका गौर उनके अलावा जैसे कि अली रेजा एंड नंदू भी आपको इस में स्टार्टिंग कास्ट में देखने को मिलेगी इस सीरीज में तो दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए यानी सीरीज की तो राम के महेश का इस फिल्म यानी सीरीज में सिनेमाग्राफिक देखने को मिलता है पूरा सीरीज को उन्होंने सिनेमाग्राफिक दिए हुए वहीं पर अनिल कुमार पी का जो कि इसमें जैसे कि सीरीज़ में एडिटिंग देखने को मिलता है इस सीरीज़ को पूरा उन्होंने एडिट करके दिया हुए जहाँ पर उन्होंने जैसे कि आपको बता दें लाइक हर एक एपिसोड में आपको सत्रह से तेईस मिनट के साथ आप वाच कर सकते हो जैसे कि सात एपिसोड में आपको एक एपिसोड में सत्रह से तेईस मिनट के अंदर लेंथ देखने को मिलेगी एसी के साथ आप पूरा एपिसोड को वॉच कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो वैसे आपको बता दे इसी लेंथ के साथ पूरी सीरीज़ को रखा गया है हाँ दोस्तों डेफिनेटली इसी के साथ आप वाच कर सकते हो हाँ शायद कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है वो आप एपिसोड में देखोगे तभी आपको पता चलेगी तो दोस्तों फिल्म की म्यूजिकल डिपार्टमेंट यानी सीरीज की बात की जाए तो श्री राम माधुरी इस फिल्म यानी सीरीज़ को उनका म्यूजिक साउंड ट्रैक देखने को मिलते हैं जहाँ पर उन्होंने करके दिए हुए थे जो कि कंपोजिंग भी उनका रहा जो कि बैकग्राउंड स्कोर सीरीज में भी उनका है सुनने को मिलते हैं साथ ही दोस्तों अगर आप सभी सीरीज के साथ जब सीरीज चलता है हर एक एपिसोड में आप पूरा एंजॉय कर पाओगे जहाँ पर सॉन्ग्स के साथ बीजीएम जो बजता है डिटेलिंग में वही आपको पता चल जाएगी किस तरह से क्या रखा गया जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों फिल्म की सीरीज यानी प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी कौन सा कंपनी ने इस सीरीज को बनाई है कौन से कंपनी के अंडर तो श्री वेंकटेश फिल्म्स के बैनर के नीचे यानी कंपनी के अंडर इस सीरीज को यानी फिल्म को बनाई गई है जी हाँ दोस्तों वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो उनके ओर से डिस्ट्रीब्यूटर भी कंप्लीट करवाई है अब दोस्तों आर्टिस्ट की बात करेंगे आ, मतलब लाइक like, कौन सा एक्टर एक्ट्रेस किस रोल के साथ आ, मतलब सीरीज में नजर आएंगे यानी वही या आपको बताएंगे तो दोस्तों वैसे आपको बता दे यानी इस सीरीज में यानी फिल्म में ज़्यादा मतलब कैरेक्टर तो नहीं है आर्टिस्ट मतलब ज़्यादा तो नहीं लिया गया है हाँ थोड़े बहुत ही है बट अगर आप एपिसोड में देखोगे तो आपको पता चल जाएगी कितना क्या है तो यहाँ पर मेकर्स ने जितना मतलब बताए उतना ही मैं आपको बताऊँगा जहाँ पर ज्यादा नहीं है तीन ही है तो उसी हिसाब से आपको मैं बताऊंगा जहाँ पर अविका गौर एज अंजूरी इंदु का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर इंदु करके फिल्म में बुलाते हैं, उनको इंदु के साथ ही फिल्म में नजर आएंगे नंदू एज आनंद का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर इंदु के हस्बैंड रहते इसमें सीरीज में जो कि आपको बता दें इसमें उसका मतलब हस्बैंड के साथ देखने को मिलेगी आपको फिल्म में यानी सीरीज में इसी के साथ आली रेजा एज ए आर्या का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर सीरीज में आपको इसी रोल के साथ नजर आने वाले हैं तो यही रोल इसमें भी ये निभा रहे हैं तो ओवरऑल सभी के सभी जो कि आर्टिस्ट यानी कास्टिंग बता दिया हूँ जिस हिसाब से जिस तरह से रखा गया उसी तरह आपको जिस तरह से मैंने यानी बताई आपको ओवरऑल उसी के साथ आपको देखने को मिलेगी यानी नजर आएगी सभी कास्टिंग जी हां दोस्तों तो दोस्तों वादो वो फिल्म यानी सीरीज़ को 8 दिसंबर 2023 की एयर में जैसे कि डायरेक्ट ओ के डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज़ करवाई थी यानी कि प्रीमियम करवाई थी जहां दोस्तों जहां पर इंडियन तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जैसे कि कई सारे डब्ड वर्जन में जैसे कि हिंदी बंगाली तमिल कन्नडा मलयालम मराठी ये सभी डब्ड वर्जन में सीरीज़ को रिलीज़ की गई थी जो कि आप सभी फिल्म यानी सीरीज़ को देख पा रहे थे जी हाँ दोस्तों अपने बिल्कुल सही सुना तो जब वादो वो फिल्म यानी सीरीज़ को ओटीटी पर रिलीज़ की गई थी तो क्रिटिक्स का रेस्पॉन्स की बात की जाए तो यानी मिक्स रिव्यूज मिला था इस सीरीज़ को तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज़ को आईएमडीबी पर सिक्स पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है इसी के साथ गूगल की बात की जाए तो सेवेंटी वन परसेंट इस फिल्म को यानी सीरीज़ को लाइक्स मिली हुई है साथ ही दोस्तों फिल्म का बजट यानी सीरीज़ की बजट की बात की जाए तो यहाँ पर पब्लिकली तो रिवील नहीं की गई जो कि अनहाइड करके रखे हुए मेकर्स ने जी हाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च किया था बट फिर भी मुझे पता नहीं चले जो भी पता चले वही आपको बता रहा हूँ जहाँ पर आ, मतलब अनहाइड करके रखे हुए तो इसी के दौरान आपको पता नहीं पा रहा हूँ बट आने वाले टाइम पर देखते हैं उसका कुछ होता है तो आपको मैं आ, मतलब नेक्स्ट वीडियो पर कुछ जो भी है पूरा कोशिश करूंगा मतलब देने की बट फिलहाल अभी तो कुछ है नहीं जहां पर बजट अनहाइड करके रखे हुए हैं पब्लिकली रिवील नहीं की है इसी के साथ दोस्तों वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो वो भी वहाँ पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी अनहाइड करके रखे हुए हैं पब्लिकली रिवील नहीं की गई है मेकरस ने जहाँ दोस्तों इसी के साथ अगर आप दोस्तों आपको बता दें जिस हिसाब से मतलब सीरीज ने रन कर पाई थी ओ पर जिस हिसाब से चल रही थी अभी जिस हिसाब से चल रही है तो दोस्तों वाध तेलुगु लैंग्वेज की टेलीविज़न सीरीज़ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई गई जहाँ पर मेकर्स के दौरान आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा हिट बनने में कामयाब रही जो कि चल भी रही है तो अगर आप वेब सीरीज़ देखते हो उस टाइप का जैसे कि मिस्ट्री के साथ तो ये फिर सीरीज़ या फिर फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज के बारे में हम डिस्कस करें जैसे कि लाइक आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि कास्ट के बारे में मतलब आपको बताए एक्टर एंड एक्ट्रेस की किस तरह से परफॉर्मेंस रहा तो दोस्तों अविका गौर एज ए अंजूरी इंदू का रोल इसमें निभाए जहाँ पर इंदू का वो जो रोल निभाएं उनका रोल काफ़ी ज़्यादा अव्वल दर्जे में इसमें नज़र आएगी जहाँ पर उन्होंने इस वेब सीरीज़ में जैसे कि पूरा सीरीज़ में एपिसोड्स में आपको कहीं ना कहीं एकदम ब्रिलियंट काम करते हुए नज़र आएगी जैसे कि इसमें उनका एक्टिंग जैसे कि चीज़ें जो डराने में कामयाब रहती जैसे कि मिस्ट्री के बाद हर एक चीज़ें एक स्टाइल टाइपले मतलब वन बाय वन जैसे कि चीज़ें नज़र आएगी आपको उनकी जैसे कि डायलॉग के साथ स्क्रीन में वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एकदम बेटर से ने, बेटर देखने को मिलेगी जैसे कि उनकी डायलॉग और चीज़ें जो मिस्ट्री के साथ जो कि सस्पेंस में बनाने में कामयाब रहती इनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं उस भी चीज़ें डराने में कामयाब रहते जैसे एक बाई एक चीज़ें जानने में आपको मज़ा आएगी जैसे कि पूरी एपिसोड में कैसे पूरा वन टू थ्री फोर सेवन ऐसा जो एपिसोड है पूरा एपिसोड में आप किस तरह से इंगेजिंग बांधोगे कैसे रखोगे उनके वजह से आप इसमें इंदू के वजह से आप एपिसोड देखोगे जय फिर इंदू ने इसमें जैसे कि पूरा एपिसोड में एक बाई एक जैसे कि वो पहला शादी से लेकर काफ़ी अपने शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहते लाइक जैसे उनकी लाइफ में ऐसा कुछ परेशानी रहता है कि वो जल्दी शादी कर नहीं पाते या फिर होता नहीं है बट हालांकि शादी हो जाता है उसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड के घर जाते जहाँ पर वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि हर एक जैसे कि कैरेक्टर पर हर एक इंसान पर जो भी मिस्ट्री है सस्पेंस है वो बनाने में कामयाब रहती जैसे कि हर एक की कहानी एक बाय एक कहानी सुनाने में कामयाब रहती इनकी वो जानने में ये इन दो लगा रहता वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें एकदम पकड़ने में कामयाब रहती उनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं चीज़ें पॉजिटिवली है या नेगेटिव वो आगे जाके आपको पता चलेगी इनकी कामें कहीं ना कहीं सीन्स में बहुत महत्वपूर्ण करता है फिल्म के लिए जैसे कि सीरीज़ के लिए इनके अलावा नंदू एज ए आनंद का रोल निभा रहा है जहाँ पर इंदू के हस्बैंड रहते हैं इसमें तो वो आनंद इसमें किस तरह से उनकी जो एक्टिंग है काफ़ी हद तक इसमें भी नज़र आई जैसे कि इसमें इंदू के पीछे वो लगा रहता है इंदू क्या करती है क्यों होता है क्यों नहीं होता है क्यों होना चाहिए क्यों होता है वो सभी चीजें हर एक स्टेप बाई स्टेप जैसे कि मिस्ट्री सस्पेंस वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से आप इंगेज करोगे इनकी मतलब ह्यूमिटी जैसे कि पॉजिटिवली इग्नोरिंग सेंस और अदरवाइज जैसे कि वो चीज़ें इनके साथ जो होता है अनहोनी वो सभी चीज़ें गुजरना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी गुजरता है वही ये भी काफ़ी ज़्यादा डरने के साथ वो फिल्में नज़र आए तो उनकी एक्टिंग डायलॉग सर्कोरिज्म चीज़ें सही सभी के सभी आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी मुझे तो ओवरऑल ठीक ठाक लगा अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से इनकी आए एक्टिंग देख सकते हो कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो चीज़ें थोड़ा बहुत पकड़ने में आपको ठीक ठाक रखेगी सीरीज में पूरा वैसे अली रेजा इसमें जो आर्या का रोल निभाए आर्या इसमें वो भी चीज़ें इनके साथ एक जैसे बोल सकते हैं उनके साथ क्यों हो रहा है वो भी जानते हैं जैसे कि मिस्ट्री में इनकी एक्टिंग जैसे कि सीन्स में इनका जो ठीक ठाक जैसे कि इनके सीरीज में जैसा एक्टिंग है और चीजें जैसे कि पता चलता है कि इनका भी सीरीज में जैसे कि एक ठीक ठाक महत्वपूर्ण तो रोल रहता है जैसे कि इनकी रोल में चीज़ें और ज़्यादा बिखरे हुए रहते हैं तो वो चीज़ें इनके साथ क्यों होता है वो भी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी इनकी एक्टिंग जैसे कि लाइक सीन्स में जैसे बॉडी लैंग्वेज बात करने का ढंग जो भी चीज़ें इनके साथ भी ठीक ठाक नजर आते हैं इसक्रीन में पूरा इन्होंने भी यूँ मानो कि जान फूक दिए एक्टर में जो भी इनकी एक्टिंग है वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिलता है हाँ उतना ख़ास नहीं है बट ज़्यादा अगर बोलोगे तो इंदू का रोल इसमें महत्वपूर्ण रहा पूरा एपिसोड में वो बोल सकते हैं सीरीज़ में उनकी वजह से आप वाच करोगे इंदु इसमें जो चीज़ें हैं किस तरह से दिखाने में कामयाब रही उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है डायलॉग है स्टाइल है जैसे कि उनके साथ है थोड़ा बहुत चीज़ें आपको कहना कि अगर आप टेलीविजन सीरीज़ देखते हो तो वो उस उस टाइप का इसमें एक्टर और जो कि उन्होंने एक्ट्रेस इसमें रोल जो है निभाए हैं तो उस टाइप का इसमें डाला गया अदरवाइज इसी भी चीज़ें के अलावा जैसे कि आपको बता दें हर एक एपिसोड में जैसे कि टाइमिंग की बात करें तो सत्रह से तेईस मिनट के एपिसोड में रखा गया तो पूरा एपिसोड के साथ एक बाई एक जैसे कि एक एपिसोड देखते हो तो पूरा एपिसोड क्यों देखना चाहिए क्यों देखने को मतलब मतलब देखने में इंगेजिंग रहेगी टाइमिंग वो सभी चीज़ें आपको पता चलेगी सीरीज की में और ये सभी चीज़ें के अलावा सीरीज में जैसे कि बी जो एक डरने वाला जो घुस बम देता है वो बी स्कोर कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगी सिनेमाग्राफिक सीन्स में वही सभी है चीज़ें थोड़ा बहुत और चीज़ें और मतलब पकड़ने में कामयाब रहती और अलग नेक्स्ट लेवल तक कर सकते थे यहाँ पर और एक्शन स्वीकेंस तो उतना नहीं है जहाँ पर होना चाहिए जिस हिसाब से वहाँ पर उतना कुछ खास नहीं है अपम सीरीज में, में उस भी चीज़ देखने को मिलेगी नहीं एडिटिंग में आपको बता दें सत्रह से तेईस मिनट के टाइम में जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक एपिसोड लगता है कि बढ़ाया गया तो वहाँ पर कम करना चाहिए था पाँच छः मिनट उस एपिसोड में, उस में उस के अलावा जैसे कि इसमें सेंस में कहीं ना कहीं और कुछ खास कर सकते थे स्क्रीन प्ले टाइट था प्लॉट तो एक यूनिक नहीं है बट वही टाइप का है जैसे एक मिस्ट्री में हर एक सीरीज में आप देखते हो स्टोरी में जैसे कि क्रिएट होता है कहानी हर एक के ऊपर एक कहानी रहता है उसे भी जानने में मतलब सस्पेंस के साथ मिस्ट्री किस तरह से होता है वही टाइप का सीरीज़ है अगर आप फोटोग्राफ को ले लो तो फोटोग्राफ में भी सीन्स में उतना कुछ अव्वल दर्जे का है नहीं ठीक ठाक देखने को मिलता है तो अगर आप डायरेक्टर के डायरेक्शनल की बात करो यहाँ पर सीरीज़ की तो पोलोरी कृष्णा उनकी जो जैसे लाइक आप बड़े बड़े सीरीज तो उन्होंने बना चुके ऑलरेडी बट उनके सीरीज़ में ऐसा ही रहता कुछ मिस्ट्री के साथ कहानी वो डेवलप करते हमारे सामने जो पेसेस किए हुए वो सभी चीज़ें जैसे कि हर एक आर्टिस्ट को किस तरह से हमारे सामने सीरीज के दौरान दिखाए गए वो सभी चीज़ें इनकी कहीं ना कहीं एक मतलब अव्वल दर्जे के साथ नेक्स्ट लेवल में काम देखने को मिलता है तो वो सभी चीज़ें इनकी पसंद आएगी अगर आप सीरीज़ देखते हो तभी बिकॉज अगर आप सीरीज़ नहीं देखते हो तो आपको पसंद नहीं आएगी वो उस टाइप का फिल्म है ये जी हाँ दोस्तों यानी सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ओ के डिजनी प्लस हॉटस्टार पर विथ इंग्लिश सेपरेटर विथ सब्सन के साथ तेलुगु ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा जैसे कि हिंदी तमिल कन्नड़ा बंगाली मराठी मलयालम ये सभी डब्ड वर्जन में आप इस सीरीज को यानी फिल्म को देख सकते हो आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तभी आप सीरीज को यानी फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों आप इस सीरीज़ को यानी इस फिल्म को अगर वॉच करना चाहते हो तो इस तरह से वॉच कीजिएगा यानी एंजॉय कीजिएगा आप हमारे इस चैनल को अब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की यानी सीरीज़ की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी किस तरह से क्या गया किस तरह से की गई है जो भी चीज़ें रखा गया वो आपको बताऊंगा तो दोस्तों द सीरीज इन द तेलुगु रीमेक ऑफ द 2021 ईयर ट्वेंटी वन ईयर इन सीरीज इंदू डायरेक्टेड बाय सेंतम घोस्वाल द प्रिंसिपल फोटोग्राफी ऑफ द सीरीज कमेंस विथ अविका गौर एंड अली रेजा एंड नंदू जॉइन द कास्ट द सीरीज़ ए अनाउंसमेंट बाय डिज्नी प्लस हॉटस्टार तो दोस्तों यही सभी जो कि फिल्म के सीरीज की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जा रही है जो कि रखा गया इसी तरह तो दोस्तों आखिर में फिल्म यानी सीरीज़ की प्लॉट या फिर स्टोरी कहानी जो भी कह लो उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी देंगे किस तरह से क्या रखा गया है जो भी एक्सप्लेनेशन है तो दोस्तों इंदु की शादी एक में परिवार में होने वाली है पहले उसकी शादी संजय से होने वाली थी लेकिन उसकी बहन बानों उसके साथ भाग जाती है शादी के शादी से एक रात पहले उसकी परिवार को धूले के परिवार से उपहार मिलाते हैं इसमें एक कतल भाई शामिल है जो सीला हुआ प्रातीत होता है परिवार ने इसे खोलकर देखा तो इसमें एक पत्ता मिला इंदु पत्ता लेकर अपने जो कि दादी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है तो दोस्तों आगे भी कहानी उस टाइप का है जो पता चलने में आपको जो कि जानने में आपको फिल्म देखनी पड़ेगी यानी सीरीज देखनी पड़ेगी जहाँ पर सीरीज़ में हर एक जैसे कि कैरेक्टर के ऊपर एक बाय एक कहानी क्रिएट करते हुए रहती है जैसे कि कहानी जानने में आपको पता चले कि जब पर हर एक का प्रॉब्लम रहता है जो कि मिस्ट्री के साथ सस्पेंस बनाने में कामयाब रहेगी अगर आप सीरीज देखते हो इस टाइप का मिस्ट्री सस्पेंस के टाइप की तो अगर आप उस टाइप का देखते हो तो फिर ये आपके लिए ज़रूर पसंद आएगी तो इसमें वही टाइप की कहानी है तो आपको कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मजा भी देगी आपको इंगेजिंग भी करेगी अगर इस टाइप का सीरीज देखते हो तभी आप जाके देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज को डायरेक्ट किए हुए पोलोरू कृष्णा सर ने पोलोरू कृष्णा सर के डायरेक्शन के अलावा इस फिल्म में जैसे कि इस सीरीज़ में आपको बता दें कि स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें उन्होंने ही करके दी हुई इस फिल्म में उनका ही ये सभी चीज़ में फिल्म में आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी एंड दोस्तों फिल्म की प्रोड्यूसर की बात की जाए तो आपको बता दें जहाँ पर श्रीकांत मोहता उनके अलावा महेंद्रा सोनी ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हुए काफ़ी बड़े बड़े बोल सकते हैं लाइक सीरीज के प्रोड्यूसर हैं तो दोस्तों स्टारिंग कास्ट की बात की जाए तो अविका गौर उनके अलावा जैसे कि अली रेजा एंड नंदू भी आपको इस में स्टार्टिंग कास्ट में देखने को मिलेगी इस सीरीज में तो दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए यानी सीरीज की तो राम के महेश का इस फिल्म यानी सीरीज में सिनेमाटोग्राफिक देखने को मिलता है पूरा सीरीज को उन्होंने सिनेमाटोग्राफिक दिए हुए वहीं पर अनिल कुमार पी का जो कि इसमें जैसे कि सीरीज में एडिटिंग देखने को मिलता है इस सीरीज़ को पूरा उन्होंने एडिट करके दिए जहां पर उन्होंने जैसे कि आपको बता दें लाइक हर एक एपिसोड में आपको सत्रह से तेईस मिनट के साथ आप वॉच कर सकते हो जैसे कि सात एपिसोड में आपको एक एपिसोड में सत्रह से तेईस मिनट के अंदर लेंथ देखने को मिलेगी इपि... इसी के साथ आप पूरा एपिसोड को वॉच कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो वैसे आपको बता दे इसी लेंथ के साथ पूरी सीरीज को रखा गया है हाँ दोस्तों डेफिनेटली इसी के साथ आप वाच कर सकते हो हाँ शायद कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है वो आप एपिसोड में देखोगे तभी आपको पता चलेगी तो दोस्तों फिल्म की म्यूजिकल डिपार्टमेंट यानी सीरीज़ की बात की जाए तो श्री राम माधुरी इस फिल्म यानी सीरीज को उनका ही म्यूजिक साउंड ट्रैक देखने को मिलती है जहाँ पर उन्होंने करके दिए हुए थे जो कि कंपोजिंग भी उनका रहा जो कि बैकग्राउंड स्कोर सीरीज में भी उनका है सुनने को मिलती है साथ ही दोस्तों अगर आप सभी सीरीज के साथ जब सीरीज चलता है हर एक एपिसोड में आप पूरा इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पर सॉन्ग्स के साथ बीजीएम जो बजता है डिटेलिंग में वही आपको पता चल जाएगी किस तरह से क्या रखा गया है जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों फिल्म की सीरीज यानी प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी कौन सा कंपनी ने इस सीरीज को बनाई है कौन से कंपनी के अंडर तो श्री वेंकटेश फिल्म्स के बैनर के नीचे यानी कंपनी के अंडर इस सीरीज को यानी फिल्म को बनाई गई है जी हाँ दोस्तों वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो उनके ओर से डिस्ट्रीब्यूटर भी कंप्लीट करवाई है अब दोस्तों आर्टिस्ट की बात करेंगे मतलब लाइक कौन सा एक्टर एक्ट्रेस किस रोल के साथ मतलब सीरीज में नजर आएंगे यानी वही आपको बताएंगे तो दोस्तों वैसे आपको बता दें यानी इस सीरीज में यानी फिल्म में ज़्यादा मतलब कैरेक्टर तो नहीं है आर्टिस्ट मतलब ज़्यादा तो नहीं लिया गया हाँ थोड़े बहुत ही है बट अगर आप एपिसोड में देखोगे तो आपको पता चल जाएगी कितना क्या है तो यहाँ पर मेकर्स ने जितना मतलब बताया उतना ही मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर ज़्यादा नहीं है तीन ही हैं तो उसी हिसाब से सब आपको बताऊंगा जहां पर अविका गौर एज अंजूरी इंदु का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर इंदु करके फिल्म में बुलाते हैं उनको इंदु के साथ ही फिल्म में नजर आएंगे नंदू एज आनंद का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर इंदु के हस्बैंड रहते हैं इसमें सीरीज में जो कि आपको बता दे इसमें उसका मतलब हस्बैंड के साथ देखने को मिलेगी आपको फिल्म में यानी सीरीज में इसी के साथ आली रेजा एज ए आरिया का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर सीरीज में आपको इसी रोल के साथ नजर आने वाले हैं तो यही रोल इसमें भी ये निभा रहे हैं तो ओवरऑल सभी के सभी जो कि आर्टिस्ट यानी कास्टिंग बता दिया हूँ जिस हिसाब से जिस तरह से रखा गया उसी तरह आपको जिस तरह से मैंने यानी बताई आपको ओवरऑल उसी के साथ आपको देखने को मिलेगी यानी नजर आएगी सभी कास्टिंग जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों वादो वो फिल्म यानी सीरीज को 8 दिसंबर 2023 की एयर में जैसे कि डायरेक्ट ओ के डिजनी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज करवाई थी यानी कि प्रीमियम करवाई थी जहां दोस्तों जहां पर इंडियन तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जैसे कि कई सारे डब्ड वर्जन में जैसे कि हिंदी बंगाली तमिल कन्नडा मलयालम मराठी ये सभी डब वर्जन में सीरीज को रिलीज की गई थी जो कि आप सभी फिल्म यानी सीरीज को देख पा रहे थे जी हाँ दोस्तों अपने बिल्कुल सही सुना तो जब वादो वो फिल्म यानी सीरीज़ को ओटीटी पर रिलीज़ की गई थी तो क्रिटिक्स का रेस्पॉन्स की बात की जाए तो यानी मिक्स रिव्यूज मिला था इस सीरीज़ को तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज़ को आईएमडीबी पर सिक्स पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है इसी के साथ गूगल की बात की जाए तो सेवेंटी वन परसेंट इस फिल्म को यानी सीरीज़ को लाइक्स मिली हुई है साथ ही दोस्तों फिल्म का बजट यानी सीरीज़ की बजट की बात की जाए तो यहाँ पर पब्लिकली तो रिविल नहीं की गई जो कि अनहाइड करके रखे हुए मेकर्स ने जी हाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च किया था बट फिर भी मुझे पता नहीं चले जो भी पता चले वही आपको बता रहा हूँ जहाँ पर मतलब अनहाइट करके रखे हुए तो इसी के दौरान आपको पता नहीं पा रहा हूँ बट आने वाले टाइम पर देखते हैं उसका कुछ होता है तो आपको मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो पर कुछ जो भी है पूरा कोशिश करूंगा मतलब देने की बट फिलहाल अभी तो कुछ है नहीं जहां पर बजट अनहाइड करके रखे हुए हैं पब्लिकली रिवील नहीं की गई इसी के साथ दोस्तों वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो वो भी वहाँ पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी अनहाइड करके रखे हुए हैं पब्लिकली रिवील नहीं की गई है ने जी हाँ दोस्तों इसी के साथ अगर आप दोस्तों आपको बता दें जिस हिसाब से मतलब सीरीज ने रन कर पाई थी ओ पर जिस हिसाब से चल रही थी अब ये जिस हिसाब से चल रही है तो दोस्तों वाध वो तेलुगू लैंग्वेज की टेलीविज़न सीरीज़ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई गई जहाँ पर मेकर्स के दौरान आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा हिट बनने में कामयाब रही जो कि चल भी रही है तो अगर आप वेब सीरीज़ देखते हो उस टाइप का जैसे कि मिस्ट्री के साथ तो ये फिर सीरीज़ या फिर फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज़ के बारे में हम डिस्कस करें जैसे कि लाइक आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि कास्ट के बारे में मतलब आपको बताए एक्टर एंड एक्ट्रेस की किस तरह से परफॉर्मेंस रहा तो दोस्तों अविका गौर एज ए अंजूरी इंदू का रोल इसमें निभाया जहाँ पर इंदू का वो जो रोल निभाएं उनका रोल काफ़ी ज़्यादा अव्वल दर्जे में इसमें नज़र आएगी जहाँ पर उन्होंने इस वेब सीरीज़ में जैसे कि पूरा सीरीज़ में एपिसोड्स में आपको कहीं ना कहीं एकदम ब्रिलियंट काम करते हुए नजर आएगी जैसे कि इसमें उनका एक्टिंग जैसे कि चीज़ें जो डराने में कामयाब रहती जैसे कि मिस्ट्री के बाद हर एक चीज़ें एक इस ले मतलब वन बाय वन जैसे कि चीज़ें नजर आएगी आपको उनकी जैसे कि डायलॉग के साथ स्क्रीन में वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एकदम बेटर से बेटर देखने को मिलेगी जैसे कि उनकी डायलॉग और चीज़ें जो मिस्ट्री के साथ जो कि सस्पेंस में बनाने में कामयाब रहती इनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं उस भी चीज़ें डराने में कामयाब रहते जैसे एक बाय एक चीज़ें जानने में आपको मजा आएगी जैसे कि पूरी एपिसोड में कैसे पूरा वन टू थ्री फोर सेवन ऐसा जो एपिसोड है पूरा एपिसोड में आप किस तरह से इंगेजिंग बांधोगे कैसे रखोगे उनके वजह से आप इसमें इंदु के वजह से आप एपिसोड देखोगे जय फिर इंदु ने इसमें जैसे कि पूरा एपिसोड में एक बाय एक जैसे कि वो पहला शादी से लेकर काफ़ी अपने शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहते लाइक जैसे उनकी लाइफ में ऐसा कुछ परेशानी रहता है कि वो जल्दी शादी कर नहीं पाते या फिर होता नहीं है बट हालांकि शादी हो जाता है उसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड के घर जाते जहाँ पर वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि हर एक जैसे कि कैरेक्टर पर हर एक इंसान पर जो भी मिस्ट्री है सस्पेंस है वो बनाने में कामयाब रहती है जैसे कि हर एक की कहानी एक बाय एक कहानी सुनाने में कामयाब रहती इनकी वो जानने में ये इन दो लगा रहता है वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें एकदम पकड़ने में कामयाब रहती उनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं चीज़ें पॉजिटिवली है या नेगेटिव वो आगे जाके आपको पता चलेगी इनकी कामें कहीं ना कहीं सीन्स में बहुत महत्वपूर्ण करता है फिल्म के लिए जैसे कि सीरीज़ के लिए इनके अलावा नंदू एज ए आनंद का रोल निभा रहा है जहाँ पर इंदु उसके हस्बैंड रहते हैं इसमें तो वो आनंद इसमें किस तरह से उनकी जो एक्टिंग है काफ़ी हद तक इसमें भी नज़र आई जैसे कि इसमें इंदु के पीछे वो लगा रहता है इंदु क्या करती है क्यों होता है क्यों नहीं होता है क्यों होना चाहिए क्यों होता है वो सभी चीज़ें हर एक स्टेप बे स्टेप जैसे कि मिस्ट्री सस्पेंस वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से आप एंगेज करोगे इनकी मतलब ह्यूमिटी जैसे कि पॉजिटिवली ने इग्नोरिंग सेंस और अदरवाइस से, जैसे कि वो चीज़ें इनके साथ जो होता है अनहोनी वो सभी चीज़ें गुजरना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी गुजरता है वही ये भी काफ़ी ज़्यादा डरने के साथ वो फिल्में नज़र आए तो उनकी एक्टिंग डायलॉग सर्कोरिज्म चीज़ें सही सभी के सभी आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी मुझे तो ओवरऑल ठीक ठाक लगा अदरवाइज आप अपने हिसाब से इनकी आए एक्टिंग देख सकते हो कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आ, मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो चीज़ें थोड़ा बहुत पकड़ने में आपको ठीक ठाक रखेगी सीरीज में पूरा वैसे अली रेजा इसमें जो आर्या का रोल निभाए आर्या इसमें वो भी चीज़ें इनके साथ एक जैसे बोल सकते उनके साथ क्यों हो रहा है वो भी जानते हैं जैसे कि मिस्ट्री में इनकी एक्टिंग जैसे कि सीन्स में इनका जो ठीक ठाक जैसे कि इनके सीरीज में जैसा एक्टिंग है और चीजें जैसे कि पता चलता है कि इनका भी सीरीज में जैसे कि एक ठीक ठाक महत्वपूर्ण तो रोल रहता है जैसे कि इनकी रोल में चीज़ें और ज़्यादा बिखरे हुए रहते हैं तो वो चीज़ें इनके साथ क्यों होता है वो भी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी इनकी एक्टिंग जैसे कि लाइक सीन्स में जैसे बॉडी लैंग्वेज बात करने का ढंग जो भी चीज़ें इनके साथ भी ठीक ठाक नज़र आते स्क्रीन में पूरा इन्होंने भी यूँ मानो कि जान फूक दिए एक्टर में जो भी इनकी एक्टिंग है वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिलता है हाँ उतना खास नहीं है बट ज़्यादा अगर बोलोगे तो इंदू का रोल इसमें महत्वपूर्ण रहा पूरा एपिसोड में वो बोल सकते हैं सीरीज़ में उनकी वजह से आप वाच करोगे इंदु इसमें जो चीज़ें हैं किस तरह से दिखाने में कामयाब रही उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है डायलॉग है स्टाइल है जैसे कि उनके साथ है थोड़ा बहुत चीज़ें आपको कहीं ना कि अगर आप टेलीविजन सीरीज़ देखते हो तो वो उस उस टाइप का इसमें एक्टर और जो कि उन्होंने एक्ट्रेस इसमें रोल जो है निभाए हैं तो उस टाइप का इसमें डाला गया अदरवाइज इसी भी चीज़ें के अलावा जैसे कि आपको बता दें हर एक एपिसोड में जैसे कि टाइमिंग की बात करें तो सत्रह से तेईस मिनट के एपिसोड में रखा गया है तो पूरा एपिसोड के साथ एक बाय एक जैसे कि एक एपिसोड देखते हो तो पूरा एपिसोड क्यों देखना चाहिए क्यों देखने को मतलब मतलब देखने में इंगेजिंग रहेगी टाइमिंग वो सभी चीज़ें आपको पता चलेगी सीरीज की में और ये सभी चीज़ें के अलावा सीरीज़ में जैसे कि बी जो एक डरने वाला जो घूस बम देता है वो बीजीएम स्कोर कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगी सिनेमाग्राफिक सीन्स में वही सभी है चीज़ें थोड़ा बहुत और चीज़ें और मतलब पकड़ने में कामयाब रहती और अलग नेक्स्ट लेवल तक कर सकते थे यहाँ पर और एक्शन स्वीकेंस तो उतना नहीं है जहाँ पर होना चाहिए जिस हिसाब से वहाँ पर उतना कुछ खास नहीं है अपमें सीरीज में, में उस भी चीज देखने को मिलेगी नहीं एडिटिंग में आपको बता दें सत्रह से तेईस मिनट के टाइम में जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक एपिसोड लगता है कि बढ़ाया गया तो वहाँ पर कम करना चाहिए था पाँच छः मिनट उस एपिसोड में, उस में उस के अलावा जैसे कि इसमें सेंस में, में कहीं ना कहीं और कुछ खास कर सकते थे स्क्रीन प्ले टाइट था प्लॉट तो एक यूनिक नहीं है बट वही टाइप का है जैसे एक मिस्ट्री में हर एक सीरीज में आप देखते हो स्टोरी में जैसे कि क्रिएट होता है कहानी हर एक के ऊपर एक कहानी रहता है उसे भी जानने में मतलब सस्पेंस के साथ मिस्ट्री किस तरह से होता है वही टाइप का सीरीज़ है अगर आप फोटोग्राफ को ले लो तो फोटोग्राफ में भी सीस में उतना कुछ अव्वल दर्जे का है नहीं ठीक ठाक देखने को मिलता है तो अगर आप डायरेक्टर की डायरेक्शनल की बात करो यहाँ पर सीरीज़ की तो पोलोरी कृष्णा उनकी जो जैसे लाइक आप बड़े बड़े सीरीज तो उन्होंने बना चुके ऑलरेडी बट उनके सीरीज़ में ऐसा ही रहता कुछ मिस्ट्री के साथ कहानी वो डेवलप करते हमारे सामने जो पेशेस किए हुए वो सभी चीज़ें जैसे कि हर एक आर्टिस्ट को किस तरह से हमारे सामने सीरीज़ के दौरान दिखाए गए वो सभी चीज़ें इनकी कहीं ना कहीं एक मतलब अव्वल दर्जे के साथ नेक्स्ट लेवल में काम देखने को मिलता है तो वो सभी चीज़ें इनकी पसंद आएगी अगर आप सीरीज़ देखते हो तभी बिकॉज अगर आप सीरीज़ नहीं देखते हो तो आपको पसंद नहीं आएगी उस टाइप का फिल्म है ये जी दोस्तों यानी सीरीज है तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ओ के डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर विद इंग्लिश सेपरेटर विथ सबक्रिप्शन के साथ तेलुगु ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा जैसे कि हिंदी तमिल कन्नडा बंगाली मराठी मलयालम ये सभी डब्ड वर्जन में आप इस सीरीज को यानी फिल्म को देख सकते हो आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तभी आप सीरीज को यानी फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों आप इस सीरीज़ को यानी इस फिल्म को अगर वॉच करना चाहते हो तो इस तरह से वॉच कीजिएगा यानी एंजॉय कीजिएगा अब हमारे इस चैनल को अब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की यानी सीरीज़ की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी किस तरह से क्या गया है किस तरह से की गई है जो भी चीज़ें रखा गया वो आपको बताऊँगा तो दोस्तों द सीरीज इन द तेलुगू रीमेक ऑफ द टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ईयर हो सीरीज इन दो डायरेक्टेड बाई सेंटम घोसवाल द प्रिंसिपल फोटोग्राफी ऑफ दीरीज कमेंस विथ अविका गोर एंड अली रेजा एंड नंदू जॉइन द कास्ट दीरीज वॉज ए अनस्मेंट बाई डिजनी प्लस हॉट स्टार तो दोस्तों यही सभी जो कि फिल्म के सीरीज की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जा रही है जो कि रखा गया है इसी तरह तो दोस्तों आखिर में फिल्म यानी सीरीज़ की प्लॉट या फिर स्टोरी कहानी जो भी कह लो उसके बारे में थोड़े बहुत आपको जानकारी देंगे किस तरह से क्या रखा गया है जो भी एक्सप्लेनेशन है तो दोस्तों इंदु की शादी एक में परिवार में होने वाली है पहले उसकी शादी संजय से होने वाली थी लेकिन उसकी बहन बानों उसके साथ भाग जाती है शादी के शादी से एक रात पहले उसकी परिवार को धोले के परिवार से उपहार मिलाते हैं इसमें एक कतल भाई शामिल है जो हुआ प्रातीत होता है अब परिवार ने इसे खोलकर देखा तो इसमें एक पत्ता मिला हिंदू पत्ता लेकर अपने जो कि दादी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है तो दोस्तों आगे भी कहानी उस टाइप का है जो पता चलने में आपको जो कि जानने में आपको फिल्म देखनी पड़ेगी यानी सीरीज देखनी पड़ेगी जहाँ पर सीरीज में हर एक जैसे कि कैरेक्टर के ऊपर एक बाई एक कहानी क्रिएट करते हुए रहती है जैसे कि कहानी जानने में आपको पता चले कि जब पर हर एक का प्रॉब्लम रहता है कि जो कि मिस्ट्री के साथ सस्पेंस बनाने में कामयाब रहेगी अगर आप सीरीज देखते हो इस टाइप का मिस्ट्री सस्पेंस के टाइप की तो अगर आप उस टाइप का देखते हो तो फिर ये आपके लिए ज़रूर पसंद आएगी तो इसमें वही टाइप की कहानी है तो आपको कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मजा भी देगी आपको इंगेजिंग भी करेगी अगर इस टाइप का सीरीज़ देखते हो तभी आप जाके देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज़ को डायरेक्ट किए हुए पोलोरू कृष्णा सर ने पोलोरू कृष्णा सर के डायरेक्शन के अलावा इस फिल्म में जैसे कि इस सीरीज़ में आपको बता दें कि स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें उन्होंने ही करके दी हुई इस फिल्म में उनका ये सभी चीज़ में फिल्म में आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी एंड दोस्तों फिल्म की प्रोड्यूसर की बात की जाए तो आपको बता दें जहाँ पर श्रीकांत मोहता उनके अलावा महेंद्रा सोनी ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हुए काफ़ी बड़े बड़े बोल सकते हैं लाइक सीरीज के प्रोड्यूसर हैं तो दोस्तों स्टारिंग कास्ट की बात की जाए तो अविका गौर उनके अलावा जैसे कि अली रेजा एंड नंदू भी आपको इस में स्टार्टिंग कास्ट में देखने को मिलेगी इस सीरीज में तो दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए यानी सीरीज की तो राम के महेश का इस फिल्म यानी सीरीज में सिनेमाग्राफिक देखने को मिलता है पूरा सीरीज को उन्होंने सिनेमाग्राफिक दिए हुए वहीं पर अनिल कुमार पी का जो कि इसमें जैसे कि सीरीज़ में एडिटिंग देखने को मिलता है इस सीरीज़ को पूरा उन्होंने एडिट करके दिया है जहाँ पर उन्होंने जैसे कि आपको बता दें लाइक हर एक एपिसोड में आपको सत्रह से तेईस मिनट के साथ आप वॉच कर सकते हो जैसे कि सात एपिसोड में आपको एक एपिसोड में सत्रह से तेईस मिनट के अंदर लेंथ देखने को मिलेगी इसी के साथ आप पूरा एपिसोड को वॉच कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो वैसे आपको बता दे इसी लेंथ के साथ पूरी सीरीज़ को रखा गया है हाँ दोस्तों डेफिनेटली इसी के साथ आप वॉच कर सकते हो हाँ शायद कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है वो आप एपिसोड में देखोगे तभी आपको पता चलेगी तो दोस्तों फिल्म की म्यूजिकल डिपार्टमेंट यानी सीरीज की बात की जाए तो श्री राम माधुरी इस फिल्म यानी सीरीज को उनका म्यूजिक साउंड ट्रैक देखने को मिलते हैं जहाँ पर उन्होंने करके दिए हुए थे जो कि कंपोजिंग भी उनका रहा जो कि बैकग्राउंड स्कोर सीरीज में भी उनका है सुनने को मिलते हैं साथ ही दोस्तों अगर आप सभी सीरीज के साथ जब सीरीज चलता है हर एक एपिसोड में आप पूरा एंजॉय कर पाओगे जहाँ पर सॉन्ग्स के साथ बीजीएम जो बजता है डिटेलिंग में वही आपको पता चल जाएगी किस तरह से क्या रखा गया जी दोस्तों तो दोस्तों फिल्म की सीरीज यानी प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी कौन सा कंपनी ने इस सीरीज को बनाई है कौन से कंपनी के अंडर तो श्री वेंकटेश फिल्म के बैनर के नीचे यानी कंपनी के अंडर इस सीरीज को यानी फिल्म को बनाई गई है जी हाँ दोस्तों वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो ओर से डिस्ट्रीब्यूटर भी कंप्लीट करवाई है अब दोस्तों आर्टिस्ट की बात करेंगे आ, मतलब लाइक कौन सा एक्टर एक्ट्रेस किस रोल के साथ आ, मतलब सीरीज में नजर आएंगे यानी वही या आपको बताएंगे तो दोस्तों वैसे आपको बता दें यानी इस सीरीज में यानी फिल्म में ज़्यादा मतलब कैरेक्टर तो नहीं है आर्टिस्ट मतलब ज़्यादा तो नहीं लिया गया है हाँ थोड़े बहुत ही है बट अगर आप एपिसोड में देखोगे तो आपको पता चल जाएगी कितना क्या है तो यहाँ पर मेकर्स ने जितना मतलब बताए उतना ही मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर ज्यादा नहीं है तीन ही है तो उसी हिसाब से मैं बताऊंगा पर अविका गौर एज अंजूरी इंदु का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर इंदु करके फिल्म में बुलाते हैं उनको इंदु के साथ ही फिल्म में नजर आएंगे नंदू एज ए आनंद का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर इंदू के हस्बैंड रहते हैं इसमें सीरीज में जो कि आपको बता दे इसमें उसका मतलब हस्बैंड के साथ देखने को मिलेगी आपको फिल्म में यानी सीरीज में इसी के साथ आली रेजा एज ए आर्या का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर सीरीज में आपको इसी रोल के साथ नजर आने वाले हैं तो यही रोल इसमें भी ये निभा रहे हैं तो ओवरऑल सभी के सभी जो कि आर्टिस्ट यानी कास्टिंग बता दिया जिस हिसाब से जिस तरह से रखा गया उसी तरह आपको जिस तरह से मैंने यानी बताई आपको ओवरऑल उसी के साथ आपको देखने को मिलेगी यानी नजर आएगी सभी कास्टिंग जी हां दोस्तों तो दोस्तों वादो वो फिल्म यानी सीरीज़ को 8 दिसंबर 2023 की एयर में जैसे कि डायरेक्ट ओ के डिजनी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज़ करवाई थी यानी कि प्रीमियम करवाई थी जहां दोस्तों जहां पर इंडियन तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जैसे कि कई सारे डब्ड वर्जन में जैसे कि हिंदी बंगाली तमिल कन्नडा मलयालम मराठी ये सभी डब्ड वर्जन में सीरीज़ को रिलीज की गई थी जो कि आप सभी फिल्म यानी सीरीज को देख पा रहे थे जी हाँ दोस्तों अपने बिल्कुल सही सुना तो जब वादो वो फिल्म यानी सीरीज़ को ओटीटी पर रिलीज़ की गई थी तो क्रिटिक्स का रेस्पॉन्स की बात की जाए तो यानी मिक्स रिव्यूज मिला था इस सीरीज़ को तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज़ को आईएमडीबी पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है इसी के साथ गूगल की बात की जाए तो 71 परसेंट इस फिल्म को यानी सीरीज़ को लाइक्स मिली हुई है साथ ही दोस्तों फिल्म का बजट यानी सीरीज़ की बजट की बात की जाए तो यहाँ पर पब्लिकली तो रिविल नहीं की गई जो कि अनहाइड करके रखे हुए मेकर्स ने जी हाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च किया था बट फिर भी मुझे पता नहीं चले जो भी पता चले वही आपको बता रहा हूँ जहाँ पर आ, मतलब अनहाइड करके रखे हुए तो इसी के दौरान आपको पता नहीं पा रहा हूँ बट आने वाले टाइम पर देखते हैं उसका कुछ होता है तो आपको मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो पर कुछ जो भी है पूरा कोशिश करूंगा मतलब देने की बट फिलहाल अभी तो कुछ है नहीं जहां पर बजट अनहाइड करके रखे हुए हैं पब्लिकली रिवील नहीं की गई इसी के साथ दोस्तों वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो वो भी वहाँ पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी अनहाइड करके रखे हुए हैं पब्लिकली रिवील नहीं की गई मेकरस ने जी हाँ दोस्तों इसी के साथ अगर आप दोस्तों आपको बता दें जिस हिसाब से मतलब सीरीज ने रन कर पाई थी ओ पर जिस हिसाब से चल रही थी अब ये जिस हिसाब से चल रही है तो दोस्तों वाध वो तेलुगू लैंग्वेज की टेलीविज़न सीरीज़ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई गई जहाँ पर मेकर्स के दौरान आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा हिट बनने में कामयाब रही जो कि चल भी रही है तो अगर आप वेब सीरीज़ देखते हो उस टाइप का जैसे कि मिस्ट्री के साथ तो ये फिर सीरीज़ या फिर फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज के बारे में हम डिस्कस करें जैसे कि लाइक आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि कास्ट के बारे में मतलब आपको बताए एक्टर एंड एक्ट्रेस की किस तरह से परफॉर्मेंस रहा तो दोस्तों अविका गौर एज ए अंजूरी इंदू का रोल इसमें निभाए जहाँ पर इंदू का वो जो रोल निभाएं उनका रोल काफ़ी ज़्यादा अव्वल दर्जे में इसमें नज़र आएगी जहाँ पर उन्होंने इस वेब सीरीज़ में जैसे कि पूरा सीरीज़ में एपिसोड्स में आपको कहीं ना कहीं एकदम ब्रिलियंट काम करते हुए नज़र आएगी जैसे कि इसमें उनका एक्टिंग जैसे कि चीज़ें जो डराने में कामयाब रहती जैसे कि मिस्ट्री के बाद हर एक चीज़ें एक इस ले मतलब वन बाय वन जैसे कि चीज़ें नजर आएगी आपको उनकी जैसे कि डायलॉग के साथ स्क्रीन में वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एकदम बेटर से ने, बेटर देखने को मिलेगी जैसे कि उनकी डायलॉग और चीज़ें जो मिस्ट्री के साथ जो कि सस्पेंस में बनाने में कामयाब रहती इनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं उस भी चीज़ें डराने में कामयाब रहते हैं जैसे एक बाय एक चीज़ें जानने में आपको मज़ा आएगी जैसे कि पूरी एपिसोड में कैसे पूरा वन टू थ्री फोर सेवन ऐसा जो एपिसोड है पूरा एपिसोड में आप किस तरह से इंगेजिंग बांधोगे कैसे रखोगे उनके वजह से आप इसमें इंदू के वजह से आप एपिसोड देखोगे जय जैपर इंदू ने इसमें जैसे कि पूरा एपिसोड में एक बाय एक जैसे कि वो पहला शादी से लेकर काफ़ी अपने शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहते लाइक जैसे उनकी लाइफ में ऐसा कुछ परेशानी रहता है कि वो जल्दी शादी कर नहीं पाते या फिर होता नहीं है बट हालांकि शादी हो जाता है उसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड के घर जाते जहाँ पर वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि हर एक जैसे कि कैरेक्टर पर हर एक इंसान पर जो भी मिस्ट्री है सस्पेंस है वो बनाने में कामयाब रहती है जैसे कि हर एक की कहानी एक बाय एक कहानी सुनाने में कामयाब रहती इनकी वो जानने में ये इन दो लगा रहता है वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें एकदम पकड़ने में कामयाब रहती उनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं चीज़ें पॉजिटिवली है या नेगेटिव वो आगे जाके आपको पता चलेगी इनकी कामें कहीं ना कहीं सीन्स में बहुत महत्वपूर्ण करता है फिल्म के लिए जैसे कि सीरीज़ के लिए इनके अलावा नंदू आनंद का रोल निभा रहा है जहाँ पर हस्बैंड रहते हैं इसमें तो वो आनंद इसमें किस तरह से उनकी जो एक्टिंग है काफी हद तक इसमें भी नजर आई जैसे कि इसमें इंदू के पीछे वो लगा रहता है इंदू क्या करती है क्यों होता है क्यों नहीं होता है क्यों होना चाहिए क्यों होता है वो सभी चीजें हर एक स्टेप बाई स्टेप जैसे कि मिस्ट्री सस्पेंस वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से आप इंगेज करोगे इनकी मतलब ह्यूमिटी जैसे कि पॉजिटिवली ने इग्नोरिंग सेंस और अदरवाइज से, जैसे कि वो चीज़ें इनके साथ जो होता है अनहोनी वो सभी चीज़ें गुजरना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी गुजरता है वही ये भी काफ़ी ज़्यादा डरने के साथ वो फिल्में नजर आए तो उनकी एक्टिंग डायलॉग सर्कोरिज्म चीज़ें सही सभी के सभी आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी मुझे तो ओवरऑल ठीक ठाक लगा अदरवाइज आप अपने हिसाब से इनकी एक्टिंग देख सकते हो कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आ, मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो चीज़ें थोड़ा बहुत पकड़ने में आपको ठीक ठाक रखेगी सीरीज में पूरा वैसे अली रेजा इसमें जो आर्या का रोल निभाए आर्या इसमें वो भी चीज़ें इनके साथ एक जैसे बोल सकते हैं उनके साथ क्यों हो रहा है वो भी जानते हैं जैसे कि मिस्ट्री में इनकी एक्टिंग जैसे कि सीन्स में इनका जो ठीक ठाक जैसे कि इनके सीरीज़ में जैसा एक्टिंग है और चीज़ें जैसे कि पता चलता है कि इनका भी सीरीज़ में जैसे कि एक ठीक ठाक महत्वपूर्ण तो रोल रहता है जैसे कि इनकी रोल में चीज़ें और ज़्यादा बिखरे हुए रहते हैं तो वो चीज़ें इनके साथ क्यों होता है वो भी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी इनकी एक्टिंग जैसे कि लाइक सीन्स में जैसे बॉडी लैंग्वेज बात करने का ढंग जो भी चीज़ें इनके साथ भी ठीक ठाक नज़र आते स्क्रीन में पूरा इन्होंने भी यूँ मानो कि जान फूक दिए एक्टर में जो भी इनकी एक्टिंग है वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिलता है हाँ उतना खास नहीं है बट ज़्यादा अगर बोलोगे तो इंदू का रोल इसमें महत्वपूर्ण रहा पूरा एपिसोड में वो बोल सकते हैं सीरीज़ में उनकी वजह से आप वाच करोगे इंदू इसमें जो चीज़ें हैं किस तरह से दिखाने में कामयाब रही उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है डायलॉग है स्टाइल है जैसे कि उनके साथ है थोड़ा बहुत चीज़ें आपको कहना ना कि अगर आप टेलीविजन सीरीज़ देखते हो तो वो उस उस टाइप का इसमें एक्टर और जो कि उन्होंने एक्ट्रेस इसमें रोल जो है निभाए हैं तो उस टाइप का इसमें डाला गया अदरवाइज इसी भी चीज़ें के अलावा जैसे कि आपको बता दें हर एक एपिसोड में जैसे कि टाइमिंग की बात करें तो सत्रह से तेईस मिनट के एपिसोड में रखा गया तो पूरा एपिसोड के साथ एक बाई एक जैसे कि एक एपिसोड देखते हो तो पूरा एपिसोड क्यों देखना चाहिए क्यों देखने को मतलब मतलब देखने में इंगेजिंग रहेगी टाइमिंग वो सभी चीज़ें आपको पता चलेगी सीरीज की में और ये सभी चीज़ें के अलावा सीरीज में जैसे कि बीजीएम जो एक डरने वाला जो घुस बम देता है वो बीजेम स्कोर कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगी सिनेमाग्राफिक सीन्स में वही सभी है चीज़ें थोड़ा बहुत और चीज़ें और मतलब पकड़ने में कामयाब रहती और अलग नेक्स्ट लेवल तक कर सकते थे यहाँ पर और एक्शन स्वीकेंस तो उतना नहीं है जहाँ पर होना चाहिए जिस हिसाब से वहाँ पर उतना कुछ खास नहीं है अपमान सीरीज में उसमें चीज उस देखने को मिलेगी नहीं एडिटिंग में आपको बता दें सत्रह से तेईस मिनट के टाइम में जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक एपिसोड लगता है कि बढ़ाया गया तो वहाँ पर कम करना चाहिए था पाँच छः मिनट उस एपिसोड में, उस में उस के अलावा जैसे कि इसमें सेंस में कहीं ना कहीं और कुछ खास कर सकते थे स्क्रीन प्ले टाइट था प्लॉट तो एक यूनिक नहीं है बट वही टाइप का है जैसे एक मिस्ट्री में हर एक सीरीज में आप देखते हो स्टोरी में जैसे कि क्रिएट होता है कहानी हर एक के ऊपर एक कहानी रहता है उसे भी जानने में मतलब सस्पेंस के साथ मिस्ट्री किस तरह से होता है वही टाइप का सीरीज है अगर आप फोटोग्राफ को ले लो तो फोटोग्राफ में भी सीन्स में उतना कुछ अव्वल दर्जे का है नहीं ठीक ठाक देखने को मिलता है तो अगर आप डायरेक्टर की डायरेक्शनल की बात करो यहाँ पर सीरीज़ की तो पोलोरी कृष्णा उनकी जो जैसे लाइक आप बड़े बड़े सीरीज़ तो उन्होंने बना चुके ऑलरेडी बट उनके सीरीज़ में ऐसा ही रहता कुछ मिस्ट्री के साथ कहानी वो डेवलप करते हमारे सामने जो पेशे किए हुए वो सभी चीज़ें जैसे कि हर एक आर्टिस्ट को किस तरह से हमारे सामने सीरीज़ के दौरान दिखाए गए वो सभी चीज़ें इनके कहीं ना कहीं एक मतलब अव्वल दर्जे के साथ नेक्स्ट लेवल में काम देखने को मिलता है तो वो सभी चीज़ें इनकी पसंद आएगी अगर आप सीरीज़ देखते हो तभी बिकॉज अगर आप सीरीज़ नहीं देखते हो तो आपको पसंद नहीं आएगी वो उस टाइप का फिल्म है ये जी हाँ दोस्तों यानी सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ओ के डिजनी प्लस हॉट पर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ के साथ तेलुगु ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा जैसे कि हिंदी तमिल कन्नड़ा बंगाली मराठी मलयालम ये सभी डब्ड वर्जन में आप इस सीरीज को यानी फिल्म को देख सकते हो आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तभी आप सीरीज को यानी फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों आप इस सीरीज को यानी इस फिल्म को अगर वॉच करना चाहते हो तो इस तरह से वॉच कीजिएगा यानी एंजॉय कीजिएगा आप हमारे इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की यानी सीरीज की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी किस तरह से क्या गया किस तरह से की गई है जो भी चीजें रखा गया वो आपको बताऊंगा तो दोस्तों द प्रिंसिपल फोटोग्राफी ऑफ सीरीज कम विद अविका गौर एंड अली रेजा एंड नंदू ज्वाइन द कास्ट सीरीज वाज अनाउंसमेंट बाय डिज्नी प्लस हॉटस्टार तो दोस्तों यही सभी जो कि फिल्म के सीरीज़ की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जा रही है जो कि रखा गया इसी तरह तो दोस्तों आखिर में फिल्म यानी सीरीज़ की प्लॉट या फिर स्टोरी कहानी जो भी कह लो उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी देंगे किस तरह से क्या रखा गया है? जो भी एक्सप्लेनेशन है तो दोस्तों इंदु की शादी एक में परिवार में होने वाली है पहले उसकी शादी संजय से होने वाली थी लेकिन उसकी बहन बानू उसके साथ भाग जाती है शादी के शादी से एक रात पहले उसकी परिवार को दूल्हे के परिवार से उपहार मिलाते हैं इसमें एक कतल भाई शामिल है जो हुआ प्रातीत होता है परिवार ने इसे खोलकर देखा तो इसमें एक पत्ता मिला हिंदू पत्ता लेकर अपने जो कि दादी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है तो दोस्तों आगे भी कहानी उस टाइप का है जो पता चलने में आपको जो कि जानने में आपको फिल्म देखनी पड़ेगी यानी सीरीज देखनी पड़ेगी जहाँ पर सीरीज़ में हर एक जैसे कि कैरेक्टर के ऊपर एक बाय एक कहानी क्रिएट करते हुए रहती है जैसे कि कहानी जानने में आपको पता चलेगी जब पर हर एक का प्रॉब्लम रहता है कि जो कि मिस्ट्री के साथ सस्पेन बनाने में कामयाब रहेगी अगर आप सीरीज देखते हो इस टाइप का मिस्ट्री सस्पेन के टाइप की तो अगर आप उस टाइप का देखते हो तो फिर ये आपके लिए ज़रूर पसंद आएगी तो इसमें वही टाइप की कहानी है तो आपको कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मजा भी देगी आपको इंगेजिंग भी करेगी अगर इस टाइप का सीरीज देखते हो तभी आप जाके देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज को डायरेक्ट किए हुए पोलोरू कृष्णा सर ने पोलोरू कृष्णा सर के डायरेक्शन के अलावा इस फिल्म में जैसे कि इस सीरीज़ में आपको बता दें कि स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें उन्होंने ही करके दी हुई इस फिल्म में उनका ही ये सभी चीज़ में फिल्म में आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी एंड दोस्तों फिल्म की प्रोड्यूसर की बात की जाए तो आपको बता दें जहाँ पर श्रीकांत मोहता उनके अलावा महेंद्रा सोनी ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हुए काफ़ी बड़े बड़े बोल सकते हैं लाइक सीरीज के प्रोड्यूसर हैं तो दोस्तों स्टारिंग कास्ट की बात की जाए तो अविका गौर उनके अलावा जैसे कि अली रेजा एंड नंदू भी आपको इसमें स्टार्टिंग इस कास्ट में देखने को मिलेगी इस सीरीज में तो दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए यानी सीरीज की तो राम के महेश का इस फिल्म यानी सीरीज में सिनेमाटोग्राफिक देखने को मिलता है पूरा सीरीज को उन्होंने सिनेमाटोग्राफिक दिए हुए वहीं पर अनिल कुमार पी का जो कि इसमें जैसे कि सीरीज़ में एडिटिंग देखने को मिलता है इस सीरीज को पूरा उन्होंने एडिट करके दिया है जहाँ पर उन्होंने जैसे कि आपको बता दें लाइक हर एक एपिसोड में आपको सत्रह से तेईस मिनट के साथ आप वॉच कर सकते हो जैसे कि सात एपिसोड में आपको एक एपिसोड में सत्रह से तेईस मिनट के अंदर लेंथ देखने को मिलेगी इप, इसी के साथ आप पूरा एपिसोड को वॉच कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो वैसे आपको बता दे इसी लेंथ के साथ पूरी सीरीज को रखा गया है हाँ दोस्तों डेफिनेटली इसी के साथ आप वॉच कर सकते हो हाँ शायद कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है वो आप एपिसोड में देखोगे तभी आपको पता चलेगी तो दोस्तों फिल्म की म्यूजिकल डिपार्टमेंट यानी सीरीज़ की बात की जाए तो श्री राम माधुरी इस फिल्म यानी सीरीज को उनका ही म्यूजिक साउंड ट्रैक देखने को मिलते हैं जहाँ पर उन्होंने करके दिए हुए थे जो कि कंपोजिंग भी उनका रहा जो कि बैकग्राउंड स्कोर सीरीज में भी उनका है सुनने को मिलते हैं साथ ही दोस्तों अगर आप सभी सीरीज के साथ जब सीरीज चलता है हर एक एपिसोड में आप पूरा एंजॉय कर पाओगे जहाँ पर सॉन्ग्स के साथ बीजीएम जो बजता है डिटेलिंग में वही आपको पता चल किस तरह से क्या रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी कौन सा कंपनी ने इस सीरीज को बनाई है कौन से कंपनी के अंडर तो श्री वेंकटेश फिल्म्स के बैनर के नीचे यानी कंपनी के अंडर इस सीरीज को यानी फिल्म को बनाई गई है जी हाँ दोस्तों वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो उनके और से डिस्ट्रीब्यूटर भी कंप्लीट करवाई है अब दोस्तों आर्टिस्ट की बात करेंगे मतलब लाइक कौन सा एक्टर एक्ट्रेस किस रोल के साथ मतलब सीरीज में नजर आएंगे यानी वही या आपको बताएंगे तो दोस्तों वैसे आपको बता दे यानी इस सीरीज में यानी फिल्म में ज़्यादा मतलब कैरेक्टर तो नहीं है आर्टिस्ट मतलब ज़्यादा तो नहीं लिया गया हाँ थोड़े बहुत ही है बट अगर आप एपिसोड में देखोगे तो आपको पता चल जाएगी कितना क्या है तो यहाँ पर मेकर्स ने जितना मतलब बताया उतना ही मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर ज़्यादा नहीं है हैं, तो आपको सब सब मैं बताऊंगा जहां पर अविका गौर एज अंजूरी इंदू का रोल फिल्म में प्ले करेंगे पर इंदु करके फिल्म में बुलाते उनको इंदू के साथ ही फिल्म में नजर आएंगे नंदू एज आनंद का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर इंदू के हस्बैंड रहते इसमें सीरीज में जो कि आपको बता दे इसमें उसका मतलब हस्बैंड के साथ देखने को मिलेगी आपको फिल्म में यानी सीरीज में इसी के साथ आली रेजा एज ए आरिया का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर सीरीज में आपको इसी रोल के साथ नजर आने वाले हैं तो यही रोल इसमें भी ये निभा रहे हैं तो ओवरऑल सभी के सभी जो कि आर्टिस्ट यानी कास्टिंग बता दिया हूं जिस हिसाब से जिस तरह से रखा गया उसी तरह आपको जिस तरह से मैंने यानी बताई आपको ओवरऑल उसी के साथ आपको देखने को मिलेगी यानी नजर आएगी सभी कास्टिंग जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों वादो वो फिल्म यानी सीरीज़ को 8 दिसंबर 2023 की एयर में जैसे कि डायरेक्ट ओ के डिजनी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज करवाई थी यानी कि प्रीमियम करवाई थी जहां दोस्तों जहां पर इंडियन तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जैसे कि कई सारे डब्ड वर्जन में जैसे कि हिंदी बंगाली तमिल कन्नडा मलयालम मराठी ये सभी डब वर्जन में सीरीज को रिलीज़ की गई थी जो कि आप सभी फिल्म यानी सीरीज को देख पा रहे थे जी हाँ दोस्तों अपने बिल्कुल सही सुना तो जब वादो वो फिल्म यानी सीरीज़ को ओटीटी पर रिलीज़ की गई थी तो क्रिटिक्स का रेस्पॉन्स की बात की जाए तो यानी मिक्स रिव्यूज मिला था इस सीरीज़ को तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज़ को आईएमडीबी पर सिक्स पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है इसी के साथ गूगल की बात की जाए तो सेवेंटी वन परसेंट इस फिल्म को यानी सीरीज़ को लाइक्स मिली हुई है साथ ही दोस्तों फिल्म का बजट यानी सीरीज़ की बजट की बात की जाए तो यहाँ पर पब्लिकली तो रिविल नहीं की गई जो कि अनहाइड करके रखे हुए मेकर्स ने जी हाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च किया था बट फिर भी मुझे पता नहीं चले जो भी पता चले वही आपको बता रहा हूँ जहाँ पर मतलब अनहाइट करके रखे हुए तो इसी के दौरान आपको पता नहीं पा रहा हूँ बट आने वाले टाइम पर देखते हैं उसका कुछ होता है तो आपको मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो पर कुछ जो भी है पूरा कोशिश करूंगा मतलब देने की बट फिलहाल अभी तो कुछ है नहीं जहां पर बजट अनहाइड करके रखे हुए हैं पब्लिकली रिवील नहीं की गई इसी के साथ दोस्तों वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की है तो वो भी वहाँ पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी अनहाइड करके रखे हुए हैं पब्लिकली रिवील नहीं की गई है मेकरस ने जी दोस्तों इसी के साथ अगर आप दोस्तों आपको बता दें जिस हिसाब से मतलब सीरीज ने रन कर पाई थी ओ पर जिस हिसाब से चल रही थी अब ये जिस हिसाब से चल रही है तो दोस्तों वाद तेलुगु लैंग्वेज की टेलीविज़न सीरीज़ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई गई जहाँ पर मेकर्स के दौरान आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा हिट बनने में कामयाब रही जो कि चल भी रही है तो अगर आप वेब सीरीज़ देखते हो उस टाइप का जैसे कि मिस्ट्री के साथ तो ये फिर सीरीज़ या फिर फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज़ के बारे में हम डिस्कस करें जैसे कि लाइक आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि कास्ट के बारे में मतलब आपको बताए एक्टर एंड एक्ट्रेस की किस तरह से परफॉर्मेंस रहा तो दोस्तों अविका गौर एज ए अंजूरी इंदु का रोल इसमें निभाए जहाँ पर इंदु का वो जो रोल निभाए उनका रोल काफ़ी ज़्यादा अव्वल दर्जे में इसमें नज़र आएगी जहाँ पर उन्होंने इस वेब सीरीज़ में जैसे कि पूरा सीरीज़ में एपिसोड्स में आपको कहीं ना कहीं एकदम ब्रिलियंट काम करते हुए नज़र आएगी जैसे कि इसमें उनका एक्टिंग जैसे कि चीज़ें जो डराने में कामयाब रहती जैसे कि मिस्ट्री के बाद हर एक चीज़ें एक इस ले। मतलब वन बाय वन जैसे कि चीज़ें नजर आएगी आपको उनकी जैसे कि डायलॉग के साथ स्क्रीन में वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एकदम बेटर से ने, बेटर देखने को मिलेगी जैसे कि उनकी डायलॉग और चीज़ें जो मिस्ट्री के साथ जो कि सस्पेंस में बनाने में कामयाब रहती इनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं उस भी चीज़ें डराने में कामयाब रहते जैसे एक बाय एक चीज़ें जानने में आपको मज़ा आएगी जैसे कि पूरी एपिसोड में कैसे पूरा वन टू थ्री फोर सेवन ऐसा जो एपिसोड है पूरा एपिसोड में आप किस तरह से इंगेजिंग बांधोगे कैसे रखोगे उनके वजह से आप इसमें इंदू के वजह से आप एपिसोड देखोगे जय फिर इंदू ने इसमें जैसे कि पूरा एपिसोड में एक बाय एक जैसे कि वो पहला शादी से लेकर काफ़ी अपने शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहते लाइक लाइफ जैसे उनकी लाइफ में ऐसा कुछ परेशानी रहता कि वो जल्दी शादी कर नहीं पाते या फिर होता नहीं है बट हालांकि शादी हो जाता है उसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड के घर जाते जहाँ पर वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि हर एक जैसे कि कैरेक्टर पर हर एक इंसान पर जो भी मिस्ट्री है सस्पेंस है वो बनाने में कामयाब रहती जैसे कि हर एक की कहानी एक बाय एक कहानी सुनाने में कामयाब रहती इनकी वो जानने में ये इन दो लगा रहता वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें एकदम पकड़ने में कामयाब रहती उनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं चीज़ें पॉजिटिवली है या नेगेटिव वो आगे जाके आपको पता चलेगी इनकी कामें कहीं ना कहीं सीन्स में बहुत महत्वपूर्ण करता है फिल्म के लिए जैसे कि सीरीज़ के लिए इनके अलावा नंदू एज ए आनंद का रोल निभा रहा है जहाँ पर इंदू के हस्बैंड रहते हैं इसमें तो वो आनंद इसमें किस तरह से उनकी जो एक्टिंग है काफ़ी हद तक इसमें भी नज़र आई जैसे कि इसमें इंदू के पीछे वो लगा रहता है इंदू क्या करती है क्यों होता है क्यों नहीं होता क्यों होना चाहिए क्यों होता है वो सभी चीज़ें हर एक स्टेप बे स्टेप जैसे कि मिस्ट्री सस्पेंस वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से आप एंगेज करोगे इनकी मतलब ह्यूमनिटी जैसे कि पॉजिटिवली ने इग्नोरिंग सेंस अदरवाइज से, जैसे कि वो चीज़ें इनके साथ जो होता है अनहोनी वो सभी चीज़ें गुजरना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी गुजरता है वही ये भी काफ़ी ज़्यादा डरने के साथ वो फिल्में नज़र आए तो उनकी एक्टिंग डायलॉग सर्कोरिजम चीज़ें सही सभी के सभी आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी मुझे तो ओवरऑल ठीक ठाक लगा अदरवाइज आप अपने हिसाब से इनकी आई एक्टिंग देख सकते हो कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आ, मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो चीज़ें थोड़ा बहुत पकड़ने में आपको ठीक ठाक रखेगी सीरीज में पूरा वैसे अली रेजा इसमें जो आर्या का रोल निभाए है आर्या इसमें वो भी चीज़ें इनके साथ एक जैसे बोल सकते हैं उनके साथ क्यों हो रहा है वो भी जानते हैं जैसे कि मिस्ट्री में इनकी एक्टिंग जैसे कि सीन्स में इनका जो ठीक ठाक जैसे कि इनके सीरीज में जैसा एक्टिंग है और चीजें जैसे कि पता चलता है कि इनका भी सीरीज में जैसे कि एक ठीक ठाक महत्वपूर्ण तो रोल रहता है जैसे कि इनकी रोल में चीज़ें और ज़्यादा बिखरे हुए रहते हैं तो वो चीज़ें इनके साथ क्यों होता है वो भी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी इनकी एक्टिंग जैसे कि लाइक सीन्स में जैसे बॉडी लैंग्वेज बात करने का ढंग जो भी चीज़ें इनके साथ भी ठीक ठाक नज़र आते स्क्रीन में पूरा इन्होंने भी यूँ मानो कि जान फूक दिए एक्टर में जो भी इनकी एक्टिंग है वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिलता है हाँ उतना खास नहीं है बट ज़्यादा अगर बोलोगे तो इंदू का रोल इसमें महत्वपूर्ण रहा पूरा एपिसोड में वो बोल सकते हैं सीरीज़ में उनकी वजह से आप वाच करोगे इंदु इसमें जो चीज़ें हैं किस तरह से दिखाने में कामयाब रही उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है डायलॉग है स्टाइल है जैसे कि उनके साथ है थोड़ा बहुत चीज़ें आपको कहना कि अगर आप टेलीविजन सीरीज़ देखते हो तो वो उस उस टाइप का इसमें एक्टर और जो कि उन्होंने एक्ट्रेस इसमें रोल जो है निभाए हैं तो उस टाइप का इसमें डाला गया अदरवाइज इसी भी चीज़ें के अलावा जैसे कि आपको बता दें हर एक एपिसोड में जैसे कि टाइमिंग की बात करें तो सत्रह से तेईस मिनट के एपिसोड में रखा गया तो पूरा एपिसोड के साथ एक बाई एक जैसे कि एक एपिसोड देखते हो तो पूरा एपिसोड क्यों देखना चाहिए क्यों देखने को मतलब मतलब देखने में एंगेजिंग रहेगी टाइमिंग वो सभी चीज़ें आपको पता चलेगी सीरीज की में और ये सभी चीज़ें के अलावा सीरीज में जैसे कि बीजेम जो एक डरने वाला जो घुस बम देता है वो बीजेम स्कोर कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगी सिनेमाग्राफिक सीन्स में वही सभी है चीज़ें थोड़ा बहुत और चीज़ें और मतलब पकड़ने में कामयाब रहती और अलग नेक्स्ट लेवल तक कर सकते थे यहाँ पर और एक्शन स्वीकेंस तो उतना नहीं है जहाँ पर होना चाहिए जिस हिसाब से वहाँ पर उतना कुछ खास नहीं है आप सीरीज में उस भी चीज़ देखने को मिलेगी नहीं एडिटिंग में आपको बता दें सत्रह से तेईस मिनट के टाइम में जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक एपिसोड लगता है कि बढ़ाया गया तो वहाँ पर कम करना चाहिए था पाँच छः मिनट उस एपिसोड में उसी उस के अलावा जैसे कि इसमें सेंस में कहीं ना कहीं और कुछ खास कर सकते थे स्क्रीन प्ले टाइट था प्लॉट तो एक यूनिक नहीं है बट वही टाइप का है जैसे एक मिस्ट्री में हर एक सीरीज में आप देखते हो स्टोरी में जैसे कि क्रिएट होता है कहानी हर एक के ऊपर एक कहानी रहता है उसे भी जानने में मतलब सस्पेंस के साथ मिस्ट्री किस तरह से होता है वही टाइप का सीरीज़ है अगर आप फोटोग्राफ को ले लो तो फोटोग्राफ में भी सीन्स में उतना कुछ अव्वल दर्जे का है नहीं ठीक ठाक देखने को मिलता है तो अगर आप डायरेक्टर की डायरेक्शनल की बात करो यहाँ पर सीरीज़ की तो पोलोरी कृष्णा उनकी जो जैसे लाइक आप बड़े बड़े सीरीज तो उन्होंने बना चुके ऑलरेडी बट उनके सीरीज में ऐसा ही रहता कुछ मिस्ट्री के साथ कहानी वो डेवलप करते हमारे सामने जो पेश किए हुए वो सभी चीज़ें जैसे कि हर एक आर्टिस्ट को किस तरह से हमारे सामने सीरीज़ के दौरान दिखाए गए वो सभी चीज़ें इनकी कहीं ना कहीं एक मतलब अव्वल दर्जे के साथ नेक्स्ट लेवल में काम देखने को मिलता है तो वो सभी चीज़ें इनकी पसंद आएगी अगर आप सीरीज देखते हो तभी बिकॉज अगर आप सीरीज नहीं देखते हो तो आपको पसंद नहीं आएगी देखना चाहते हो तो देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ओटी के डिजनी प्लस हॉट स्टार पर विद इंग्लिश विद के साथ तेलुगु ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा जैसे कि हिंदी तमिल कन्नड़ा बंगाली मराठी मलयालम ये सभी डब्ड वर्जन में आप इस सीरीज को यानी फिल्म को देख सकते हो आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तभी आप सीरीज को यानी फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों आप इस सीरीज को यानी इस फिल्म को अगर वॉच करना चाहते हो तो इस तरह से वॉच कीजिएगा यानी एंजॉय कीजिएगा अब हमारे इस चैनल को अब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की यानी सीरीज की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी किस तरह से क्या गया किस तरह से की गई है जो भी चीजें रखा गया वो आपको बताऊंगा तो दोस्तों द सीरीज इन द तेलुगु रीमेक ऑफ द 2021 ईयर ट्वेंटी वन सीरीज इन सीरीज डायरेक्टेड बाय सेन्तम गोस्वाल द प्रिंसिपल फोटोग्राफी ऑफ द सीरीज कमेंस विद अविका गोर एंड अली रेजा एंड नंदू जॉइन द कास्ट दीरीज वॉज ए अनाउंसमेंट बाय डिज्नी प्लस हॉटस्टार तो दोस्तों यही सभी जो कि फिल्म के सीरीज की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जा रही है जो कि रखा गया इसी तरह तो दोस्तों आखिर में फिल्म यानी सीरीज़ की प्लॉट या फिर स्टोरी कहानी जो भी कह लो उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी देंगे किस तरह से क्या रखा गया है जो भी एक्सप्लेनेशन है तो दोस्तों इंदु की शादी एक में परिवार में होने वाली है पहले उसकी शादी संजय से होने वाली थी लेकिन उसकी बहन बानू उसके साथ भाग जाती है शादी के शादी से एक रात पहले उसकी परिवार को धोले के परिवार से उपहार मिलाते हैं इसमें एक कतल भाई शामिल है जो सीला हुआ प्रातीत होता है परिवार ने इसे खोलकर देखा तो इसमें एक पत्ता मिला हिंदू पत्ता लेकर अपने जो कि दादी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है तो दोस्तों आगे भी कहानी उस टाइप का है जो पता चलने में आपको जो कि जानने में आपको फिल्म देखनी पड़ेगी यानी सीरीज देखनी पड़ेगी जहाँ पर सीरीज में हर एक जैसे कि कैरेक्टर के ऊपर एक बाय एक कहानी क्रिएट करते हुए रहती है जैसे कि कहानी जानने में आपको पता चले कि जब कर हर एक का प्रॉब्लम रहता है कि जो कि मिस्ट्री के साथ सस्पेंस बनाने में कामयाब रहेगी अगर आप सीरीज देखते हो इस टाइप का मिस्ट्री सस्पेंस के टाइप की तो अगर आप उस टाइप का देखते हो तो फिर ये आपके लिए ज़रूर पसंद आएगी तो इसमें वही टाइप की कहानी है तो आपको कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़ा भी देगी आपको इंगेजिंग भी करेगी अगर इस टाइप का सीरीज देखते हो तभी आप जाके देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज को डायरेक्ट किए हुए पोलोरू कृष्णा सर ने पोलूरू कृष्णा सर के डायरेक्शन के अलावा इस फिल्म में जैसे कि इस सीरीज़ में आपको बता दें कि स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें उन्होंने ही करके दी हुई इस फिल्म में उनका ये सभी चीज़ में फिल्म में आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी एंड दोस्तों फिल्म की प्रोड्यूसर की बात की जाए तो आपको बता दें जहाँ पर श्रीकांत मोहता उनके अलावा महेंद्रा सोनी ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हुए काफ़ी बड़े बड़े बोल सकते हैं लाइक सीरीज के प्रोड्यूसर हैं तो दोस्तों स्टारिंग कास्ट की बात की जाए तो अविका गौर उनके अलावा जैसे कि अली रेजा एंड नंदू भी आपको इस में स्टार्टिंग कास्ट में देखने को मिलेगी इस सीरीज में तो दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए यानी सीरीज की तो राम के महेश का इस फिल्म यानी सीरीज में सिनेमाटोग्राफिक देखने को मिलता है पूरा सीरीज को उन्होंने सिनेमाटोग्राफिक दिए हुए वहीं पर अनिल कुमार पी का जो कि इसमें जैसे कि सीरीज़ में एडिटिंग देखने को मिलता है इस सीरीज़ को पूरा उन्होंने एडिट करके दिए जहां पर उन्होंने जैसे कि आपको बता दें लाइक हर एक एपिसोड में आपको सत्रह से तेईस मिनट के साथ आप वॉच कर सकते हो जैसे कि सात एपिसोड में आपको एक एपिसोड में सत्रह से तेईस मिनट के अंदर लेंथ देखने को मिलेगी इसी के साथ आप पूरा एपिसोड को वॉच कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो वैसे आपको बता दे इसी लेंथ के साथ पूरी सीरीज को रखा गया है हाँ दोस्तों डेफिनेटली इसी के साथ आप वाच कर सकते हो हाँ शायद कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है वो आप एपिसोड में देखोगे तभी आपको पता चलेगी तो दोस्तों फिल्म की म्यूजिकल डिपार्टमेंट यानी सीरीज की बात की जाए तो श्री राम माधुरी इस फिल्म यानी सीरीज को उनका ही म्यूजिक साउंड ट्रैक देखने को मिलते हैं जहाँ पर उन्होंने करके दिए हुए थे जो कि कंपोजिंग भी उनका रहा जो कि बैकग्राउंड स्कोर सीरीज में भी उनका है सुनने को मिलते हैं साथ ही दोस्तों अगर आप सभी सीरीज के साथ जब सीरीज चलता है हर एक एपिसोड में आप पूरा इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पर सॉन्ग्स के साथ बीजीएम जो बजता है डिटेलिंग में वही आपको पता चल जाएगी किस तरह से क्या रखा गया है जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों फिल्म की सीरीज यानी प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी कौन सा कंपनी ने इस सीरीज को बनाई है कौन से कंपनी के अंडर तो श्री वेंकटेश फिल्म्स के बैनर के नीचे यानी कंपनी के अंडर इस सीरीज को यानी फिल्म को बनाई गई है जी हाँ दोस्तों वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो उनके ओर से डिस्ट्रीब्यूटर भी कंप्लीट करवाई है अब दोस्तों आर्टिस्ट की बात करेंगे मतलब लाइक कौन सा एक्टर एक्ट्रेस किस रोल के साथ मतलब सीरीज में नजर आएंगे यानी वही आपको बताएंगे तो दोस्तों वैसे आपको बता दे यानी इस सीरीज में यानी फिल्म में ज़्यादा मतलब कैरेक्टर तो नहीं है आर्टिस्ट मतलब ज़्यादा तो नहीं लिया गया हाँ थोड़े बहुत ही है बट अगर आप एपिसोड में देखोगे तो आपको पता चल जाएगी कितना क्या है तो यहाँ पर मेकर्स ने जितना मतलब बताया उतना ही मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर ज़्यादा नहीं है 이니 हैं तो उससे सब सबको मैं बताऊंगा जहां पर अविका गौर एज अंजूरी इंदु का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर इंदु करके फिल्म में बुलाते हैं उनको इंदु के साथ ही फिल्म में नजर आएंगे नंदू एज आनंद का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर इंदुस के हस्बैंड रहते हैं इसमें सीरीज में जो कि आपको बता दे इसमें उसका मतलब हस्बैंड के साथ देखने को मिलेगी आपको फिल्म में यानी सीरीज में इसी के साथ आली रेजा एज ए आरिया का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर सीरीज में आपको इसी रोल के साथ नजर आने वाले हैं तो यही रोल इसमें भी ये निभा रहे हैं तो ओवरऑल सभी के सभी जो कि आर्टिस्ट यानी कास्टिंग बता दिया हूँ जिस हिसाब से जिस तरह से रखा गया उसी तरह आपको जिस तरह से मैंने यानी बताई आपको ओवरऑल उसी के साथ आपको देखने को मिलेगी यानी नजर आएगी सभी कास्टिंग जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों वादो वो फिल्म यानी सीरीज को 8 दिसंबर 2023 की एयर में जैसे कि डायरेक्ट ओ के डिजनी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज करवाई थी यानी कि प्रीमियम करवाई थी जहां दोस्तों जहां पर इंडियन तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जैसे कि कई सारे डब्ड वर्जन में जैसे कि हिंदी बंगाली तमिल कन्नडा मलयालम मराठी ये सभी डब वर्जन में सीरीज को रिलीज की गई थी जो कि आप सभी फिल्म यानी सीरीज को देख पा रहे थे जी हाँ दोस्तों अपने बिल्कुल सही सुना तो जब वादो वो फिल्म यानी सीरीज़ को ओटीटी पर रिलीज़ की गई थी तो क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स की बात की जाए तो यानी मिक्स रिव्यूज मिला था इस सीरीज़ को तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज़ को आईएमडीबी पर सिक्स पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है इसी के साथ गूगल की बात की जाए तो सेवेंटी वन परसेंट इस फिल्म को यानी सीरीज़ को लाइक्स मिली हुई है साथ ही दोस्तों फिल्म का बजट यानी सीरीज़ की बजट की बात की जाए तो यहाँ पर पब्लिकली तो रिविल नहीं की गई जो कि अनहाइट करके रखे हुए मेकर्स ने जी हाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च किया था बट फिर भी मुझे पता नहीं चले जो भी पता चले वही आपको बता रहा हूँ जहाँ पर मतलब अनहाइड करके रखे हुए तो इसी के दौरान आपको पता नहीं पा रहा हूँ बट आने वाले टाइम पर देखते हैं उसका कुछ होता है तो आपको मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो पर कुछ जो भी है पूरा कोशिश करूंगा मतलब देने की बट फिलहाल अभी तो कुछ है नहीं जहां पर बजट अनहाइड करके रखे हुए हैं पब्लिकली रिवील नहीं की गई इसी के साथ दोस्तों वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो वो भी वहाँ पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी अनहाइड करके रखे हुए हैं पब्लिकली रिवील नहीं की गई है ने जी हाँ दोस्तों इसी के साथ अगर आप दोस्तों आपको बता दें जिस हिसाब से मतलब सीरीज ने रन कर पाई थी ओ पर जिस हिसाब से चल रही थी अब ये जिस हिसाब से चल रही है तो दोस्तों वाध वो तेलुगू लैंग्वेज की टेलीविज़न सीरीज़ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई गई जहाँ पर मेकर्स के दौरान आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा हिट बनने में कामयाब रही जो कि चल भी रही है तो अगर आप वेब सीरीज़ देखते हो उस टाइप का जैसे कि मिस्ट्री के साथ तो ये फिर सीरीज़ या फिर फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज़ के बारे में हम डिस्कस करें जैसे कि लाइक आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि कास्ट के बारे में मतलब आपको बताए एक्टर एंड एक्ट्रेस की किस तरह से परफॉर्मेंस रहा तो दोस्तों अविका गौर एज ए अंजूरी इंदू का रोल इसमें निभाया जहाँ पर इंदू का वो जो रोल निभाएं उनका रोल काफ़ी ज़्यादा अव्वल दर्जे में इसमें नज़र आएगी जहाँ पर उन्होंने इस वेब सीरीज़ में जैसे कि पूरा सीरीज़ में एपिसोड्स में आपको कहीं ना कहीं एकदम ब्रिलियंट काम करते हुए नजर आएगी जैसे कि इसमें उनका एक्टिंग जैसे कि चीज़ें जो डराने में कामयाब रहती जैसे कि मिस्ट्री के बाद हर एक चीज़ें एक इस ले मतलब वन बाय वन जैसे कि चीज़ें नजर आएगी आपको उनकी जैसे कि डायलॉग के साथ स्क्रीन में वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एकदम बेटर से बेटर देखने को मिलेगी जैसे कि उनकी डायलॉग और चीज़ें जो मिस्ट्री के साथ जो कि सस्पेंस में बनाने में कामयाब रहती इनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं उस भी चीज़ें डराने में कामयाब रहता जैसे एक बाय एक चीज़ें जानने में आपको मजा आएगी जैसे कि पूरी एपिसोड में कैसे पूरा वन टू थ्री फोर सेवन ऐसा जो एपिसोड है पूरा एपिसोड में आप किस तरह से इंगेजिंग बांधोगे कैसे रखोगे उनके वजह से आप इसमें इंदु के वजह से आप एपिसोड देखोगे जय फिर इंदु ने इसमें जैसे कि पूरा एपिसोड में एक बाय एक जैसे कि वो पहला शादी से लेकर काफ़ी अपने शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहते लाइक जैसे उनकी लाइफ में ऐसा कुछ परेशानी रहता है कि वो जल्दी शादी कर नहीं पाते या फिर होता नहीं है बट हालांकि शादी हो जाता है उसके बाद फिर वो अपने हसबैंड के घर जाते जहाँ पर वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि हर एक जैसे कि कैरेक्टर पर हर एक इंसान पर जो भी मिस्ट्री है सस्पेंस है वो बनाने में कामयाब रहती है जैसे कि हर एक की कहानी एक बाय एक कहानी सुनाने में कामयाब रहती इनकी वो जानने में ये इन दो लगा रहता है वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें एकदम पकड़ने में कामयाब रहती उनके साथ किस तरह से व्यवहार करते चीज़ें पॉजिटिवली है या नेगेटिव वो आगे जाके आपको पता चलेगी इनकी कामें कहीं ना कहीं सीन्स में बहुत महत्वपूर्ण करता है फिल्म के लिए जैसे कि सीरीज़ के लिए इनके अलावा नंदू एज ए आनंद का रोल निभा रहा है जहाँ पर इंदु उसके हस्बैंड रहते हैं इसमें तो वो आनंद इसमें किस तरह से उनकी जो एक्टिंग है काफ़ी हद तक इसमें भी नज़र आई जैसे कि इसमें इंदु के पीछे वो लगा रहता है इंदु क्या करती है क्यों होता है क्यों नहीं होता है क्यों होना चाहिए क्यों होता है वो सभी चीज़ें हर एक स्टेप बा स्टेप जैसे कि मिस्ट्री सस्पेंड वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से आप एंगेज करोगे इनकी मतलब ह्यूमिटी जैसे कि पॉजिटिवली इग्नोरिंग सीन्स अदरवाइज जैसे कि वो चीज़ें इनके साथ जो होता है अनहोनी वो सभी चीज़ें गुजरना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी गुजरता है वही ये भी काफ़ी ज़्यादा डरने के साथ वो फिल्में नज़र आए तो उनकी एक्टिंग डायलॉग सर्कोरिज्म चीज़ें सही सभी के सभी आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी मुझे तो ओवरऑल ठीक ठाक लगा अदरवाइज आप अपने हिसाब से इनकी आई एक्टिंग देख सकते हो कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाँ, मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो चीज़ें थोड़ा बहुत पकड़ने में आपको ठीक ठाक रखेगी सीरीज में पूरा वैसे अली रेजा इसमें जो आर्या का रोल निभाए आर्या इसमें वो भी चीज़ें इनके साथ एक जैसे बोल सकते हैं उनके साथ क्यों हो रहा है वो भी जानते हैं जैसे कि मिस्ट्री में इनकी एक्टिंग जैसे कि सीन्स में इनका जो ठीक ठाक जैसे कि इनके सीरीज में जैसा एक्टिंग है और चीजें जैसे कि पता चलता है कि इनका भी सीरीज में जैसे कि एक ठीक ठाक का महत्वपूर्ण तो रोल रहता है जैसे कि इनकी रोल में चीज़ें और ज़्यादा बिखरे हुए रहते हैं तो वो चीज़ें इनके साथ क्यों होता है वो भी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी इनकी एक्टिंग जैसे कि लाइक सीन्स में जैसे बॉडी लैंग्वेज बात करने का ढंग जो भी चीज़ें इनके साथ भी ठीक ठाक नज़र आते स्क्रीन में पूरा इन्होंने भी यूँ मानो कि जान फूक दिए एक्टर में जो भी इनकी एक्टिंग है वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिलता है हाँ उतना खास नहीं है बट ज़्यादा अगर बोलोगे तो इंदू का रोल इसमें महत्वपूर्ण रहा पूरा एपिसोड में वो बोल सकते हैं सीरीज़ में उनकी वजह से आप वाच करोगे इंदु इसमें जो चीज़ें हैं किस तरह से दिखाने में कामयाब रही उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है डायलॉग है स्टाइल है जैसे कि उनके साथ है थोड़ा बहुत चीज़ें आपको कहना कि अगर आप टेलीविजन सीरीज देखते हो तो वो उस उस टाइप का इसमें एक्टर और जो कि उन्होंने एक्ट्रेस इसमें रोल जो है निभाए हैं तो उस टाइप का इसमें डाला गया अदरवाइज इसी भी चीज़ें के अलावा जैसे कि आपको बता दें हर एक एपिसोड में जैसे कि टाइमिंग की बात करें तो सत्रह से तेईस मिनट के एपिसोड में रखा गया तो पूरा एपिसोड के साथ एक बाई एक जैसे कि एक एपिसोड देखते हो तो पूरा एपिसोड क्यों देखना चाहिए क्यों देखने को मतलब मतलब देखने में इंगेजिंग रहेगी टाइमिंग वो सभी चीज़ें आपको पता चलेगी सीरीज की में और ये सभी चीज़ें के अलावा सीरीज़ में जैसे कि बी जो एक डरने वाला जो घूस बम देता है वो बीजीएम स्कोर कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगी सिनेमाग्राफिक सीन्स में वही सभी है चीज़ें थोड़ा बहुत और चीज़ें और मतलब पकड़ने में कामयाब रहती और अलग नेक्स्ट लेवल तक कर सकते थे यहाँ पर और एक्शन स्वीकेंस तो उतना नहीं है जहाँ पर होना चाहिए जिस हिसाब से वहाँ पर उतना कुछ खास नहीं है सीरीज में उस सभी चीज़ देखने को मिलेगी नहीं एडिटिंग में आपको बता दें सत्रह से तेईस मिनट के टाइम में जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक एपिसोड लगता है कि बढ़ाया गया तो वहाँ पर कम करना चाहिए था पाँच छः मिनट उस एपिसोड में उसी उस के अलावा जैसे कि इसमें सेंस में कहीं ना कहीं और कुछ खास कर सकते थे स्क्रीन प्ले टाइट था प्लॉट तो एक यूनिक नहीं है बट वही टाइप का है जैसे एक मिस्ट्री में हर एक सीरीज में आप देखते हो स्टोरी में जैसे कि क्रिएट होता है कहानी हर एक के ऊपर एक कहानी रहता है उसे भी जानने में मतलब सस्पेंस के साथ मिस्ट्री किस तरह से होता है वही टाइप का सीरीज़ है अगर आप फोटोग्राफ को ले लो तो फोटोग्राफ में भी सीन्स में उतना कुछ अव्वल दर्जे का है नहीं ठीक ठाक देखने को मिलता है तो अगर आप डायरेक्टर की डायरेक्शनल की बात करो यहाँ पर सीरीज़ की तो पोलोरी कृष्णा उनकी जो जैसे लाइक आप बड़े बड़े सीरीज तो उन्होंने बना चुके ऑलरेडी बट उनके सीरीज़ में ऐसा रहता कुछ मिस्ट्री के साथ कहानी वो डेवलप करते हमारे सामने जो पेश किए हुए वो सभी चीज़ें जैसे कि हर एक आर्टिस्ट को किस तरह से हमारे सामने सीरीज़ के दौरान दिखाए गए वो सभी चीज़ें इनके कहीं ना कहीं एक मतलब अव्वल दर्जे के साथ नेक्स्ट लेवल में काम देखने को मिलता है तो वो सी भी चीज़ें इनकी पसंद आएगी अगर आप सीरीज़ देखते हो तभी बिकॉज अगर आप सीरीज़ नहीं देखते हो तो आपको पसंद नहीं आएगी उस टाइप का फिल्म है ये जी हाँ दोस्तों यानी सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ओ के डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर विथ इंग्लिश सेपरेटर विथ सेपक्रेशन के साथ तेलुगु ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा जैसे कि हिंदी तमिल कन्नडा बंगाली मराठी मलयालम ये सभी डब्ड वर्जन में आप इस सीरीज़ को यानी फिल्म को देख सकते हो आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तभी आप सीरीज़ को यानी फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों आप इस सीरीज़ को यानी इस फिल्म को अगर वॉच करना चाहते हो तो इस तरह से वॉच कीजिएगा यानी एंजॉय कीजिएगा आप हमारे इस चैनल को अब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की यानी सीरीज की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी किस तरह से क्या गया किस तरह से की गई है जो भी चीजें रखा गया वो आपको बताऊंगा तो दोस्तों सीरीज इन द तेलुगु रीमेक ऑफ द ईयर थाउजेंड ट्वेंटी सीरीज इन दू डायरेक्टेड बाय से गोस्वाल द प्रिंसिपल फोटोग्राफी ऑफ सीरीज कमेंस विथ अविका गौर एंड अली रेजा एंड नंदू ज्वाइन द कास्ट सीरीज वाज अनाउंसमेंट बाय डिज्नी प्लस हॉटस्टार तो दोस्तों यही सभी जो कि फिल्म के सीरीज़ की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जा रही है जो कि रखा गया इसी तरह तो दोस्तों आखिर में फिल्म यानी सीरीज़ की प्लॉट या फिर स्टोरी कहानी जो भी कह लो उसके बारे में थोड़े बहुत आपको जानकारी देंगे किस तरह से क्या रखा गया है जो भी एक्सप्लेनेशन है तो दोस्तों इंदु की शादी एक में परिवार में होने वाली है पहले उसकी शादी संजय से होने वाली थी लेकिन उसकी बहन बानो उसके साथ भाग जाती है शादी के शादी से एक रात पहले उसकी परिवार को दूल्हे के परिवार से उपहार मिलाते हैं इसमें एक कतल भाई शामिल है जो हुआ प्रातीत होता है परिवार ने इसे खोलकर देखा तो इसमें एक पत्ता मिला हिंदू पत्ता लेकर अपने जो कि दादी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है तो दोस्तों आगे भी कहानी उस टाइप का है जो पता चलने में आपको जो कि जानने में आपको फिल्म देखनी पड़ेगी यानी सीरीज देखनी पड़ेगी जहाँ पर सीरीज में हर एक जैसे कि कैरेक्टर के ऊपर एक बाय एक कहानी क्रिएट करते हुए रहती है जैसे कि कहानी जानने में आपको पता चले कि जब पर हर एक का प्रॉब्लम रहता है जो कि मिस्ट्री के साथ सस्पेंस बनाने में कामयाब रहेगी अगर आप सीरीज देखते हो इस टाइप का मिस्ट्री सस्पेंस के टाइप की तो अगर आप उस टाइप का देखते हो तो फिर ये आपके लिए ज़रूर पसंद आएगी तो इसमें वही टाइप की कहानी है तो आपको कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मजा भी देगी आपको इंगेजिंग भी करेगी अगर इस टाइप का सीरीज़ देखते हो तभी आप जाके देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज़ को डायरेक्ट किए हुए पोलोरू कृष्णा सर ने पोलोरू कृष्णा सर के डायरेक्शन के अलावा इस फिल्म में जैसे कि इस सीरीज़ में आपको बता दें कि स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें उन्होंने ही करके दी हुई इस फिल्म में उनका ये सभी चीज़ में फिल्म में आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी एंड दोस्तों फिल्म की प्रोड्यूसर की बात की जाए तो आपको बता दें जहाँ पर श्रीकांत मोहता उनके अलावा महेंद्रा सोनी ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हुए काफ़ी बड़े बड़े बोल सकते हैं प्रोड्यूसर हैं तो दोस्तों स्टारिंग कास्ट की की बात जाए तो अविका गौर उनके अलावा जैसे कि अली रेजा एंड नंदू भी आपको इसमें इस सीरीज इस में, इस में तो दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए यानी सीरीज की तो राम के महेश का इस फिल्म यानी सीरीज में सिनेमाग्राफिक देखने को मिलता है पूरा सीरीज को उन्होंने सिनेमाग्राफिक दिए हुए वहीं पर अनिल कुमार पी का जो कि इसमें जैसे कि सीरीज़ में एडिटिंग देखने को मिलता है इस सीरीज़ को पूरा उन्होंने एडिट करके दिया जहां पर उन्होंने जैसे कि आपको बता दें लाइक हर एक एपिसोड में आपको सत्रह से तेईस मिनट के साथ आप वॉच कर सकते हो जैसे कि सात एपिसोड में आपको एक एपिसोड में सत्रह से तेईस मिनट के अंदर लेंथ देखने को मिलेगी इसी के साथ आप पूरा एपिसोड को वॉच कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो वैसे आपको बता दे इसी लेंथ के साथ पूरी सीरीज़ को रखा गया है हाँ दोस्तों डेफिनेटली इसी के साथ आप वॉच कर सकते हो हाँ शायद कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है वो आप एपिसोड में देखोगे तभी आपको पता चलेगी तो दोस्तों फिल्म की म्यूजिकल डिपार्टमेंट यानी सीरीज की बात की जाए तो श्री राम माधुरी इस फिल्म यानी सीरीज को उनका ही म्यूजिक साउंड ट्रैक देखने को मिलते हैं जहाँ पर उन्होंने करके दिए हुए थे जो कि कंपोजिंग भी उनका रहा जो कि बैकग्राउंड स्कोर सीरीज में भी उनका है सुनने को मिलती है साथ ही दोस्तों अगर आप सभी सीरीज के साथ जब सीरीज चलता है हर एक एपिसोड में आप पूरा इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पर सॉन्ग्स के साथ बी जो बजता है डिटेलिंग में वही आपको पता चल जाएगी किस तरह से क्या रखा गया जी दोस्तों तो दोस्तों फिल्म की सीरीज यानी प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी कौन सा कंपनी ने इस सीरीज को बनाई है कौन से कंपनी के अंडर तो श्री वेंकटेश फिल्म के बैनर के नीचे यानी कंपनी के अंडर इस सीरीज को यानी फिल्म को बनाई गई है जी हाँ दोस्तों वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो उनके ओर से डिस्ट्रीब्यूटर भी कंप्लीट करवाई है अब दोस्तों आर्टिस्ट की बात करेंगे आ, मतलब लाइक कौन सा एक्टर एक्ट्रिस किस रोल के साथ आ, मतलब सीरीज में नजर आएंगे यानी वही या आपको बताएंगे तो दोस्तों वैसे आपको बता दें यानी इस सीरीज में यानी फिल्म में ज़्यादा मतलब कैरेक्टर तो नहीं है आर्टिस्ट मतलब ज़्यादा तो नहीं लिया गया है हाँ थोड़े बहुत ही है बट अगर आप एपिसोड में देखोगे तो आपको पता चल जाएगी कितना क्या है तो यहाँ पर मेकर्स ने जितना मतलब बताए उतना ही मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर ज्यादा नहीं है तीन ही हैं तो उसी हिसाब सब को मैं बताऊंगा जहां पर अविका गौर एज अंजूरी इंदु का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर इंदु करके फिल्म में बुलाते हैं उनको इंदु के साथ ही फिल्म में नजर आएंगे नंदू एज आनंद का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर इंदु उसके हस्बैंड रहते इसमें सीरीज में जो कि आपको बता दें इसमें उसका मतलब हस्बैंड के साथ देखने को मिलेगी आपको फिल्म में यानी सीरीज में इसी के साथ आली रेजा एज ए आर्या का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर सीरीज में आपको इसी रोल के साथ नजर आने वाले हैं तो यही रोल इसमें भी ये निभा रहे हैं तो ओवरऑल सभी के सभी जो कि आर्टिस्ट यानी कास्टिंग बता दिया जिस हिसाब से जिस तरह से रखा गया उसी तरह आपको जिस तरह से मैंने यानी बताई आपको ओवरऑल उसी के साथ आपको देखने को मिलेगी यानी नजर आएगी सभी कास्टिंग जी हां दोस्तों तो दोस्तों वादो वो फिल्म यानी सीरीज़ को 8 दिसंबर 2023 की एयर में जैसे कि डायरेक्ट ओ के डिजनी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज़ करवाई थी यानी कि प्रीमियम करवाई थी जहां दोस्तों जहां पर इंडियन तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जैसे कि कई सारे डब्ड वर्जन में जैसे कि हिंदी बंगाली तमिल कन्नडा मलयालम मराठी ये सभी डब्ड वर्जन में सीरीज़ को रिलीज़ की गई थी जो कि आप सभी फिल्म यानी सीरीज़ को देख पा रहे थे जी हाँ दोस्तों अपने बिल्कुल सही सुना तो जब वादो वो फिल्म यानी सीरीज़ को ओटीटी पर रिलीज़ की गई थी तो क्रिटिक्स का रेस्पॉन्स की बात की जाए तो यानी मिक्स रिव्यूज मिला था इस सीरीज़ को तो दोस्तों फिल्म यानि सीरीज़ को आईएमडीबी पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है इसी के साथ गूगल की बात की जाए तो 71% परसेंट इस फिल्म को यानी सीरीज़ को लाइक्स मिली हुई है साथ ही दोस्तों फिल्म का बजट यानी सीरीज़ की बजट की बात की जाए तो यहाँ पर पब्लिकली तो रिवील नहीं की गई जो कि अनहाइट करके रखे हुए मेकर्स ने जी हाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च किया था बट फिर भी मुझे पता नहीं चले जो भी पता चले वही आपको बता रहा हूँ जहाँ पर मतलब अनहाइट करके रखे हुए तो इसी के दौरान आपको पता नहीं पा हूँ बट आने वाले टाइम पर देखते हैं उसका कुछ होता है तो आपको मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो पर कुछ जो भी है पूरा कोशिश करूंगा मतलब देने की बट फिलहाल अभी तो कुछ है नहीं जहां पर बजट अनहाइड करके रखे हुए हैं पब्लिकली रिवील नहीं की गए इसी के साथ दोस्तों वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो वो भी वहाँ पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी अनहाइड करके रखे हुए हैं पब्लिकली रिवील नहीं की गई है ने जी हाँ दोस्तों इसी के साथ अगर आप दोस्तों आपको बता दें जिस हिसाब से मतलब सीरीज ने रन कर पाई थी ओ पर जिस हिसाब से चल रही थी अभी जिस हिसाब से चल रही है तो दोस्तों वाध वो तेलगू लैंग्वेज की टेलीविज़न सीरीज़ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई गई जहाँ पर मेकर्स के दौरान आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा हिट बनने में कामयाब रही जो कि चल भी रही है तो अगर आप वेब सीरीज़ देखते हो उस टाइप का जैसे कि मिस्ट्री के साथ तो ये फिर सीरीज़ या फिर फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज के बारे में हम डिस्कस करें जैसे कि लाइक आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि कास्ट के बारे में मतलब आपको बताए एक्टर एंड एक्ट्रेस की किस तरह से परफॉर्मेंस रहा तो दोस्तों अविका गौर एज ए अंजूरी इंदू का रोल इसमें निभाए जहाँ पर इंदू का वो जो रोल निभाएं उनका रोल काफ़ी ज़्यादा अव्वल दर्जे में इसमें नज़र आएगी जहाँ पर उन्होंने इस वेब सीरीज़ में जैसे कि पूरा सीरीज़ में एपिसोड्स में आपको कहीं ना कहीं एकदम ब्रिलियंट काम करते हुए नज़र आएगी जैसे कि इसमें उनका एक्टिंग जैसे कि चीज़ें जो डराने में कामयाब रहती जैसे कि मिस्ट्री के बाद हर एक चीज़ें एक इस ले। मतलब वन बाय वन जैसे कि चीज़ें नजर आएगी आपको उनकी जैसे कि डायलॉग के साथ स्क्रीन में वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एकदम बेटर से ने, बेटर देखने को मिलेगी जैसे कि उनकी डायलॉग और चीज़ें जो मिस्ट्री के साथ जो कि सस्पेंस में बनाने में कामयाब रहती इनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं उस भी चीज़ें डराने में कामयाब रहते हैं जैसे एक बाय एक चीज़ें जानने में आपको मजा आएगी जैसे कि पूरी एपिसोड में कैसे पूरा वन टू थ्री फोर सेवन ऐसा जो एपिसोड है पूरा एपिसोड में आप किस तरह से इंगेजिंग बांधोगे कैसे रखोगे उनके वजह से आप इसमें इंदू के वजह से आप एपिसोड देखोगे जय जयपर इंदू ने इसमें जैसे कि पूरा एपिसोड में एक बाय एक जैसे कि वो पहला शादी से लेकर काफ़ी अपने शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहते लाइक जैसे उनकी लाइफ में ऐसा कुछ परेशानी रहता है कि वो जल्दी शादी कर नहीं पाते या फिर होता नहीं है बट हालांकि शादी हो जाता है उसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड के घर जाते जहाँ पर वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि हर एक जैसे कि कैरेक्टर पर हर एक इंसान पर जो भी मिस्ट्री है सस्पेंस है वो बनाने में कामयाब रहती है जैसे कि हर एक की कहानी एक बाय एक कहानी सुनाने में कामयाब रहती इनकी वो जानने में ये इन दो लगा रहता वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें एकदम पकड़ने में कामयाब रहती उनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं चीज़ें पॉजिटिवली है या नेगेटिव वो आगे जाके आपको पता चलेगी इनकी कामें कहीं ना कहीं सीन्स में बहुत महत्वपूर्ण करता है फिल्म के लिए जैसे कि सीरीज के लिए इनके अलावा नंदू एज ए आनंद का रोल निभा रहा है जहाँ पर इंदू के हस्बैंड रहते हैं इसमें तो वो आनंद इसमें किस तरह से उनकी जो एक्टिंग है काफी हद तक इसमें भी नजर आई जैसे कि इसमें इंदू के पीछे वो लगा रहता है इंदू क्या करती है क्यों होता है क्यों नहीं होता है क्यों होना चाहिए क्यों होता है वो सभी चीजें हर एक स्टेप बाई स्टेप जैसे कि मिस्ट्री सस्पेंस वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से भी आप इंगेज करोगे इनकी ए, मतलब ह्यूमिनिटी जैसे कि पॉजिटिवली इग्नोरिंग सेंस और अदरवाइज जैसे कि वो चीज़ें इनके साथ जो होता है अनहोनी वो सभी चीज़ें गुजरना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी गुजरता है वही ये भी काफ़ी ज़्यादा डरने के साथ वो फिल्में नजर आए तो उनकी एक्टिंग डायलॉग सर्कोरिज्म चीज़ें सही सभी के सभी आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी मुझे तो ओवरऑल ठीक ठाक लगा अदरवाइज आप अपने हिसाब से इनकी एक्टिंग देख सकते हो कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आ, मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो चीज़ें थोड़ा बहुत पकड़ने में आपको ठीक ठाक रखेगी सीरीज में पूरा वैसे अली रेजा इसमें जो आर्या का रोल निभाए आर्या इसमें वो भी चीज़ें इनके साथ एक जैसे बोल सकते हैं उनके साथ क्यों हो रहा है वो भी जानते हैं जैसे कि मिस्ट्री में इनकी एक्टिंग जैसे कि सीन्स में इनका जो ठीक ठाक जैसे कि इनके सीरीज़ में जैसा एक्टिंग है और चीज़ें जैसे कि पता चलता है कि इनका भी सीरीज़ में जैसे कि एक ठीक ठाक महत्वपूर्ण रोल रहता है जैसे कि इनकी रोल में चीज़ें और ज़्यादा बिखरे हुए रहते हैं तो वो चीज़ें इनके साथ क्यों होता है वो भी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी इनकी एक्टिंग जैसे कि लाइक सीन्स में जैसे बॉडी लैंग्वेज बात करने का ढंग जो भी चीज़ें इनके साथ भी ठीक ठाक नज़र आते स्क्रीन में पूरा इन्होंने भी यूँ मानो कि जान फूक दिए एक्टर में जो भी इनकी एक्टिंग है वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिलता है हाँ उतना ख़ास नहीं है बट ज़्यादा अगर बोलोगे तो इंदू का रोल इसमें महत्वपूर्ण रहा पूरा एपिसोड में वो बोल सकते हैं सीरीज़ में उनकी वजह से आप वाच करोगे इंदू इसमें जो चीज़ें हैं किस तरह से दिखाने में कामयाब रही उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है डायलॉग है स्टाइल है जैसे कि उनके साथ है थोड़ा बहुत चीज़ें आपको कहना ना कि अगर आप टेलीविजन सीरीज़ देखते हो तो वो उस उस टाइप का इसमें एक्टर और जो कि उन्होंने एक्ट्रेस इसमें रोल जो है निभाए हैं तो उस टाइप का इसमें डाला गया अदरवाइज ऐसी भी चीज़ें के अलावा जैसे कि आपको बता दें हर एक एपिसोड में जैसे कि टाइमिंग की बात करें तो सत्रह से तेईस मिनट के एपिसोड में रखा गया है तो पूरा एपिसोड के साथ एक बाय एक जैसे इसके एक एपिसोड देखते हो तो पूरा एपिसोड क्यों देखना चाहिए क्यों देखने को मतलब मतलब देखने में इंगेजिंग रहेगी टाइमिंग वो सभी चीज़ें आपको पता चलेगी सीरीज की में और ये सभी चीज़ें के अलावा सीरीज़ में जैसे कि बी जो एक डरने वाला जो घुस बम देता है वो बीजीएम स्कोर कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगी सिनेमाग्राफिक सीन्स में वही सभी है चीज़ें थोड़ा बहुत और चीज़ें और मतलब पकड़ने में कामयाब रहती और अलग नेक्स्ट लेवल तक कर सकते थे यहाँ पर और एक्शन स्वीकेंस तो उतना नहीं है जहाँ पर होना चाहिए जिस हिसाब से वहाँ पर उतना कुछ खास नहीं है मैं सीरीज में उस भी चीज़ देखने को मिलेगी नहीं एडिटिंग में आपको बता दें सत्रह से तेईस मिनट के टाइम में जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक एपिसोड लगता है कि बढ़ाया गया तो वहाँ पर कम करना चाहिए था पाँच छः मिनट उस एपिसोड में उस, में उस के अलावा जैसे कि इसमें सीन्स में कहीं ना कहीं और कुछ खास कर सकते थे स्क्रीन प्ले टाइट था प्लॉट तो एक यूनिक नहीं है बट वही टाइप का है जैसे एक मिस्ट्री में हर एक सीरीज में आप देखते हो स्टोरी में जैसे कि क्रिएट होता है कहानी हर एक के ऊपर एक कहानी रहता है उसे भी जानने में मतलब सस्पेंस के साथ मिस्ट्री किस तरह से होता है वही टाइप का सीरीज है अगर आप फोटोग्राफ को ले लो तो फोटोग्राफ में भी सीन्स में उतना कुछ अव्वल दर्जे का है नहीं ठीक ठाक देखने को मिलता है तो अगर आप डायरेक्टर की डायरेक्शनल की बात करो यहाँ पर सीरीज़ की तो पोलोरी कृष्णा उनकी जो जैसे लाइक आप बड़े बड़े सीरीज़ तो उन्होंने बना चुके ऑलरेडी बट उनके सीरीज़ में ऐसा ही रहता कुछ मिस्ट्री के साथ कहानी वो डेवलप करते हमारे सामने जो पेश किए हुए वो सभी चीज़ें जैसे कि हर एक आर्टिस्ट को किस तरह से हमारे सामने सीरीज़ के दौरान दिखाए गए वो सभी चीज़ें इनके कहीं ना कहीं एक मतलब अव्वल दर्जे के साथ नेक्स्ट लेवल में काम देखने को मिलता है तो वो सभी चीज़ें इनकी

सकते हो आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तभी आप सीरीज को यानी फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों आप इस सीरीज़ को यानी इस फिल्म को अगर वॉच करना चाहते हो तो इस तरह से वॉच कीजिएगा यानी एंजॉय कीजिएगा आप हमारे इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की यानी सीरीज की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी किस तरह से क्या गया किस तरह से की गई है जो भी चीज़ें रखा गया वो आपको बताऊंगा तो दोस्तों द सीरीज इन द तेलुगु रीमेक ऑफ द 2021 तो थाउजेंड तो 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 ट्वेंटी वन ईयर हो सीरीज इंदू डायरेक्टेड बाय सेन्थम घोस्वाल द प्रिंसिपल फोटोग्राफी तो ऑफ द सीरीज कमेंस विथ अविका गौर एंड अली रेजा एंड नंदू जॉइंट द कास्ट दीरीज वॉज ए अनाउंसमेंट बाय डिज्नी प्लस हॉट स्टार तो दोस्तों यही सभी जो कि फिल्म के सीरीज की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जा रही है जो कि रखा गया इसी तरह तो दोस्तों आखिर में फिल्म यानी सीरीज़ की प्लॉट या फिर स्टोरी कहानी जो भी कह लो उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी देंगे किस तरह से क्या रखा गया है जो भी एक्सप्लेनेशन है तो दोस्तों इंदु की शादी एक में परिवार में होने वाली है पहले उसकी शादी संजय से होने वाली थी लेकिन उसकी बहन बानों उसके साथ भाग जाती है शादी के शादी से एक रात पहले उसकी परिवार को धूले के परिवार से उपहार मिलाते हैं इसमें एक कतल भाई शामिल है जो सीला हुआ प्रातीत होता है अब परिवार ने इसे खोलकर देखा तो इसमें एक पत्ता मिला इंदु पत्ता लेकर अपने जो कि दादी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है तो दोस्तों आगे भी कहानी उस टाइप का है जो पता चलने में आपको जो कि जानने में आपको फिल्म देखनी पड़ेगी यानी सीरीज देखनी पड़ेगी जहाँ पर सीरीज में हर एक जैसे कि कैरेक्टर के ऊपर एक बाय एक कहानी क्रिएट करते हुए रहती है जैसे कि कहानी जानने में आपको पता चले कि जब कर हर एक का प्रॉब्लम रहता है कि जो कि मिस्ट्री के साथ सस्पेन बनाने में कामयाब रहेगी अगर आप सीरीज देखते हो इस टाइप का मिस्ट्री सस्पेन के टाइप की तो अगर आप उस टाइप का देखते हो तो फिर ये आपके लिए ज़रूर पसंद आएगी तो इसमें वही टाइप की कहानी है तो आपको कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मजा भी देगी आपको इंगेजिंग भी करेगी अगर इस टाइप का सीरीज़ देखते हो तभी आप जाके देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज को डायरेक्ट किए हुए पोलोरू कृष्णा सर ने पोलोरू कृष्णा सर के डायरेक्शन के अलावा इस फिल्म में जैसे कि इस सीरीज़ में आपको बता दें कि स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें उन्होंने ही करके दी हुई इस फिल्म में उनका ही ये सभी चीज़ में फिल्म में आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी एंड दोस्तों फिल्म की प्रोड्यूसर की बात की जाए तो आपको बता दें जहाँ पर श्रीकांत मोहता उनके अलावा महेंद्रा सोनी ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हुए काफ़ी बड़े बड़े बोल सकते हैं लाइक सीरीज के प्रोड्यूसर हैं तो दोस्तों स्टारिंग कास्ट की बात की जाए तो अविका गौर उनके अलावा जैसे कि अली रेजा एंड नंदू भी आपको इसमें स्टार्टिंग इस कास्ट में देखने को मिलेगी इस सीरीज में तो दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए यानी सीरीज की तो राम के महेश का इस फिल्म यानी सीरीज में सिनेमाटोग्राफिक देखने को मिलता है पूरा सीरीज को उन्होंने सिनेमाटोग्राफिक दिए हुए वहीं पर अनिल कुमार पी का जो कि इसमें जैसे कि सीरीज़ में एडिटिंग देखने को मिलता है इस सीरीज को पूरा उन्होंने एडिट करके दिया है जहां पर उन्होंने जैसे कि आपको बता दें लाइक हर एक एपिसोड में आपको सत्रह से तेईस मिनट के साथ आप वॉच कर सकते हो जैसे कि सात एपिसोड में आपको एक एपिसोड में सत्रह से तेईस मिनट के अंदर लेंथ देखने को मिलेगी इपी... इसी के साथ आप पूरा एपिसोड को वॉच कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो वैसे आपको बता दे इसी लेंथ के साथ पूरी सीरीज को रखा गया है हाँ दोस्तों डेफिनेटली इसी के साथ आप वॉच कर सकते हो हाँ शायद कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है वो आप एपिसोड में देखोगे तभी आपको पता चलेगी तो दोस्तों फिल्म की म्यूजिकल डिपार्टमेंट यानी सीरीज़ की बात की जाए तो श्री राम माधुरी इस फिल्म यानी सीरीज को उनका ही म्यूजिक साउंड ट्रैक देखने को मिलते हैं जहाँ पर उन्होंने करके दिए हुए थे जो कि कंपोजिंग भी उनका रहा जो कि बैकग्राउंड स्कोर सीरीज में भी उनका है सुनने को मिलती है साथ ही दोस्तों अगर आप सभी सीरीज के साथ जब सीरीज चलता है हर एक एपिसोड में आप पूरा एंजॉय कर पाओगे जहाँ पर सॉन्ग्स के साथ बीजीएम जो बजता है में वही आपको पता चल किस तरह से क्या रखा गया है प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी कौन सा कंपनी ने इस सीरीज को बनाई है कौन से कंपनी के अंडर तो श्री वेंकटेश फिल्म्स के बैनर के नीचे यानी कंपनी के अंडर इस सीरीज को यानी फिल्म को बनाई गई है जी हाँ दोस्तों वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो उनके ओर से डिस्ट्रीब्यूटर भी कंप्लीट करवाइए अब दोस्तों आर्टिस्ट की बात करेंगे आ, मतलब लाइक कौन सा एक्टर एक्ट्रेस किस रोल के साथ आ, मतलब सीरीज में नजर आएंगे यानी वही या आपको बताएंगे तो दोस्तों वैसे आपको बता दे यानी इस सीरीज में यानी फिल्म में ज़्यादा मतलब कैरेक्टर तो नहीं है आर्टिस्ट मतलब ज़्यादा तो नहीं लिया गया है हाँ थोड़े बहुत ही है बट अगर आप एपिसोड में देखोगे तो आपको पता चल जाएगी कितना क्या है तो यहाँ पर मेकर्स ने जितना मतलब बताया उतना ही मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर ज्यादा नहीं है तीन ही है तो उस हिसाब से आपको बताऊंगा जहां पर अविका गौर एज अंजूरी इंदू का रोल फिल्म करेंगे जहां पर करके फिल्म में बुलाते हैं उनको इंदू के साथ ही फिल्म में नजर आएंगे नंदू एज आनंद का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर इंदुस के हस्बैंड रहते हैं इसमें सीरीज में जो कि आपको बता दे इसमें उसका मतलब हस्बैंड के साथ देखने को मिलेगी आपको फिल्म में यानी सीरीज में इसी के साथ आली रेजा एज ए आरिया का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर सीरीज में आपको इसी रोल के साथ नजर आने वाले हैं तो यही रोल इसमें भी ये निभा रहे हैं तो ओवरऑल सभी के सभी जो कि आर्टिस्ट यानी कास्टिंग बता दिया हूँ जिस हिसाब से जिस तरह से रखा गया उसी तरह आपको जिस तरह से मैंने यानी बताई आपको ओवरऑल उसी के साथ आपको देखने को मिलेगी यानी नजर आएगी सभी कास्टिंग जी हां दोस्तों तो दोस्तों वादो वो फिल्म यानी सीरीज़ को 8 दिसंबर 2023 की एयर में जैसे कि डायरेक्ट ओ के डिजनी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज करवाई थी यानी कि प्रीमियम करवाई थी जहां दोस्तों जहां पर इंडियन तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जैसे कि कई सारे डब्ड वर्जन में जैसे कि हिंदी बंगाली तमिल कन्नडा मलयालम मराठी ये सभी डब वर्जन में सीरीज को रिलीज़ की गई थी जो कि आप सभी फिल्म यानी सीरीज को देख पा रहे थे जी हाँ दोस्तों अपने बिल्कुल सही सुना तो जब वादो वो फिल्म यानी सीरीज़ को ओ पर रिलीज़ की गई थी तो क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स की बात की जाए तो यानी मिक्स रिव्यूज मिला था इस सीरीज़ को तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज़ को आई पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है इसी के साथ गूगल की बात की जाए तो 71 परसेंट इस फिल्म को यानी सीरीज़ को लाइक्स मिली हुई है साथ ही दोस्तों फिल्म का बजट यानी सीरीज़ की बजट की बात की जाए तो यहाँ पर पब्लिकली तो रिवील नहीं की गई जो कि अनहाइड करके रखे हुए मेकर्स ने जी हाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च किया था बट फिर भी मुझे पता नहीं चले जो भी पता चले वही आपको बता रहा हूँ जहाँ पर मतलब अनहाइट करके रखे हुए तो इसी के दौरान आपको पता नहीं पा रहा हूँ बट आने वाले टाइम पर देखते हैं उसका कुछ होता है तो आपको मैं आ, मतलब नेक्स्ट वीडियो पर कुछ जो भी है पूरा कोशिश करूंगा मतलब देने की बट फिलहाल अभी तो कुछ है नहीं जहां पर बजट अनहाइड करके रखे हुए हैं पब्लिकली रिवील नहीं की गई इसी के साथ दोस्तों वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की है तो वो भी वहाँ पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी अनहाइड करके रखे हुए हैं पब्लिकली रिवील नहीं की गई है मेकरस ने जी दोस्तों इसी के साथ अगर आप दोस्तों आपको बता दें जिस हिसाब से मतलब सीरीज ने रन कर पाई थी ओ पर जिस हिसाब से चल रही थी अब ये जिस हिसाब से चल रही है तो दोस्तों वाद तेलुगु लैंग्वेज की टेलीविज़न सीरीज़ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई गई जहाँ पर मेकर्स के दौरान आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा हिट बनने में कामयाब रही जो कि चल भी रही है तो अगर आप वेब सीरीज़ देखते हो उस टाइप का जैसे कि मिस्ट्री के साथ तो ये फिर सीरीज़ या फिर फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज़ के बारे में हम डिस्कस करें जैसे कि लाइक आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि कास्ट के बारे में मतलब आपको बताए एक्टर एंड एक्ट्रेस की किस तरह से परफॉर्मेंस रहा तो दोस्तों अविका गौर एज ए अंजूरी इंदू का रोल इसमें निभाए जहाँ पर इंदू का वो जो रोल निभाए उनका रोल काफ़ी ज़्यादा अव्वल दर्जे में इसमें नज़र आएगी जहाँ पर उन्होंने इस वेब सीरीज़ में जैसे कि पूरा सीरीज़ में एपिसोड्स में आपको कहीं ना कहीं एकदम ब्रिलियंट काम करते हुए नज़र आएगी जैसे कि इसमें उनका एक्टिंग जैसे कि चीज़ें जो डराने में कामयाब रहती जैसे कि मिस्ट्री के बाद हर एक चीज़ें एक इस टाइपले मतलब वन बाय वन जैसे कि चीज़ें नजर आएगी आपको उनकी जैसे कि डायलॉग के साथ स्क्रीन में वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एकदम बेटर से ने, बेटर देखने को मिलेगी जैसे कि उनकी डायलॉग और चीज़ें जो मिस्ट्री के साथ जो कि सस्पेंस में बनाने में कामयाब रहती इनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं उस भी चीज़ें डराने में कामयाब रहते जैसे एक बाय एक चीज़ें जानने में आपको मज़ा आएगी जैसे कि पूरी एपिसोड में कैसे पूरा वन टू थ्री फोर सेवन ऐसा जो एपिसोड है पूरा एपिसोड में आप किस तरह से इंगेजिंग बांधोगे कैसे रखोगे उनके वजह से आप इसमें इंदू के वजह से आप एपिसोड देखोगे जय फिर इंदू ने इसमें जैसे कि पूरा एपिसोड में एक बाय एक जैसे कि वो पहला शादी से लेकर काफ़ी अपने शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहते लाइक लाइफ जैसे उनकी लाइफ में ऐसा कुछ परेशानी रहता है कि वो जल्दी शादी कर नहीं पाते या फिर होता नहीं है बट हालांकि शादी हो जाता है उसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड के घर जाते जहाँ पर वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि हर एक जैसे कि कैरेक्टर पर हर एक इंसान पर जो भी मिस्ट्री है सस्पेंस है वो बनाने में कामयाब रहती जैसे कि हर एक की कहानी एक बाय एक कहानी सुनाने में कामयाब रहती इनकी वो जानने में ये इन दो लगा रहता वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें एकदम पकड़ने में कामयाब रहती उनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं चीज़ें पॉजिटिवली है या नेगेटिव वो आगे जाके आपको पता चलेगी इनकी कामें कहीं ना कहीं सीन्स में बहुत महत्वपूर्ण करता है फिल्म के लिए जैसे कि सीरीज़ के लिए इनके अलावा नंदू एज आनंद का रोल निभा रहा है जहाँ पर इंदू के हस्बैंड रहते हैं इसमें तो वो आनंद इसमें किस तरह से उनकी जो एक्टिंग है काफ़ी हद तक इसमें भी नज़र आई जैसे कि इसमें इंदू के पीछे वो लगा रहता है इंदू क्या करती है क्यों होता है क्यों नहीं होता है क्यों होना चाहिए क्यों होता है वो सभी चीजें हर एक स्टेप बे स्टेप जैसे कि मिस्ट्री सस्पेंड वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से आप एंगेज करोगे इनकी मतलब ह्यूमनिटी जैसे कि पॉजिटिवली इग्नोरिंग सेंस अदरवाइज से, जैसे कि वो चीज़ें इनके साथ जो होता है अनहोनी वो सभी चीज़ें गुजरना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी गुजरता है वही ये भी काफ़ी ज़्यादा डरने के साथ वो फिल्में नज़र आए तो उनकी एक्टिंग डायलॉग सर्कोरिजम चीज़ें सही सभी के सभी आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी मुझे तो ओवरऑल ठीक ठाक लगा अदरवाइज आप अपने हिसाब से इनकी आई एक्टिंग देख सकते हो कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो चीज़ें थोड़ा बहुत पकड़ने में आपको ठीक ठाक रखेगी सीरीज में पूरा वैसे अली रेजा इसमें जो आर्या का रोल निभा है आर्या इसमें वो भी चीज़ें इनके साथ एक जैसे बोल सकते हैं उनके साथ क्यों हो रहा है वो भी जानते हैं जैसे कि मिस्ट्री में इनकी एक्टिंग जैसे कि सीन्स में इनका जो ठीक ठाक जैसे कि इनके सीरीज़ में जैसा एक्टिंग है और चीज़ें जैसे कि पता चलता है कि इनका भी सीरीज़ में जैसे कि एक ठीक ठाक महत्वपूर्ण रोल रहता है जैसे कि इनकी रोल में चीज़ें और ज़्यादा बिखरे हुए रहते हैं तो वो चीज़ें इनके साथ क्यों होता है वो भी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी इनकी एक्टिंग जैसे कि लाइक सीन्स में जैसे बॉडी लैंग्वेज बात करने का ढंग जो भी चीज़ें इनके साथ भी ठीक ठाक नजर आते स्क्रीन में पूरा इन्होंने भी यूँ मानो कि जान फूक दिए एक्टर में जो भी इनकी एक्टिंग है वहाँ पर कहीं कही ना कहीं आपको चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिलता है हाँ उतना खास नहीं है बट ज़्यादा अगर बोलोगे तो इंदु का रोल इसमें महत्वपूर्ण रहा पूरा एपिसोड में वो बोल सकते हैं सीरीज में उनकी वजह से आप वाच करोगे इंदु इसमें जो चीज़ें हैं किस तरह से दिखाने में कामयाब रही उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है डायलॉग है स्टाइल है जैसे कि उनके साथ है थोड़ा बहुत चीज़ें आपको कहना ना कि अगर आप टेलीविजन सीरीज़ देखते हो तो वो उस उस टाइप का इसमें एक्टर और जो कि उन्होंने एक्ट्रेस इसमें रोल जो है निभाए हैं तो उस टाइप का इसमें डाला गया अदरवाइज ऐसी भी चीज़ें के अलावा जैसे कि आपको बता दें हर एक एपिसोड में जैसे कि टाइमिंग की बात करें तो सत्रह से तेईस मिनट के एपिसोड में रखा गया है तो पूरा एपिसोड के साथ एक बाई एक जैसे कि एक एपिसोड देखते हो तो पूरा एपिसोड क्यों देखना चाहिए क्यों देखने को मतलब मतलब देखने में इंगेजिंग रहेगी टाइमिंग वो सभी चीज़ें आपको पता चलेगी सीरीज की में और ये सभी चीज़ें के अलावा सीरीज में जैसे कि बीजीएम जो एक डरने वाला जो घोष बम देता है वो बीजेम स्कोर कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगी सिनेमाग्राफिक सीन्स में वही सभी है चीज़ें थोड़ा बहुत और चीज़ें और मतलब पकड़ने में कामयाब रहती और अलग नेक्स्ट लेवल तक कर सकते थे यहाँ पर और एक्शन स्वीकेंस तो उतना नहीं है जहाँ पर होना चाहिए जिस हिसाब से वहाँ पर उतना कुछ खास नहीं है आप सीरीज में उस भी चीज़ देखने को मिलेगी नहीं एडिटिंग में आपको बता दें सत्रह से तेईस मिनट के टाइम में जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक एपिसोड लगता है कि बढ़ाया गया तो वहाँ पर कम करना चाहिए था पाँच छः मिनट उस एपिसोड में उसी उस के अलावा जैसे कि इसमें सेंस में कहीं ना कहीं और कुछ खास कर सकते थे स्क्रीन प्ले टाइट था प्लॉट तो एक यूनिक नहीं है बट वही टाइप का है जैसे एक मिस्ट्री में हर एक सीरीज में आप देखते हो स्टोरी में जैसे कि क्रिएट होता है कहानी हर एक के ऊपर एक कहानी रहता है उसे भी जानने में मतलब सस्पेंस के साथ मिस्ट्री किस तरह से होता है वही टाइप का सीरीज़ है अगर आप फोटोग्राफ को ले लो तो फोटोग्राफ में भी सीज़ में उतना कुछ अव्वल दर्जे का है नहीं ठीक ठाक देखने को मिलता है तो अगर आप डायरेक्टर की डायरेक्शनल की बात करो यहाँ पर सीरीज़ की तो पोलोरी कृष्णा उनकी जो जैसे लाइक आप बड़े बड़े सीरीज तो उन्होंने बना चुके ऑलरेडी बट उनके सीरीज में ऐसा ही रहता है कुछ मिस्ट्री के साथ कहानी वो डेवलप करते हमारे सामने जो पेश किए हुए वो सभी चीज़ें जैसे कि हर एक आर्टिस्ट को किस तरह से हमारे सामने सीरीज़ के दौरान दिखाए गए वो सभी चीज़ें इनकी कहीं ना कहीं एक मतलब अव्वल दर्जे के साथ नेक्स्ट लेवल में काम देखने को मिलता है तो वो सभी चीज़ें इनकी पसंद आएगी अगर आप सीरीज देखते हो तभी बिकॉज अगर आप सीरीज नहीं देखते हो तो आपको पसंद नहीं आएगी वो उस टाइप का फिल्म है ये जी हाँ दोस्तों यानी सीरीज है तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ओ के डिजनी प्लस हॉट पर विथ इंग्लिश सेपरेटर विथ सेपरेशन के साथ तेलुगु ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा जैसे कि हिंदी तमिल कन्नडा बंगाली मराठी मलयालम ये सभी डब्ड वर्जन में आप इस सीरीज़ को यानी फिल्म को देख सकते हो आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तभी आप सीरीज़ को यानी फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों आप इस सीरीज़ को यानी इस फिल्म को अगर वॉच करना चाहते हो तो इस तरह से वॉच कीजिएगा यानी एंजॉय कीजिएगा आप हमारे इस चैनल को अब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की यानी सीरीज की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी किस तरह से क्या गया किस तरह से की गई है जो भी चीजें रखा गया वो आपको बताऊंगा तो दोस्तों द सीरीज इन द तेलुगु रीमेक ऑफ द 2021 ईयर टू थाउजेंड सीरीज इन दू डायरेक्टेड बाई से गोस्वाल द प्रिंसिपल फोटोग्राफी ऑफ द सीरीज कमेंस विथ अविका गोर एंड अली रेजा एंड नंदू ज्वाइन द कास्ट दीरीज वॉज ए अनुसमेंट बाय डिजनी प्लस हॉटस्टार तो दोस्तों यही सभी जो कि फिल्म के सीरीज़ की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जा रही है जो कि रखा गया इसी तरह तो दोस्तों आखिर में फिल्म यानी सीरीज़ की प्लॉट या फिर स्टोरी कहानी जो भी कह लो उसके बारे में थोड़े बहुत आपको जानकारी देंगे किस तरह से क्या रखा गया है जो भी एक्सप्लेनेशन है तो दोस्तों इंदु की शादी एक रहस्य में परिवार में होने वाली है पहले उसकी शादी संजय से होने वाली थी लेकिन उसकी बहन बानो उसके साथ भाग जाती है शादी के शादी से एक रात पहले उसकी परिवार को दूल्हे के परिवार से उपहार मिलाते हैं इसमें एक कतल भाई शामिल है जो हुआ प्रातीत होता है परिवार ने इसे खोलकर देखा तो इसमें एक पत्ता मिला इंदु पत्ता लेकर अपने जो कि दादी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है तो दोस्तों आगे भी कहानी उस टाइप का है जो पता चलने में आपको जो कि जानने में आपको फिल्म देखनी पड़ेगी यानी सीरीज देखनी पड़ेगी जहाँ पर सीरीज में हर एक जैसे कि कैरेक्टर के ऊपर एक बाय एक कहानी क्रिएट करते हुए रहती है जैसे कि कहानी जानने में आपको पता चले कि जब कर हर एक का प्रॉब्लम रहता है कि जो कि मिस्ट्री के साथ सस्पेंस बनाने में कामयाब रहेगी अगर आप सीरीज देखते हो इस टाइप का मिस्ट्री सस्पेंस के टाइप की तो अगर आप उस टाइप का देखते हो तो फिर ये आपके लिए ज़रूर पसंद आएगी तो इसमें वही टाइप की कहानी है तो आपको कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़ा भी देगी आपको इंगेजिंग भी करेगी अगर इस टाइप का सीरीज देखते हो तभी आप जाके देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज़ को डायरेक्ट किए हुए पोलोरू कृष्णा सर ने पोलोरू कृष्णा सर की डायरेक्शन के अलावा इस फिल्म में जैसे कि इस सीरीज़ में आपको बता दें कि स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें उन्होंने ही करके दी हुई इस फिल्म में उनका ये सभी चीज़ में फिल्म में आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी एंड दोस्तों फिल्म की प्रोड्यूसर की बात की जाए तो आपको बता दें जहाँ पर श्रीकांत मोहता उनके अलावा महेंद्रा सोनी ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हुए काफ़ी बड़े बड़े बोल सकते लाइक सीरीज के प्रोड्यूसर हैं तो दोस्तों स्टारिंग कास्ट की की बात जाए तो अविका गौर उनके अलावा जैसे कि अली रेजा एंड नंदू भी आपको स्टार्टिंग इस इस कास्ट में देखने को मिलेगी इस सीरीज में तो दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए यानी सीरीज की तो राम के महेश का इस फिल्म यानी सीरीज में सिनेमाडोग्राफिक देखने को मिलता है पूरा सीरीज को उन्होंने सिनेमाडोग्राफिक दिए हुए वहीं पर अनिल कुमार पी का जो कि इसमें जैसे कि सीरीज़ में एडिटिंग देखने को मिलता है इस सीरीज को पूरा उन्होंने एडिट करके दिए जहां पर उन्होंने जैसे कि आपको बता दें लाइक हर एक एपिसोड में आपको सत्रह से तेईस मिनट के साथ आप वॉच कर सकते हो जैसे कि सात एपिसोड में आपको एक एपिसोड में सत्रह से तेईस मिनट के अंदर लेंथ देखने को मिलेगी इसी के साथ आप पूरा एपिसोड को वॉच कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो वैसे आपको बता दे इसी लेंथ के साथ पूरी सीरीज को रखा गया है हाँ दोस्तों डेफिनेटली इसी के साथ आप वॉच कर सकते हो हाँ शायद कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है वो आप एपिसोड में देखोगे तभी आपको पता चलेगी तो दोस्तों फिल्म की म्यूजिकल डिपार्टमेंट यानी सीरीज़ की बात की जाए तो श्री राम माधुरी इस फिल्म यानी सीरीज को उनका म्यूजिक साउंड ट्रैक देखने को मिलते हैं जहाँ पर उन्होंने करके दिए हुए थे जो कि कंपोजिंग भी उनका रहा जो कि बैकग्राउंड स्कोर सीरीज में भी उनका है सुनने को मिलती है साथ ही दोस्तों अगर आप सभी सीरीज के साथ जब सीरीज चलता है हर एक एपिसोड में आप पूरा इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पर सॉन्ग्स के साथ बीजीएम जो बजता है में वही आपको पता चल जाएगी किस तरह से क्या रखा गया जी दोस्तों तो दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी कौन सा कंपनी ने इस सीरीज को बनाई है कौन से कंपनी के अंडर तो श्री वेंकटेश फिल्म्स के बैनर के नीचे यानी कंपनी के अंडर इस सीरीज को यानी फिल्म को बनाई गई है जी हाँ दोस्तों वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो उनके ओर से डिस्ट्रीब्यूटर भी कंप्लीट करवाई है अब दोस्तों आर्टिस्ट की बात करेंगे आ, मतलब लाइक कौन सा एक्टर एक्ट्रिस किस रोल के साथ आ, मतलब सीरीज में नजर आएंगे यानी वही या आपको बताएंगे तो दोस्तों वैसे आपको बता दे यानी इस सीरीज में यानी फिल्म में ज़्यादा मतलब कैरेक्टर तो नहीं है आर्टिस्ट मतलब ज़्यादा तो नहीं लिया गया हाँ थोड़े बहुत ही है बट अगर आप एपिसोड में देखोगे तो आपको पता चल जाएगी कितना क्या है तो यहाँ पर मेकर्स ने जितना मतलब बताया उतना ही मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर ज्यादा नहीं है तीन ही है तो उसी हिसाब से सब आपको बताऊंगा जहाँ पर अविका गौर एज अंजूरी इंदू का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर इंदू हैं उनको इंदू के साथ ही फिल्म में नजर आएंगे नंदू एज ए आनंद का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर इंदू के हस्बैंड रहते इसमें सीरीज में जो कि आपको बता दे इसमें उसका मतलब हस्बैंड के साथ देखने को मिलेगी आपको फिल्म में यानी सीरीज में इसी के साथ आली रेजा एज ए आरिया का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर सीरीज में आपको इसी रोल के साथ नजर आने वाले हैं तो यही रोल इसमें भी ये निभा रहे हैं तो ओवरऑल सभी के सभी जो कि आर्टिस्ट यानी कास्टिंग बता दिया हूँ जिस हिसाब से जिस तरह से रखा गया उसी तरह आपको जिस तरह से मैंने यानी बताई आपको ओवरऑल उसी के साथ आपको देखने को मिलेगी यानी नजर आएगी सभी कास्टिंग जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों वादो वो फिल्म यानी सीरीज को 8 दिसंबर 2023 की एयर में जैसे कि डायरेक्ट ओ के डिजनी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज करवाई थी यानी कि प्रीमियम करवाई थी जहां दोस्तों जहां पर इंडियन तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जैसे कि कई सारे डब्ड वर्जन में जैसे कि हिंदी बंगाली तमिल कन्नडा मलयालम मराठी ये सभी डब्ड वर्जन में सीरीज को रिलीज़ की गई थी जो कि आप सभी फिल्म यानी सीरीज को देख पा रहे थे जी हाँ दोस्तों अपने बिल्कुल सही सुना तो जब वादो वो फिल्म यानी सीरीज़ को ओटीटी पर रिलीज़ की गई थी तो क्रिटिक्स का रेस्पॉन्स की बात की जाए तो यानी मिक्स रिव्यूज मिला था इस सीरीज़ को तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज़ को आईएमडीबी पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है इसी के साथ गूगल की बात की जाए तो 71% परसेंट इस फिल्म को यानी सीरीज़ को लाइक्स मिली हुई है साथ ही दोस्तों फिल्म का बजट यानी सीरीज़ की बजट की बात की जाए तो यहाँ पर पब्लिकली तो रिवील नहीं की गई जो कि अनहाइट करके रखे हुए मेकर्स ने जी हाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च किया था बट फिर भी मुझे पता नहीं चले जो भी पता चले वही आपको बता रहा हूँ जहाँ पर मतलब अनहाइट करके रखे हुए तो इसी के दौरान आपको पता नहीं पा रहा हूँ बट आने वाले टाइम पर देखते हैं उसका कुछ होता है तो आपको मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो पर कुछ जो भी है पूरा कोशिश करूंगा मतलब देने की बट फिलहाल अभी तो कुछ है नहीं जहां पर बजट अनहाइट करके रखे हुए पब्लिकली रिवील नहीं की गई इसी के साथ दोस्तों वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो वो भी वहाँ पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी अनहाइड करके रखे हुए पब्लिकली रिवील नहीं की गई ने जी हाँ दोस्तों इसी के साथ अगर आप दोस्तों आपको बता दें जिस हिसाब से मतलब सीरीज ने रन कर पाई थी ओ पर जिस हिसाब से चल रही थी अभी जिस हिसाब से चल रही है तो दोस्तों वाध तेलुगु लैंग्वेज की टेलीविज़न सीरीज़ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई गई जहाँ पर मेकर्स के दौरान आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा हिट बनने में कामयाब रही जो कि चल भी रही है तो अगर आप वेब सीरीज़ देखते हो उस टाइप का जैसे कि मिस्ट्री के साथ तो ये फिर सीरीज़ या फिर फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज के बारे में हम डिस्कस करें जैसे कि लाइक आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि कास्ट के बारे में मतलब आपको बताए एक्टर एंड एक्ट्रेस की किस तरह से परफॉर्मेंस रहा तो दोस्तों अविका गौर एज ए अंजूरी इंदू का रोल इसमें निभाया जहाँ पर इंदू का वो जो रोल निभाएं उनका रोल काफ़ी ज़्यादा अव्वल दर्जे में इसमें नज़र आएगी जहाँ पर उन्होंने इस वेब सीरीज़ में जैसे कि पूरा सीरीज़ में एपिसोड्स में आपको कहीं ना कहीं एकदम ब्रिलियंट काम करते हुए नजर आएगी जैसे कि इसमें उनका एक्टिंग जैसे कि चीज़ें जो डराने में कामयाब रहती जैसे कि मिस्ट्री के बाद हर एक चीजें एक इस ले मतलब वन बाय वन जैसे कि चीज़ें नजर आएगी आपको उनकी जैसे कि डायलॉग के साथ स्क्रीन में वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एकदम बेटर से ने, बेटर देखने को मिलेगी जैसे कि उनकी डायलॉग और चीज़ें जो मिस्ट्री के साथ जो कि सस्पेंस में बनाने में कामयाब रहती इनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं उस भी चीज़ें डराने में कामयाब रहते हैं जैसे एक बाय एक चीज़ें जानने में आपको मज़ा आएगी जैसे कि पूरी एपिसोड में कैसे पूरा वन टू थ्री फोर सेवन ऐसा जो एपिसोड है पूरा एपिसोड में आप किस तरह से इंगेजिंग बांधोगे कैसे रखोगे उनके वजह से आप इसमें इंदू के वजह से आप एपिसोड देखोगे जयपुर इंदू ने इसमें जैसे कि पूरा एपिसोड में एक बाय एक जैसे कि वो पहला शादी से लेकर काफ़ी अपने शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहते लाइक जैसे उनकी लाइफ में ऐसा कुछ परेशानी रहता है कि वो जल्दी शादी कर नहीं पाते या फिर होता नहीं है बट हालांकि शादी हो जाता है उसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड के घर जाते जहाँ पर वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि हर एक जैसे कि कैरेक्टर पर हर एक इंसान पर जो भी मिस्ट्री है सस्पेंस है वो बनाने में कामयाब रहती जैसे कि हर एक की कहानी एक बाय एक कहानी सुनाने में कामयाब रहती इनकी वो जानने में ये इन दो लगा रहता वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें एकदम पकड़ने में कामयाब रहती उनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं चीज़ें पॉजिटिवली है या नेगेटिव वो आगे जाके आपको पता चलेगी इनकी कामें कहीं ना कहीं सीन्स में बहुत महत्वपूर्ण करता है फिल्म के लिए जैसे कि सीरीज़ के लिए इनके अलावा नंदू एज ए आनंद का रोल निभा रहा है जहाँ पर इंदु इसके हस्बैंड रहते हैं इसमें तो वो आनंद इसमें किस तरह से उनकी जो एक्टिंग है काफ़ी हद तक इसमें भी नज़र आई जैसे कि इसमें इंदु के पीछे वो लगा रहता है इंदु क्या करती है क्यों होता है क्यों नहीं होता क्यों होना चाहिए क्यों होता है वो सभी चीज़ें हर एक स्टेप बे स्टेप जैसे कि मिस्ट्री सस्पेंस वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से आप एंगेज करोगे इनकी मतलब ह्यूमिटी जैसे कि पॉजिटिवली इग्नोरिंग सेंस अदरवाइज जैसे कि वो चीज़ें इनके साथ जो होता है अनहोनी वो सभी चीज़ें गुजरना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी गुजरता है वही ये भी काफ़ी ज़्यादा डरने के साथ वो फिल्में नज़र आए तो उनकी एक्टिंग डायलॉग सर्कोरिजम चीज़ें सही सभी के सभी आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी मुझे तो ओवरऑल ठीक ठाक लगा अदरवाइज आप अपने हिसाब से इनके आए एक्टिंग देख सकते हो कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो चीज़ें थोड़ा बहुत पकड़ने में आपको ठीक ठाक रखेगी सीरीज में पूरा वैसे अली रेजा इसमें जो आर्या का रोल निभाए है आर्या इसमें वो भी चीज़ें इनके साथ एक जैसे बोल सकते हैं उनके साथ क्यों हो रहा है वो भी जानते हैं जैसे कि मिस्ट्री में इनकी एक्टिंग जैसे कि सीन्स में इनका जो ठीक ठाक जैसे कि इनके सीरीज में जैसा एक्टिंग है और चीज़ें जैसे कि पता चलता है कि इनका भी सीरीज में जैसे कि एक ठीक ठाक महत्वपूर्ण तो रोल रहता है जैसे कि इनकी रोल में चीज़ें और ज़्यादा बिखरे हुए रहते हैं तो वो चीज़ें इनके साथ क्यों होता है वो भी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी इनकी एक्टिंग जैसे कि लाइक सीन्स में जैसे बॉडी लैंग्वेज बात करने का ढंग जो भी चीज़ें इनके साथ भी ठीक ठाक नज़र आते स्क्रीन में पूरा इन्होंने भी यूँ मानो कि जान फूक दिए एक्टर में जो भी इनकी एक्टिंग है वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिलता है हाँ उतना ख़ास नहीं है बट ज़्यादा अगर बोलोगे तो इंदू का रोल इसमें महत्वपूर्ण रहा पूरा एपिसोड में वो बोल सकते हैं सीरीज़ में उनकी वजह से आप वाच करोगे इंदु इसमें जो चीज़ें हैं किस तरह से दिखाने में कामयाब रही उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है डायलॉग है स्टाइल है जैसे कि उनके साथ है थोड़ा बहुत चीज़ें आपको कहना कि अगर आप टेलीविजन सीरीज़ देखते हो तो वो उस उस टाइप का इसमें एक्टर और जो कि उन्होंने एक्ट्रेस इसमें रोल जो है निभाए हैं तो उस टाइप का इसमें डाला गया अदरवाइज इसी भी चीज़ें के अलावा जैसे कि आपको बता दें हर एक एपिसोड में जैसे कि टाइमिंग की बात करें तो सत्रह से तेईस मिनट के एपिसोड में रखा गया तो पूरा एपिसोड के साथ एक बाय एक जैसे कि एक एपिसोड देखते हो तो पूरा एपिसोड क्यों देखना चाहिए क्यों देखने को मतलब मतलब देखने में इंगेजिंग रहेगी टाइमिंग वो सभी चीज़ें आपको पता चलेगी सीरीज की में और ये सभी चीज़ें के अलावा सीरीज़ में जैसे कि बी जो एक डरने वाला जो घोष बम देता है वो बीजीएम स्कोर कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगी सिनेमाग्राफिक सीन्स में वही सभी है चीज़ें थोड़ा बहुत और चीज़ें और मतलब पकड़ने में कामयाब रहती और अलग नेक्स्ट लेवल तक कर सकते थे यहाँ पर और एक्शन स्वीकेंस तो उतना नहीं है जहाँ पर होना चाहिए जिस हिसाब से वहाँ पर उतना कुछ खास नहीं है अपमें सीरीज में उस भी चीज़ देखने को मिलेगी नहीं एडिटिंग में आपको बता दें सत्रह से तेईस मिनट के टाइम में जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक एपिसोड लगता है कि बढ़ाया गया तो वहाँ पर कम करना चाहिए था पाँच छः मिनट उस एपिसोड में उसी उस के अलावा जैसे कि इसमें सेंस में कहीं ना कहीं और कुछ खास कर सकते थे स्क्रीन प्ले टाइट था प्लॉट तो एक यूनिक नहीं है बट वही टाइप का है जैसे एक मिस्ट्री में हर एक सीरीज में आप देखते हो स्टोरी में जैसे कि क्रिएट होता है कहानी हर एक के ऊपर एक कहानी रहता है वो भी जानने में मतलब सस्पेंस के साथ मिस्ट्री किस तरह से होता है वही टाइप का सीरीज़ है अगर आप फोटोग्राफ को ले लो तो फोटोग्राफ में भी सीस में उतना कुछ अव्वल दर्जे का है नहीं ठीक ठाक देखने को मिलता है तो अगर आप डायरेक्टर की डायरेक्शनल की बात करो यहाँ पर सीरीज़ की तो पोलोरी कृष्णा उनकी जो जैसे लाइक आप बड़े बड़े सीरीज तो उन्होंने बना चुके ऑलरेडी बट उनके सीरीज में ऐसा ही रहता है कुछ मिस्ट्री के साथ कहानी वो डेवलप करते हमारे सामने जो पेश किए हुए वो सभी चीज़ें जैसे कि हर एक आर्टिस्ट को किस तरह से हमारे सामने सीरीज़ के दौरान दिखाए गए वो सभी चीज़ें इनकी कहीं ना कहीं एक मतलब अव्वल दर्जे के साथ नेक्स्ट लेवल में काम देखने को मिलता है तो वो सी भी चीज़ें इनकी पसंद आएगी अगर आप सीरीज़ देखते हो तभी बिकॉज अगर आप सीरीज़ नहीं देखते हो तो आपको पसंद नहीं आएगी वो उस टाइप का फिल्म है ये जिया दोस्तों यानी सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ओ के डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर विथ इंग्लिश सेपरेटर विथ सबक्रिप्शन के साथ तेलुगू ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा जैसे कि हिंदी तमिल कन्नडा बंगाली मराठी मलयालम ये सभी डब्ड वर्जन में आप इस सीरीज को यानी फिल्म को देख सकते हो आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तभी आप सीरीज को यानी फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों आप इस सीरीज़ को यानी इस फिल्म को अगर वॉच करना चाहते हो तो इस तरह से वॉच कीजिएगा यानी एंजॉय कीजिएगा अब हमारे इस चैनल को अब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की यानी सीरीज़ की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी किस तरह से क्या गया है किस तरह से की गई है जो भी चीज़ें रखा गया वो आपको बताऊँगा तो दोस्तों द सीरीज इन द तेलुगु रीमेक ऑफ द टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ईयर हो सीरीज इन दो डायरेक्टेड बाई सेन्तम घोसवाल द प्रिपल फोटोग्राफी ऑफ द सीरीज कमेंस विथ अविका गोर एंड अली रेजा एंड नंदू जॉइन द कास्ट दीरीज वॉज ए अनस्मेंट बाई डिजनी प्लस हॉट स्टार तो दोस्तों यही सभी जो कि फिल्म के सीरीज की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जा रही है जो कि रखा गया है इसी तरह तो दोस्तों आखिर में फिल्म यानी सीरीज़ की प्लॉट या फिर स्टोरी कहानी जो भी कह लो उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी देंगे किस तरह से क्या रखा गया है? जो भी एक्सप्लेनेशन है तो दोस्तों इंदु की शादी एक में परिवार में होने वाली है पहले उसकी शादी संजय से होने वाली थी लेकिन उसकी बहन बानों उसके साथ भाग जाती है शादी के शादी से एक रात पहले उसकी परिवार को धूल् के परिवार से उपहार मिलाते हैं इसमें एक कतल भाई शामिल है जो सीला हुआ प्रातीत होता है अब परिवार ने इसे खोलकर देखा तो इसमें एक पत्ता मिला हिंदू पत्ता लेकर अपने जो कि दादी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है तो दोस्तों आगे भी कहानी उस टाइप का है जो पता चलने में आपको जो कि जानने में आपको फिल्म देखनी पड़ेगी यानी सीरीज देखनी पड़ेगी जहाँ पर सीरीज में हर एक जैसे कि कैरेक्टर के ऊपर एक बाय एक कहानी क्रिएट करते हुए रहती है जैसे कि कहानी जानने में आपको पता चले कि जब पर हर एक का प्रॉब्लम रहता है कि जो कि मिस्ट्री के साथ सस्पेंस बनाने में कामयाब रहेगी अगर आप सीरीज देखते हो इस टाइप का मिस्ट्री सस्पेंस के टाइप की तो अगर आप उस टाइप का देखते हो तो फिर ये आपके लिए ज़रूर पसंद आएगी तो इसमें वही टाइप की कहानी है तो आपको कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मजा भी देगी आपको इंगेजिंग भी करेगी अगर इस टाइप का सीरीज देखते हो तभी आप जाके देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज़ को डायरेक्ट किए हुए पोलोरू कृष्णा सर ने पोलोरू कृष्णा सर के डायरेक्शन के अलावा इस फिल्म में जैसे कि इस सीरीज़ में आपको बता दें कि स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें उन्होंने ही करके दी हुई इस फिल्म में उनका ये सभी चीज़ में फिल्म में आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी एंड दोस्तों फिल्म की प्रोड्यूसर की बात की जाए तो आपको बता दें जहाँ पर श्रीकांत मोहता उनके अलावा महेंद्रा सोनी ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हुए काफ़ी बड़े बड़े बोल सकते हैं लाइक सीरीज के प्रोड्यूसर हैं तो दोस्तों स्टारिंग कास्ट की बात की जाए तो अविका गौर उनके अलावा जैसे कि अली रेजा एंड नंदू भी आपको इस में स्टार्टिंग कास्ट में देखने को मिलेगी इस सीरीज में तो दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए यानी सीरीज की तो राम के महेश का इस फिल्म यानी सीरीज में सिनेमाग्राफिक देखने को मिलता है पूरा सीरीज़ को उन्होंने सिनेमाग्राफिक दिए हुए वहीं पर अनिल कुमार पी का जो कि इसमें जैसे कि सीरीज़ में एडिटिंग देखने को मिलता है इस सीरीज़ को पूरा उन्होंने एडिट करके दिए हुए जहाँ पर उन्होंने जैसे कि आपको बता दें लाइक हर एक एपिसोड में आपको सत्रह से 23 मिनट के साथ आप वॉच कर सकते हो जैसे कि सात एपिसोड में आपको एक एपिसोड में सत्रह से तेईस मिनट के अंदर लेंथ देखने को मिलेगी एपिक एसी के साथ आप पूरा एपिसोड को वॉच कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो वैसे आपको बता दे इसी लेंथ के साथ पूरी सीरीज़ को रखा गया है हाँ दोस्तों डेफिनेटली इसी के साथ आप वाच कर सकते हो हाँ शायद कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है वो आप एपिसोड में देखोगे तभी आपको पता चलेगी तो दोस्तों फिल्म की म्यूजिकल डिपार्टमेंट यानी सीरीज़ की बात की जाए तो श्री राम माधुरी इस फिल्म यानी सीरीज़ को उनका ही म्यूजिक साउंड ट्रैक देखने को मिलते हैं जहाँ पर उन्होंने करके दिए हुए थे जो कि कंपोजिंग भी उनका रहा जो कि बैकग्राउंड स्कोर सीरीज में भी उनका ही सुनने को मिलती है साथ ही दोस्तों अगर आप सभी सीरीज के साथ जब सीरीज चलता है हर एक एपिसोड में आप पूरा इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पर सॉन्ग्स के साथ बी जो बजता है डिटेलिंग में वही आपको पता चल जाएगी किस तरह से क्या रखा गया जी दोस्तों दोस्तों तो दोस्तों, फिल्म सीरीज यानी प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी कौन सा कंपनी ने इस सीरीज को बनाई है कौन से कंपनी के अंडर तो श्री वेंकटेश फिल्म के बैनर के नीचे यानी कंपनी के अंडर इस सीरीज को यानी फिल्म को बनाई गई है जी हाँ दोस्तों वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो उनके ओर से डिस्ट्रीब्यूटर भी कंप्लीट करवाई है अब दोस्तों आर्टिस्ट की बात करेंगे आ, मतलब लाइक कौन सा एक्टर एक्ट्रेस किस रोल के साथ आ, मतलब सीरीज में नजर आएंगे यानी वही या आपको बताएंगे तो दोस्तों वैसे आपको बता दें यानी इस सीरीज में यानी फिल्म में ज़्यादा मतलब कैरेक्टर तो नहीं है आर्टिस्ट मतलब ज़्यादा तो नहीं लिया गया हा, है हाँ थोड़े बहुत ही है बट अगर आप एपिसोड में देखोगे तो आपको पता चल जाएगी कितना क्या है तो यहाँ पर मेकर्स ने जितना मतलब बताए उतना ही मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर ज्यादा नहीं है तीन ही हैं तो उसी हिसाब से सबको मैं बताऊंगा जहां पर अविका गौर एज अंजूरी इंदु का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर इंदु करके फिल्म में बुलाते हैं उनको इंदु के साथ ही फिल्म में नजर आएंगे नंदू एज आनंद का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर इंदु के हस्बैंड रहते हैं इसमें सीरीज में जो कि आपको बता दें इसमें उसका मतलब हस्बैंड के साथ देखने को मिलेगी आपको फिल्म में यानी सीरीज में इसी के साथ आली रेजा एज ए आरिया का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर सीरीज में आपको इसी रोल के साथ नजर आने वाले हैं तो यही रोल इसमें भी ये निभा रहे हैं तो ओवरऑल सभी के सभी जो कि आर्टिस्ट यानी कास्टिंग बता दिया जिस हिसाब से जिस तरह से रखा गया उसी तरह आपको जिस तरह से मैंने यानी बताई आपको ओवरऑल उसी के साथ आपको देखने को मिलेगी यानी नजर आएगी सभी कास्टिंग जी हां दोस्तों तो दोस्तों वादो वो फिल्म यानी सीरीज़ को 8 दिसंबर 2023 की एयर में जैसे कि डायरेक्ट ओ के डिजनी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज़ करवाई थी यानी कि प्रीमियम करवाई थी जहां दोस्तों जहां पर इंडियन तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जैसे कि कई सारे डब्ड वर्जन में जैसे कि हिंदी बंगाली तमिल कन्नडा मलयालम मराठी ये सभी डब वर्जन में सीरीज़ को रिलीज़ की गई थी जो कि आप सभी फिल्म यानी सीरीज़ को देख पा रहे थे जी हाँ दोस्तों अपने बिल्कुल सही सुना तो जब वादो वो फिल्म यानी सीरीज़ को ओटीटी पर रिलीज़ की गई थी तो क्रिटिक्स का रेस्पॉन्स की बात की जाए तो यानी मिक्स रिव्यूज मिला था इस सीरीज़ को तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज़ को आईएमडीबी पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है इसी के साथ गूगल की बात की जाए तो 71% परसेंट इस फिल्म को यानी सीरीज़ को लाइक्स मिली हुई है साथ ही दोस्तों फिल्म का बजट यानी सीरीज़ की बजट की बात की जाए तो यहाँ पर पब्लिकली तो रिविल नहीं की गई जो कि अनहाइट करके रखे हुए मेकर्स ने जी हाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च किया था बट फिर भी मुझे पता नहीं चले जो भी पता चले वही आपको बता रहा हूँ जहाँ पर आ, मतलब अनहाइट करके रखे हुए तो इसी के दौरान आपको पता नहीं पा रहा हूँ बट आने वाले टाइम पर देखते हैं उसका कुछ होता है तो आपको मैं आ, मतलब नेक्स्ट वीडियो पर कुछ जो भी है पूरा कोशिश करूंगा मतलब देने की बट फिलहाल अभी तो कुछ है नहीं जहां पर बजट अनहाइड करके रखे हुए हैं पब्लिकली रिवील नहीं की गई इसी के साथ दोस्तों वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो वो भी वहाँ पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी अनहाइड करके रखे हुए हैं पब्लिकली रिवील नहीं की गई मेकर्स ने जी हाँ दोस्तों इसी के साथ अगर आप दोस्तों आपको बता दें जिस हिसाब से मतलब सीरीज ने रन कर पाई थी ओ पर जिस हिसाब से चल रही थी अब ये जिस हिसाब से चल रही है तो दोस्तों वाध वो तेलुगू लैंग्वेज की टेलीविज़न सीरीज़ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई गई जहाँ पर मेकर्स के दौरान आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा हिट बनने में कामयाब रही जो कि चल भी रही है तो अगर आप वेब सीरीज़ देखते हो उस टाइप का जैसे कि मिस्ट्री के साथ तो ये फिर सीरीज़ या फिर फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज के बारे में हम डिस्कस करें जैसे कि लाइक आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि कास्ट के बारे में मतलब आपको बताए एक्टर एंड एक्ट्रेस की किस तरह से परफॉर्मेंस रहा तो दोस्तों अविका गौर एज ए अंजूरी इंदू का रोल इसमें निभाए जहाँ पर इंदू का वो जो रोल निभाएं उनका रोल काफ़ी ज़्यादा अव्वल दर्जे में इसमें नज़र आएगी जहाँ पर उन्होंने इस वेब सीरीज़ में जैसे कि पूरा सीरीज में एपिसोड्स में आपको कहीं ना कहीं एकदम ब्रिलियंट काम करते हुए नज़र आएगी जैसे कि इसमें उनका एक्टिंग जैसे कि चीज़ें जो डराने में कामयाब रहती जैसे कि मिस्ट्री के बाद हर एक चीज़ें एक इस ले मतलब वन बाय वन जैसे कि चीज़ें नज़र आएगी आपको उनकी जैसे कि डायलॉग के साथ स्क्रीन में वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एकदम बेटर से ने, बेटर देखने को मिलेगी जैसे कि उनकी डायलॉग और चीज़ें जो मिस्ट्री के साथ जो कि सस्पेंस में बनाने में कामयाब रहती इनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं उस भी चीज़ें डराने में कामयाब रहते हैं जैसे एक बाय एक चीज़ें जानने में आपको मजा आएगी जैसे कि पूरी एपिसोड में कैसे पूरा वन टू थ्री फोर सेवन ऐसा जो एपिसोड है पूरा एपिसोड में आप किस तरह से इंगेजिंग बांधोगे कैसे रखोगे उनके वजह से आप इसमें इंदू के वजह से आप एपिसोड देखोगे जय फिर इंदू ने इसमें जैसे कि पूरा एपिसोड में एक बाय एक जैसे कि वो पहला शादी से लेकर काफ़ी अपने शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहते लाइक जैसे उनकी लाइफ में ऐसा कुछ परेशानी रहता है कि वो जल्दी शादी कर नहीं पाते या फिर होता नहीं है बट हालांकि शादी हो जाता है उसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड के घर जाते जहाँ पर वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि हर एक जैसे कि कैरेक्टर पर हर एक इंसान पर जो भी मिस्ट्री है सस्पेंस है वो बनाने में कामयाब रहती है जैसे कि हर एक की कहानी एक बाई एक कहानी सुनाने में कामयाब रहती इनकी वो जानने में ये इन दो लगा रहता वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें एकदम पकड़ने में कामयाब रहती उनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं चीज़ें पॉजिटिवली है या नेगेटिव वो आगे जाके आपको पता चलेगी इनकी कामें कहीं ना कहीं सीन्स में बहुत महत्वपूर्ण करता है फिल्म के लिए जैसे कि सीरीज के लिए इनके अलावा नंदू एज ए आनंद का रोल निभा रहा है जहाँ पर इंदू के हस्बैंड रहते हैं इसमें तो वो आनंद इसमें किस तरह से उनकी जो एक्टिंग है काफी हद तक इसमें भी नजर आई जैसे कि इसमें इंदू के पीछे वो लगा रहता है इंदू क्या करती है क्यों होता है क्यों नहीं होता है क्यों होना चाहिए क्यों होता है वो सभी चीजें हर एक स्टेप बाई स्टेप जैसे कि मिस्ट्री सस्पेंड वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से भी आप इंगेज करोगे इनकी ए, मतलब ह्यूमिनिटी जैसे कि पॉजिटिवली इग्नोरिंग सेंस और अदरवाइज जैसे कि वो चीज़ें इनके साथ जो होता है अनहोनी वो सभी चीज़ें गुजरना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी गुजरता है वही ये भी काफ़ी ज़्यादा डरने के साथ वो फिल्में नजर आए तो उनकी एक्टिंग डायलॉग सर्कोरिज्म चीज़ें सही सभी के सभी आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी मुझे तो ओवरऑल ठीक ठाक लगा अदरवाइज आप अपने हिसाब से इनकी एक्टिंग देख सकते हो कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाँ, मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो चीज़ें थोड़ा बहुत पकड़ने में आपको ठीक ठाक रखेगी सीरीज में पूरा वैसे अली रेजा इसमें जो आर्या का रोल निभाए आर्या इसमें वो भी चीज़ें इनके साथ एक जैसे बोल सकते हैं उनके साथ क्यों हो रहा है वो भी जानते हैं जैसे कि मिस्ट्री में इनकी एक्टिंग जैसे कि सीन्स में इनका जो ठीक ठाक जैसे कि इनके सीरीज में जैसा एक्टिंग है और चीजें जैसे कि पता चलता है कि इनका भी सीरीज में जैसे कि एक ठीक ठाक महत्वपूर्ण तो रोल रहता है जैसे कि इनकी रोल में चीज़ें और ज़्यादा बिखरे हुए रहते हैं तो वो चीज़ें इनके साथ क्यों होता है वो भी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी इनकी एक्टिंग जैसे कि लाइक सीन्स में जैसे बॉडी लैंग्वेज बात करने का ढंग जो भी चीज़ें इनके साथ भी ठीक ठाक नज़र आते हैं इस्क्रीन में पूरा इन्होंने भी यूं मानो कि जान फूक दिए एक्टर में जो भी इनकी एक्टिंग है वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिलता है हाँ उतना खास नहीं है बट ज़्यादा अगर बोलोगे तो इंदू का रोल इसमें महत्वपूर्ण रहा पूरा एपिसोड में वो बोल सकते हैं सीरीज़ में उनकी वजह से आप वाच करोगे इंदु इसमें जो चीज़ें हैं किस तरह से दिखाने में कामयाब रही उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है डायलॉग है स्टाइल है जैसे कि उनके साथ है थोड़ा बहुत चीज़ें आपको कहना कि अगर आप टेलीविजन सीरीज़ देखते हो तो वो उस उस टाइप का इसमें एक्टर और जो कि उन्होंने एक्ट्रेस इसमें रोल जो है निभाए हैं तो उस टाइप का इसमें डाला गया अदरवाइज ऐसी भी चीज़ें के अलावा जैसे कि आपको बता दें हर एक एपिसोड में जैसे कि टाइमिंग की बात करें तो सत्रह से तेईस मिनट के एपिसोड में रखा गया तो पूरा एपिसोड के साथ एक बाई एक जैसे कि एक एपिसोड देखते हो तो पूरा एपिसोड क्यों देखना चाहिए क्यों देखने को मतलब मतलब देखने में इंगेजिंग रहेगी टाइमिंग वो सभी चीज़ें आपको पता चलेगी सीरीज की में और ये सभी चीज़ें के अलावा सीरीज में जैसे कि बी जो एक डरने वाला जो घुस बम देता है वो बीजेम स्कोर कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगी सिनेमाग्राफिक सीन्स में वही सभी है चीज़ें थोड़ा बहुत और चीज़ें और मतलब पकड़ने में कामयाब रहती और अलग नेक्स्ट लेवल तक कर सकते थे यहाँ पर और एक्शन स्वीकेंस तो उतना नहीं है जहाँ पर होना चाहिए जिस हिसाब से वहाँ पर उतना कुछ खास नहीं है अपम सीरीज में उस भी चीज देखने को मिलेगी नहीं एडिटिंग में आपको बता दें सत्रह से तेईस मिनट के टाइम में जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक एपिसोड लगता है कि बढ़ाया गया तो वहाँ पर कम करना चाहिए था पाँच छः मिनट उस एपिसोड में, उस में उस के अलावा जैसे कि इसमें सेंस में, में कहीं ना कहीं और कुछ खास कर सकते थे स्क्रीन प्ले टाइट था प्लॉट तो एक यूनिक नहीं है बट वही टाइप का है जैसे एक मिस्ट्री में हर एक सीरीज में आप देखते हो स्टोरी में जैसे कि क्रिएट होता है कहानी हर एक के ऊपर एक कहानी रहता है उसे भी जानने में मतलब सस्पेंस के साथ मिस्ट्री किस तरह से होता है वही टाइप का सीरीज़ है अगर आप फोटोग्राफ को ले लो तो फोटोग्राफ में भी सीन्स में उतना कुछ अव्वल दर्जे का है नहीं ठीक ठाक देखने को मिलता है तो अगर आप डायरेक्टर के डायरेक्शनल की बात करो यहाँ पर सीरीज़ की तो पोलोरी कृष्णा उनकी जो जैसे लाइक आप बड़े बड़े सीरीज तो उन्होंने बना चुके ऑलरेडी बट उनके सीरीज़ में ऐसा ही रहता कुछ मिस्ट्री के साथ कहानी वो डेवलप करते हमारे सामने जो पेश किए हुए वो सभी चीज़ें जैसे कि हर एक आर्टिस्ट को किस तरह से हमारे सामने सीरीज के दौरान दिखाए गए वो सभी चीज़ें इनकी कहीं ना कहीं एक मतलब अव्वल दर्जे के साथ नेक्स्ट लेवल में काम देखने को मिलता है तो वो सभी चीज़ें इनकी पसंद आएगी अगर आप सीरीज़ देखते हो तभी बिकॉज अगर आप सीरीज़ नहीं देखते हो तो आपको पसंद नहीं आएगी उस टाइप का फिल्म है ये जिया दोस्तों यानी सीरीज़ है तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ओ के डिजनी प्लस हॉटस्टार पर विथ इंग्लिश सेपरेटर विथ सब्सक्रिप्शन के साथ तेलुगू ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा जैसे कि हिंदी तमिल कन्नडा बंगाली मराठी मलयालम ये सभी डब्ड वर्जन में आप इस सीरीज को यानी फिल्म को देख सकते हो आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तभी आप सीरीज को यानी फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों आप इस सीरीज़ को यानी इस फिल्म को अगर वॉच करना चाहते हो तो इस तरह से वॉच कीजिएगा यानी एंजॉय कीजिएगा अब हमारे इस चैनल को अब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की यानी सीरीज़ की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी किस तरह से क्या गया किस तरह से की गई है जो भी चीज़ें रखा गया वो आपको बताऊंगा तो दोस्तों द सीरीज इन द तेलुगु रीमेक ऑफ द 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन ईयर हो सीरीज इंदो डायरेक्टेड बाय सेन्तम घोस्वाल द प्रिंसिपल फोटोग्राफी ऑफ द सीरीज कमेंस विद अविका गोर एंड अली रेजा एंड नंदू जॉइंट द कास्ट दीरीज वॉज ए अनाउंसमेंट बाय डिज्नी प्लस हॉटस्टार तो दोस्तों यही सभी जो कि फिल्म के सीरीज की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जा रही है जो कि रखा गया इसी तरह तो दोस्तों आखिर में फिल्म यानी सीरीज़ की प्लॉट या फिर स्टोरी कहानी जो भी कह लो उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी देंगे किस तरह से क्या रखा गया है जो भी एक्सप्लेनेशन है तो दोस्तों इंदु की शादी एक में परिवार में होने वाली है पहले उसकी शादी संजय से होने वाली थी लेकिन उसकी बहन बानों उसके साथ भाग जाती है शादी के शादी से एक रात पहले उसकी परिवार को धूले के परिवार से उपहार मिलाते हैं इसमें एक कतल भाई शामिल है जो हुआ प्रातीत होता है परिवार ने इसे खोलकर देखा तो इसमें एक पत्ता मिला इंदु पत्ता लेकर अपने जो कि दादी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है तो दोस्तों आगे भी कहानी उस टाइप का है जो पता चलने में आपको जो कि जानने में आपको फिल्म देखनी पड़ेगी यानी सीरीज देखनी पड़ेगी जहाँ पर सीरीज में हर एक जैसे कि कैरेक्टर के ऊपर एक बाय एक कहानी क्रिएट करते हुए रहती है जैसे कि कहानी जानने में आपको पता चले कि जब पर हर एक का प्रॉब्लम रहता है कि जो कि मिस्ट्री के साथ सस्पेंस बनाने में कामयाब रहेगी अगर आप सीरीज देखते हो इस टाइप का मिस्ट्री सस्पेंस के टाइप की तो अगर आप उस टाइप का देखते हो तो फिर ये आपके लिए ज़रूर पसंद आएगी तो इसमें वही टाइप की कहानी है तो आपको कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मजा भी देगी आपको इंगेजिंग भी करेगी अगर इस टाइप का सीरीज देखते हो तभी आप जाके देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज़ को डायरेक्ट किए हुए पोलोरू कृष्णा सर ने पोलोरू कृष्णा सर के डायरेक्शन के अलावा इस फिल्म में जैसे कि इस सीरीज़ में आपको बता दें कि स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें उन्होंने ही करके दी हुई इस फिल्म में उनका ही ये सभी चीज़ में फिल्म में आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी एंड दोस्तों फिल्म की प्रोड्यूसर की बात की जाए तो आपको बता दें जहाँ पर श्रीकांत मोहता उनके अलावा महेंद्रा सोनी ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हुए काफी बड़े बड़े बोल सकते हैं लाइक सीरीज के प्रोड्यूसर हैं तो दोस्तों स्टारिंग कास्ट की बात की जाए तो अविका गौर उनके अलावा जैसे कि अली रेजा एंड नंदू भी आपको इसमें स्टार्टिंग इस कास्ट में देखने को मिलेगी इस सीरीज में तो दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए यानी सीरीज की तो राम के महेश का इस फिल्म यानी सीरीज में सिनेमाग्राफिक देखने को मिलता है पूरा सीरीज को उन्होंने सिनेमाटोग्राफिक दिए हुए वहीं पर अनिल कुमार पी का जो कि इसमें जैसे कि सीरीज़ में एडिटिंग देखने को मिलता है इस सीरीज को पूरा उन्होंने एडिट करके दिए हुए जहाँ पर उन्होंने जैसे कि आपको बता दें लाइक हर एक एपिसोड में आपको सत्रह से 23 मिनट के साथ आप वॉच कर सकते हो जैसे कि सात एपिसोड में आपको एक एपिसोड में सत्रह से तेईस मिनट के अंदर लेंथ देखने को मिलेगी एपिक एसी के साथ आप पूरा एपिसोड को वॉच कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो वैसे आपको बता दे इसी लेंथ के साथ पूरी सीरीज को रखा गया है हाँ दोस्तों डेफिनेटली इसी के साथ आप वॉच कर सकते हो हाँ शायद कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है वो आप एपिसोड में देखोगे तभी आपको पता चलेगी तो दोस्तों फिल्म की म्यूजिकल डिपार्टमेंट यानी सीरीज़ की बात की जाए तो श्री राम माधुरी इस फिल्म यानी सीरीज़ को उनका ही म्यूज़िक साउंड ट्रैक देखने को मिलते हैं जहाँ पर उन्होंने करके दिए हुए थे जो कि कंपोजिंग भी उनका रहा जो कि बैकग्राउंड स्कोर सीरीज़ में भी उनका है सुनने को मिलती है साथ ही दोस्तों अगर आप सभी सीरीज के साथ जब सीरीज़ चलता है हर एक एपिसोड में आप पूरा एंजॉय कर पाओगे जहाँ पर सॉन्ग्स के साथ बीजीएम जो बजता है डिटेलिंग में वही आपको पता चल जाएगी किस तरह से क्या रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों फिल्म की सीरीज यानी प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी कौन सा कंपनी ने इस सीरीज को बनाई है कौन से कंपनी के अंडर तो श्री वेंकटेश फिल्म के बैनर के नीचे यानी कंपनी के अंडर इस सीरीज को यानी फिल्म को बनाई गई है जी हाँ दोस्तों वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो उनके ओर से डिस्ट्रीब्यूटर भी कंप्लीट करवाई है अब दोस्तों आर्टिस्ट की बात करेंगे आ, मतलब लाइक कौन सा एक्टर एक्ट्रेस किस रोल के साथ आ, मतलब सीरीज में नजर आएंगे यानी वही या आपको बताएंगे तो दोस्तों वैसे आपको बता दें यानी इस सीरीज में यानी फिल्म में ज़्यादा मतलब कैरेक्टर तो नहीं है आर्टिस्ट मतलब ज़्यादा तो नहीं लिया गया है हाँ थोड़े बहुत ही है बट अगर आप एपिसोड में देखोगे तो आपको पता चल जाएगी कितना क्या है तो यहाँ पर मेकर्स ने जितना मतलब बताया उतना ही मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर ज्यादा नहीं है तीन ही है तो उस हिसाब से आपको बताऊंगा जहां पर अविका गौर एज अंजूरी इंदू का रोल फिल्म करेंगे जहां पर करके फिल्में बुलाते हैं उनको इंदू के साथ ही फिल्म में नजर आएंगे नंदू एज आनंद का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर इंदुस के हस्बैंड रहते हैं इसमें सीरीज में जो कि आपको बता दे इसमें उसका मतलब हस्बैंड के साथ देखने को मिलेगी आपको फिल्म में यानी सीरीज में इसी के साथ आली रेजा एज ए आरिया का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर सीरीज में आपको इसी रोल के साथ नजर आने वाले हैं तो यही रोल इसमें भी ये निभा रहे हैं तो ओवरऑल सभी के सभी जो कि आर्टिस्ट यानी कास्टिंग बता दिया हूँ जिस हिसाब से जिस तरह से रखा गया उसी तरह आपको जिस तरह से मैंने यानी बताई आपको ओवरऑल उसी के साथ आपको देखने को मिलेगी यानी नजर आएगी सभी कास्टिंग जी हां दोस्तों तो दोस्तों वादो वो फिल्म यानी सीरीज को 8 दिसंबर 2023 की एयर में जैसे कि डायरेक्ट ओ के डिजनी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज करवाई थी यानी कि प्रीमियम करवाई थी जहां दोस्तों जहां पर इंडियन तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जैसे कि कई सारे डब्ड वर्जन में जैसे कि हिंदी बंगाली तमिल कन्नडा मलयालम मराठी ये सभी डब वर्जन में सीरीज को रिलीज की गई थी जो कि आप सभी फिल्म यानी सीरीज को देख पा रहे थे जी हाँ दोस्तों अपने बिल्कुल सही सुना तो जब वादो वो फिल्म यानी सीरीज़ को ओ पर रिलीज़ की गई थी तो क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स की बात की जाए तो यानी मिक्स रिव्यूज मिला था इस सीरीज़ को तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज़ को आई पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है इसी के साथ गूगल की बात की जाए तो 71 परसेंट इस फिल्म को यानी सीरीज़ को लाइक्स मिली हुई है साथ ही दोस्तों फिल्म का बजट यानी सीरीज़ की बजट की बात की जाए तो यहाँ पर पब्लिकली तो रिवील नहीं की गई जो कि अनहाइड करके रखे हुए मेकर्स ने जी हाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च किया था बट फिर भी मुझे पता नहीं चले जो भी पता चले वही आपको बता रहा हूँ जहाँ पर आ, मतलब अनहाइट करके रखे हुए तो इसी के दौरान आपको पता नहीं पा रहा हूँ बट आने वाले टाइम पर देखते हैं उसका कुछ होता है तो आपको मैं आ, मतलब नेक्स्ट वीडियो पर कुछ जो भी है पूरा कोशिश करूंगा मतलब देने की बट फिलहाल अभी तो कुछ है नहीं जहां पर बजट अनहाइड करके रखे हुए पब्लिकली रिवील नहीं की गई है इसी के साथ दोस्तों वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो वो भी वहाँ पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी अनहाइड करके रखे हुए पब्लिकली रिवील नहीं की गई है मेकरस ने जी दोस्तों इसी के साथ अगर आप दोस्तों आपको बता दें जिस हिसाब से मतलब सीरीज ने रन कर पाई थी ओ पर जिस हिसाब से चल रही थी अभी जिस हिसाब से चल रही है तो दोस्तों वाद तेलुगु लैंग्वेज की टेलीविज़न सीरीज़ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई गई जहाँ पर मेकर्स के दौरान आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा हिट बनने में कामयाब रही जो कि चल भी रही है तो अगर आप वेब सीरीज़ देखते हो उस टाइप का जैसे कि मिस्ट्री के साथ तो ये फिर सीरीज़ या फिर फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज़ के बारे में हम डिस्कस करें जैसे कि लाइक आर्टिस्ट के बारे में जैसे कि कास्ट के बारे में मतलब आपको बताए एक्टर एंड एक्ट्रेस की किस तरह से परफॉर्मेंस रहा तो दोस्तों अविका गौर एज ए अंजूरी इंदू का रोल इसमें निभाए जहाँ पर इंदू का वो जो रोल निभाए उनका रोल काफ़ी ज़्यादा अव्वल दर्जे में इसमें नज़र आएगी जहाँ पर उन्होंने इस वेब सीरीज़ में जैसे कि पूरा सीरीज़ में एपिसोड्स में आपको कहीं ना कहीं एकदम ब्रिलियंट काम करते हुए नज़र आएगी जैसे कि इसमें उनका एक्टिंग जैसे कि चीज़ें जो डराने में कामयाब रहती है जैसे कि मिस्ट्री के बाद हर एक चीज़ें एक इस ले। मतलब वन बाय वन जैसे कि चीज़ें नजर आएगी आपको उनकी जैसे कि डायलॉग के साथ स्क्रीन में वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एकदम बेटर से ने, बेटर देखने को मिलेगी जैसे कि उनकी डायलॉग और चीज़ें जो मिस्ट्री के साथ जो कि सस्पेंस में बनाने में कामयाब रहते इनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ें डराने में कामयाब रहते जैसे एक बाय एक चीज़ें जानने में आपको मज़ा आएगी जैसे कि पूरी एपिसोड में कैसे पूरा वन टू थ्री फोर सेवन ऐसा जो एपिसोड है पूरा एपिसोड में आप किस तरह से इंगेजिंग बांधोगे कैसे रखोगे उनके वजह से आप इसमें इंदू के वजह से आप एपिसोड देखोगे जय फिर इंदू ने इसमें जैसे कि पूरा एपिसोड में एक बाय एक जैसे कि वो पहला शादी से लेकर काफ़ी अपने शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहते लाइक लाइफ जैसे उनकी लाइफ में ऐसा कुछ परेशानी रहता है कि वो जल्दी शादी कर नहीं पाते या फिर होता नहीं है बट हालांकि शादी हो जाता है उसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड के घर जाते जहाँ पर वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि हर एक जैसे कि कैरेक्टर पर हर एक इंसान पर जो भी मिस्ट्री है सस्पेंस है वो बनाने में कामयाब रहती जैसे कि हर एक की कहानी एक बाय एक कहानी सुनाने में कामयाब रहती इनकी वो जानने में ये इन दो लगा रहता वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें एकदम पकड़ने में कामयाब रहती उनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं चीज़ें पॉजिटिवली है या नेगेटिव वो आगे जाके आपको पता चलेगी इनकी कामें कहीं ना कहीं सीन्स में बहुत महत्वपूर्ण करता है फिल्म के लिए जैसे कि सीरीज़ के लिए इनके अलावा नंदू एज आनंद का रोल निभा रहा है जहाँ पर इंदू के हस्बैंड रहते हैं इसमें तो वो आनंद इसमें किस तरह से उनकी जो एक्टिंग है काफ़ी हद तक इसमें भी नज़र आई जैसे कि इसमें इंदू के पीछे वो लगा रहता है इंदू क्या करती है क्यों होता है क्यों नहीं होता है क्यों होना चाहिए क्यों होता है वो सभी चीजें हर एक स्टेप बे स्टेप जैसे कि मिस्ट्री सस्पेंड वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से आप एंगेज करोगे इनकी मतलब ह्यूमनिटी जैसे कि पॉजिटिवली इग्नोरिंग सेंस अदरवाइज जैसे कि वो चीज़ें इनके साथ जो होता है अनहोनी वो सभी चीज़ें गुजरना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी गुजरता है वही ये भी काफ़ी ज़्यादा डरने के साथ वो फिल्में नज़र आए तो उनकी एक्टिंग डायलॉग सर्कोरिजम चीज़ें सही सभी के सभी आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी मुझे तो ओवरऑल ठीक ठाक लगा अदरवाइज आप अपने हिसाब से इनकी आई एक्टिंग देख सकते हो कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाँ मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो चीज़ें थोड़ा बहुत पकड़ने में आपको ठीक ठाक रखेगी सीरीज में पूरा वैसे अली रेजा इसमें जो आर्या का रोल निभा है आर्या इसमें वो भी चीज़ें इनके साथ एक जैसे बोल सकते हैं उनके साथ क्यों हो रहा है वो भी जानते हैं जैसे कि मिस्ट्री में इनकी एक्टिंग जैसे कि सीन्स में इनका जो ठीक ठाक जैसे कि इनके सीरीज़ में जैसा एक्टिंग है और चीज़ें जैसे कि पता चलता है कि इनका भी सीरीज में जैसे कि एक ठीक ठाक महत्वपूर्ण रोल रहता है जैसे कि इनकी रोल में चीज़ें और ज़्यादा बिखरे हुए रहते हैं तो वो चीज़ें इनके साथ क्यों होता है वो भी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी इनकी एक्टिंग जैसे कि लाइक सीन्स में जैसे बॉडी लैंग्वेज बात करने का ढंग जो भी चीज़ें इनके साथ भी ठीक ठाक नज़र आते स्क्रीन में पूरा इन्होंने भी यूँ मानो कि जान फूक दिए एक्टर में जो भी इनकी एक्टिंग है वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिलता है हाँ उतना खास नहीं है बट ज़्यादा अगर बोलोगे तो इंदु का रोल इसमें महत्वपूर्ण रहा पूरा एपिसोड में वो बोल सकते हैं सीरीज़ में उनकी वजह से आप वाच करोगे इंदु इसमें जो चीज़ें हैं किस तरह से दिखाने में कामयाब रही उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है डायलॉग है स्टाइल है जैसे कि उनके साथ है थोड़ा बहुत चीज़ें आपको कहना ना कि अगर आप टेलीविजन सीरीज़ देखते हो तो वो उस उस टाइप का इसमें एक्टर और जो कि उन्होंने एक्ट्रेस इसमें रोल जो है निभाए हैं तो उस टाइप का इसमें डाला गया अदरवाइज ऐसी भी चीज़ें के अलावा जैसे कि आपको बता दें हर एक एपिसोड में जैसे कि टाइमिंग की बात करें तो सत्रह से तेईस मिनट के एपिसोड में रखा गया है तो पूरा एपिसोड के साथ एक बाय एक जैसे कि एक एपिसोड देखते हो तो पूरा एपिसोड क्यों देखना चाहिए क्यों देखने को मतलब मतलब देखने में इंगेजिंग रहेगी टाइमिंग वो सभी चीज़ें आपको पता चलेगी सीरीज की में और ये सभी चीज़ें के अलावा सीरीज में जैसे कि बीजीएम जो एक डरने वाला जो घुस बम देता है वो बीजेम स्कोर कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगी सिनेमाग्राफिक सीन्स में वही सभी है चीज़ें थोड़ा बहुत और चीज़ें और मतलब पकड़ने में कामयाब रहती और अलग नेक्स्ट लेवल तक कर सकते थे यहाँ पर और एक्शन स्वीकेंस तो उतना नहीं है जहाँ पर होना चाहिए जिस हिसाब से वहाँ पर उतना कुछ खास नहीं है मैं सीरीज में उस भी चीज़ देखने को मिलेगी नहीं एडिटिंग में आपको बता दें सत्रह से तेईस मिनट के टाइम में जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक एपिसोड लगता है कि बढ़ाया गया तो वहाँ पर कम करना चाहिए था पाँच छः मिनट उस एपिसोड में उस के अलावा जैसे कि इसमें सीन्स में कहीं ना कहीं और कुछ खास कर सकते थे स्क्रीन प्ले टाइट था प्लॉट तो एक यूनिक नहीं है बट वही टाइप का है जैसे एक मिस्ट्री में हर एक सीरीज में आप देखते हो स्टोरी में जैसे कि क्रिएट होता है कहानी हर एक के ऊपर एक कहानी रहता है वो से भी जानने में मतलब सस्पेंस के साथ मिस्ट्री किस तरह से होता है वही टाइप का सीरीज़ है अगर आप फोटोग्राफ को ले लो तो फोटोग्राफ में भी सीज़ में उतना कुछ अव्वल दर्जे का है नहीं ठीक ठाक देखने को मिलता है तो अगर आप डायरेक्टर के डायरेक्शनल की बात करो यहाँ पर सीरीज़ की तो पोलोरी कृष्णा उनकी जो जैसे लाइक आप बड़े बड़े सीरीज तो उन्होंने बना चुके ऑलरेडी बट उनके सीरीज में ऐसा ही रहता है कुछ मिस्ट्री के साथ कहानी वो डेवलप करते हमारे सामने जो पेश किए हुए वो सभी चीज़ें जैसे कि हर एक आर्टिस्ट को किस तरह से हमारे सामने सीरीज़ के दौरान दिखाए गए वो सभी चीज़ें इनकी कहीं ना कहीं एक मतलब अव्वल दर्जे के साथ नेक्स्ट लेवल में काम देखने को मिलता है तो वो सभी चीज़ें इनकी पसंद आएगी अगर आप सीरीज देखते हो तभी बिकॉज अगर आप सीरीज नहीं देखते हो तो आपको पसंद नहीं आएगी टाइप का फिल्म है ये, है ये जी दोस्तों यानी सीरीज तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूँ की ओ टी टी के डिजनी प्लस हॉट स्टार पर विद इंग्लिश विद के साथ तेलुगु ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा जैसे कि हिंदी तमिल कन्नड़ा बंगाली मराठी मलयालम ये सभी डब्ड वर्जन में आप इस सीरीज को यानी फिल्म को देख सकते हो आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तभी आप सीरीज को यानी फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों आप इस सीरीज को यानी इस फिल्म को अगर वॉच करना चाहते हो तो इस तरह से वॉच कीजिएगा यानी एंजॉय कीजिएगा आप हमारे इस चैनल को अब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की यानी सीरीज की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी किस तरह से क्या गया है किस तरह से की गई है जो भी चीज़ें रखा गया वो आपको बताऊँगा तो दोस्तों द सीरीज इन द तेलुगु रीमेक ऑफ द 2021 ईयर ट्वेंटी वन ईयर हो सीरीज इंदू डायरेक्टेड बाई सेन्तम गोस्वाल द प्रिंसिपल फोटोग्राफी ऑफ द सीरीज कमेंस विथ अविका गोर एंड अली रेजा एंड नंदू जॉइन द कास्ट दीरीज वॉज ए अनस्मेंट बाई डिजनी प्लस हॉट स्टार तो दोस्तों यही सभी जो कि फिल्म के सीरीज की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जा रही है जो कि रखा गया इसी तरह तो दोस्तों आखिर में फिल्म यानी सीरीज़ की प्लॉट या फिर स्टोरी कहानी जो भी कह लो उसके बारे में थोड़े बहुत आपको जानकारी देंगे किस तरह से क्या रखा गया है जो भी एक्सप्लेनेशन है तो दोस्तों इंदु की शादी एक में परिवार में होने वाली है पहले उसकी शादी संजय से होने वाली थी लेकिन उसकी बहन बानू उसके साथ भाग जाती है शादी के शादी से एक रात पहले उसकी परिवार को धोले के परिवार से उपहार मिलाते हैं इसमें एक कतल भाई शामिल है जो सीला हुआ प्रातीत होता है परिवार ने इसे खोलकर देखा तो इसमें एक पत्ता मिला इंदु पत्ता लेकर अपने जो कि दादी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है तो दोस्तों आगे भी कहानी उस टाइप का है जो पता चलने में आपको जो कि जानने में आपको फिल्म देखनी पड़ेगी यानी सीरीज देखनी पड़ेगी जहाँ पर सीरीज में हर एक जैसे कि कैरेक्टर के ऊपर एक बाय एक कहानी क्रिएट करते हुए रहती है जैसे कि कहानी जानने में आपको पता चले कि जब पर हर एक का प्रॉब्लम रहता है जो कि मिस्ट्री के साथ सस्पेंस बनाने में कामयाब रहेगी अगर आप सीरीज देखते हो इस टाइप का मिस्ट्री सस्पेंस के टाइप की तो अगर आप उस टाइप का देखते हो तो फिर ये आपके लिए ज़रूर पसंद आएगी तो इसमें वही टाइप की कहानी है तो आपको कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़ा भी देगी आपको इंगेजिंग भी करेगी अगर इस टाइप का सीरीज देखते हो तभी आप जाके देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म यानी सीरीज़ को डायरेक्ट किए हुए पोलोरू कृष्णा सर ने पोलोरू कृष्णा सर की डायरेक्शन के अलावा इस फिल्म में जैसे कि इस सीरीज़ में आपको बता दें कि स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें उन्होंने ही करके दी हुई इस फिल्म में उनका ये सभी चीज़ में फिल्म में आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी एंड दोस्तों फिल्म की प्रोड्यूसर की बात की जाए तो आपको बता दें जहाँ पर श्रीकांत मोहता उनके अलावा महेंद्रा सोनी ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हुए काफ़ी बड़े बड़े बोल सकते लाइक सीरीज के प्रोड्यूसर हैं तो दोस्तों स्टारिंग कास्ट की बात की जाए तो अविका गौर उनके अलावा जैसे कि अली रेजा एंड नंदू भी आपको इस में स्टार्टिंग कास्ट में देखने को मिलेगी इस सीरीज में तो दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए यानी सीरीज की तो राम के महेश का इस फिल्म यानी सीरीज में सिनेमाग्राफिक देखने को मिलता है पूरा सीरीज़ को उन्होंने सिनेमाग्राफिक दिए हुए वहीं पर अनिल कुमार पी का जो कि इसमें जैसे कि सीरीज़ में एडिटिंग देखने को मिलता है इस सीरीज को पूरा उन्होंने एडिट करके दिए हुए जहाँ पर उन्होंने जैसे कि आपको बता दें लाइक हर एक एपिसोड में आपको सत्रह से तेईस मिनट के साथ आप वॉच कर सकते हो जैसे कि सात एपिसोड में आपको एक एपिसोड में सत्रह से तेईस मिनट के अंदर लेंथ देखने को मिलेगी इसी के साथ आप पूरा एपिसोड को वॉच कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो वैसे आपको बता दे इसी लेंथ के साथ पूरी सीरीज को रखा गया है हाँ दोस्तों डेफिनेटली इसी के साथ आप वॉच कर सकते हो हाँ शायद कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है वो आप एपिसोड में देखोगे तभी आपको पता चलेगी तो दोस्तों फिल्म की म्यूजिकल डिपार्टमेंट यानी सीरीज की बात की जाए तो श्री राम माधुरी इस फिल्म यानी सीरीज को उनका म्यूजिक साउंड ट्रैक देखने को मिलते हैं जहाँ पर उन्होंने करके दिए हुए थे जो कि कंपोजिंग भी उनका रहा जो कि बैकग्राउंड स्कोर सीरीज में भी उनका है सुनने को मिलती है साथ ही दोस्तों अगर आप सभी सीरीज के साथ जब सीरीज चलता है हर एक एपिसोड में आप पूरा इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पर सॉन्ग्स के साथ बीजीएम जो बजता है डिटेलिंग में वही आपको पता चल जाएगी किस तरह से क्या रखा गया जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों फिल्म की सीरीज यानी प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी कौन सा कंपनी ने इस सीरीज को बनाई है कौन से कंपनी के अंडर तो श्री वेंकटेश फिल्म्स के बैनर के नीचे यानी कंपनी के अंडर इस सीरीज को यानी फिल्म को बनाई गई है जी हाँ दोस्तों वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो उनके ओर से डिस्ट्रीब्यूटर भी कंप्लीट करवाई है अब दोस्तों आर्टिस्ट की बात करेंगे मतलब लाइक कौन सा एक्टर एक्ट्रेस किस रोल के साथ मतलब सीरीज में नजर आएंगे यानी वही या आपको बताएंगे तो दोस्तों वैसे आपको बता दे यानी इस सीरीज़ में यानी फिल्म में ज़्यादा मतलब कैरेक्टर तो नहीं है आर्टिस्ट मतलब ज़्यादा तो नहीं लिया गया हाँ थोड़े बहुत ही है बट अगर आप एपिसोड में देखोगे तो आपको पता चल जाएगी कितना क्या है तो यहाँ पर मेकर्स ने जितना मतलब बताया उतना ही मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर ज़्यादा नहीं है तीन ही हैं तो उसी हिसाब से सब सबको मैं बताऊंगा जहां पर अविका गौर एज अंजूरी इंदु का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर इंदु करके फिल्म में बुलाते हैं उनको इंदु के साथ ही फिल्म में नजर आएंगे नंदू एज आनंद का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर इंदुस के हस्बैंड रहते इसमें सीरीज में जो कि आपको बता दें इसमें उसका मतलब हस्बैंड के साथ देखने को मिलेगी आपको फिल्म में यानी सीरीज में इसी के साथ आली रेजा एज ए आरिया का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर सीरीज में आपको इसी रोल के साथ नजर आने वाले हैं तो यही रोल इसमें भी ये निभा रहे हैं तो ओवरऑल सभी के सभी जो कि आर्टिस्ट यानी कास्टिंग बता दिया हूँ जिस हिसाब से जिस तरह से रखा गया उसी तरह आपको जिस तरह से मैंने यानी बताई आपको ओवरऑल उसी के साथ आपको देखने को मिलेगी यानी नजर आएगी सभी कास्टिंग जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों वादो वो फिल्म यानी सीरीज को 8 दिसंबर 2023 की एयर में जैसे कि डायरेक्ट ओ के डिजनी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज करवाई थी यानी कि प्रीमियम करवाई थी जहां दोस्तों जहां पर इंडियन तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जैसे कि कई सारे डब्ड वर्जन में जैसे कि हिंदी बंगाली तमिल कन्नडा मलयालम मराठी ये सभी डब्ड वर्जन में सीरीज को रिलीज की गई थी जो कि आप सभी फिल्म यानी सीरीज को देख पा रहे थे जी हाँ दोस्तों अपने बिल्कुल सही सुना तो जब वादो वो फिल्म यानी सीरीज़ को ओटीटी पर रिलीज़ की गई थी तो क्रिटिक्स का रेस्पॉन्स की बात की जाए तो यानी मिक्स रिव्यूस मिला था इस सीरीज़ को तो दोस्तों फिल्म यानी सीरीज़ को आईएमडीबी पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है इसी के साथ गूगल की बात की जाए तो 71% परसेंट इस फिल्म को यानी सीरीज़ को लाइक्स मिली हुई है साथ ही दोस्तों फिल्म का बजट यानी सीरीज़ की बजट की बात की जाए तो यहाँ पर पब्लिकली तो रिविल नहीं की गई जो कि अनहाइट करके रखे हुए मेकर्स ने जी हाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च किया था बट फिर भी मुझे पता नहीं चले जो भी पता चले वही आपको बता रहा हूँ जहाँ पर मतलब अनहाइट करके रखे हुए तो इसी के दौरान आपको पता नहीं पा रहा हूँ बट आने वाले टाइम पर देखते हैं उसका कुछ होता है तो आपको मैं आ, मतलब नेक्स्ट वीडियो पर कुछ जो भी है पूरा कोशिश करूंगा मतलब देने की बट फिलहाल अभी तो कुछ है नहीं जहां पर बजट अनहाइड करके रखे हुए हैं पब्लिकली रिवील नहीं की गई इसी के साथ दोस्तों वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो वो भी वहाँ पर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी अनहाइड करके रखे हुए हैं पब्लिकली रिवील नहीं की गई मेकर्स ने जी हाँ दोस्तों इसी के साथ अगर आप दोस्तों आपको बता दें जिस हिसाब से मतलब सीरीज ने रन कर पाई थी ओ पर जिस हिसाब से चल रही थी अभी जिस हिसाब से चल रही है तो दोस्तों वाद